तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पाइथन का रिवीजन 2.2, क्लास 11th में जो कुछ भी छूटा हुआ था, जिनके भी रिवीजन्स बाकी हैं, तो यहाँ पर तुम कर सकते हो आराम से रिवीजन 2.2 में। और इसके बाद क्या होगा कि तुम्हारा सारा का सारा जो क्लास 11th में जो कुछ भी पाइथन में छूटा हुआ था या फिर जो भी तुम्हें रिवाइज करना था, वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा, बेसिक पाइथन। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें छूट रही थी। पहले तो मैंने तुम्हें जो दिखाया था कि मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लगा कर रखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, इन चीज़ों को भी हम कवर करने वाले हैं। और साथ में मैंने लास्ट में जब तुम्हें नेस्टेड लूप्स बताया था, तो उसमें मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल, मैंने ये प्रोग्राम तुम्हें बनाकर दिखाया था, जहाँ पर क्या हो रहा था कि हम कोई भी नंबर ऐसे एंटर करते थे 5, और फिर उसके बाद हमारे पास ये बेसिक सा पैटर्न आ जाता था। तो मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है नेस्टेड लूप, तो मैंने तुम्हें ये बताया था कि मैं तुम्हें इसे बताने वाला हूँ कि तुम इसे सिंगल लूप के थ्रू भी कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम वही देखने वाले हैं कि इसे कैसे बनाएंगे, और उसके बाद फिर इन टॉपिक्स को वन बाय वन कवर करते जाएंगे। और कवर करते करते हम यहाँ पर जो चीज़ें यहाँ पर छूट रही थी, यहाँ पर ये फिर लॉजिकल एंड और उसके बाद फिर आइडेंटिटी ऑपरेटर, इन चीज़ों को भी हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें पैटर्न बनाना है, ठीक है, सिंगल लूप वाला। और इसमें, इस चैप्टर में तुम्हारे सिलेबस में नहीं दिया हुआ था रैंडम मॉड्यूल, लेकिन ये फिर, और 3, 2, 1, और इस चैप्टर में तुम्हारे बुक्स में नहीं दिया हुआ था रैंडम मॉड्यूल, लेकिन फिर भी मैंने इसे ऐड कर दिया क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी काम आएगा ये तुम्हें, तो मैंने इसे ऐड कर दिया। इसमें भी मैं क्या करूँगा कि क्लास 11th में जो क्लिप मैंने, जिसमें तुम्हें समझाया था, वो क्लिप मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, चलो फिर यहाँ पर सिंगल लूप से देख लेते हैं कि उस पैटर्न को कैसे बना सकते हैं। तो ये रहा हमारे पास डबल लूप, ठीक है, मतलब नेस्टेड लूप से हम जो बना रहे हैं, और एक काम करते हैं सिंगल लूप से भी बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ न्यू लाइंस को ऐड कर लेते हैं, कुछ खाली लाइंस को, ताकि हमारे पास थोड़ी स्पेस दिखे। बैक स्लैश एन, बैक स्लैश एन, बैक स्लैश एन, ये हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि एक सिंगल लूप से तुम्हें बनाकर दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर आई इन रेंज, कहाँ से कहाँ तक लेना है, तुम सबको पता ही होगा कि बाहर वाला लूप क्या हैंडल करता है, 1 से लेकर a+1 तक। ठीक है, 1 से लेकर a+1 तक, सॉरी। और इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर अब हम यहाँ पर सिंपल ये प्रिंट स्टेटमेंट डालेंगे, और उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हम यहाँ पर किस चीज़ को प्रिंट करवाने वाले हैं, स्टार को प्रिंट करवाने वाले हैं, स्टार लिखेंगे। और स्टार को हम कितनी बार प्रिंट कराने वाले हैं, जितना लाइन नंबर है उतनी बार। ठीक है, यहाँ पर हम रेप्लीकेशन का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर ये करने के बाद यहाँ पर हम स्पेस भी दे देते हैं। ठीक है, और उसके बाद तो फिर ये बैक स्लैश एन ले ही लेगा। ठीक है, तो बस 2 लाइन का कोड लिखा हमने यहाँ पर, और यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4 लाइन का कोड है। अब एक बार जब हम इसे अगर रन करके देखें तो ये क्या हो रहा है, ज़रा देखते हैं। 3 मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो मैं दिख रहा होगा सेम टू सेम पैटर्न्स आ रहे हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ये जो पैटर्न है वो नेस्टेड लूप के थ्रू बन रहा है, और ये जो है वो सिंगल लूप के थ्रू बन रहा है। ये कैसे हो रहा है, चलो एक बार देख लेते हैं, शुरू से देखते हैं, पहले इसको देखते हैं। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले तुम्हें क्या बताया था कि बाहर वाला जो लूप होता है वो नंबर ऑफ लाइंस को देखता है, और अंदर वाला जो लूप होता है वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को देखता है कि एक लाइन में कितने कैरेक्टर्स आएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर कितने मान लेते हैं, मैंने यहाँ पर, जैसे अगर मैं इसे रन कर रहा हूँ, तुम देख सकते हो अगर मैंने यहाँ पर 5 डाला, तो नंबर ऑफ लाइंस भी 5 है और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी 5 उतने होंगे जितना वो लाइन नंबर होगा। मतलब लाइन नंबर 1 में 1 है, लाइन नंबर 2 में 2 है, लाइन नंबर 3 में 3 है, लाइन नंबर 4 में 4 और लाइन नंबर 5 में 5, और ये टोटल लाइंस कितने हैं, 5, और हमने इनपुट क्या डाला था, 5। ठीक है, तो तुम यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर शुरू किया इसे 1 से लेकर a+1, और क्योंकि रेंज जो है वो अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करता, उससे कम जो होता है उसको लेता है। ठीक है, तो a में क्या था, 5, और 5 को अगर कम कर दे तो वो 4 हो जाएगा, लेकिन हमें 4 बार तो नहीं चलाना है। ठीक है, हमें 4 बार तो नहीं चलाना है, हमें कहाँ तक चलाना है, हमें इसे 5 बार चलाना है, इसलिए हमने इसे a+1 कर दिया, यानी कि यहाँ पर टेक्निकली 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे कह रहे हैं कि 1 से लेकर 6 टाइम्स चलाओ, लेकिन ये क्या समझेगा रेंज के थ्रू, ये समझेगा इस, ये हम इसे कह रहे हैं कि 1 से लेकर 5 टाइम्स चलाओ। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 लाइन्स आ जाएंगे। ठीक है, अब ये लाइन की चीज़ तो यहाँ पर खत्म हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं हम फॉर जे इन रेंज 1 से लेकर i+1। अब यहाँ पर लाइन्स आ रही हैं। ठीक है, आई में पहले 1 जाएगा, फिर 2 जाएगा, फिर 3 जाएगा, 4 जाएगा, 5 जाएगा। ठीक है, तो आई में जो चीज़ जा रही है उतने ही नंबर ऑफ कैरेक्टर्स तो हमें प्रिंट करवाने हैं, तो हमें इस चीज़ को हम कितने टाइम्स प्रिंट करवा रहे हैं, यहाँ से लेकर 1 से लेकर i+1। अब मैंने i+1 यहाँ पर क्यों लिखा है, तुम्हें क्लियर हो गया होगा। ठीक है,
तो ये मैंने कर दिया। और एंड में हमने ये स्पेस डाल दिया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रिंट में क्या होता है कि जैसे ही प्रिंट स्टेटमेंट की जो भी चीज़ है वो खत्म हो जाती है, तो उसके बाद फिर वो बाय डिफॉल्ट नीचे आ जाता है। तो हम ये तो नहीं चाहते कि वो एक स्टार प्रिंट करे, फिर वापस से नीचे आ जाए, फिर दूसरा स्टार प्रिंट करे। ऐसे क्या होगा कि हमारी सारी सारे जो स्टार्स थे वो लाइन बाय लाइन प्रिंट होंगे। लेकिन हमने क्या किया यहाँ पर, एंड में स्पेस कर दिया, मतलब कि जब तुम्हें ये करना हो तो तुम जैसे कि हमारी ये स्ट्रिंग जो है वो खत्म हो जाए, मतलब प्रिंट स्टेटमेंट में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो प्रिंट हो जाए, उसके बाद एंड वो किससे करे, सिर्फ एक स्पेस डाल के, ठीक है। तो ऐसे करते करते एक लाइन बन जाएगी, और लाइन बनने के बाद हमारे पास उस लाइन को तोड़ना भी तो है, जब वो अंदर वाला लूप का जो काम है वो खत्म हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर सिंपल एक डमी सा प्रिंट स्टेटमेंट डाल दिया, ताकि हमारे पास यहाँ पर एंड के थ्रू, जो कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर रहता है, एंड इज इक्वल्स टू बैक स्लैश एंड रहता है, तो यहाँ पर वो क्या करे कि एक नई लाइन को ऐड कर दे, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा न्यू लाइन में चलना शुरू होगा। तो इस तरह से ये पहला जो प्रोग्राम था हमारा नेस्टेड लूप वाला, वो काम कर रहा है। अब बढ़ते हैं हम यहाँ पर दूसरे लूप के पास, ठीक है। ये कैसे हम करवा रहे हैं इससे, देखो रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि तुम किसी भी स्ट्रिंग को यहाँ पर डाल दो, और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई वाला साइन यहाँ पर डाल दो, एस्टरिस्क बोलते हैं इसे, और इसे कितनी बार मल्टीप्लाई करना है वो डाल दो, ठीक है। बाहर का तो तुम्हें समझ आ चुका होगा, लेकिन अंदर हम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स डालने वाले हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि पहली बार एक कैरेक्टर प्रिंट हो, दूसरी बार दो। तो यहाँ पर आई में वो चीज़ आती जा रही है ना, आई में पहले वन आ रहा है, फिर टू आ रहा है, फिर थ्री आ रहा है, ठीक है। तो स्टार सबसे पहले वन टाइम्स प्रिंट होगा, उसके बाद फिर क्योंकि प्रिंट के अंदर एंड इज इक्वल्स टू बैक स्लैश एंड लगा हुआ है, तो हमें वो डालने की जरूरत नहीं है। फिर इससे यहाँ पर ये आ जाएगा, तो फिर यहाँ पर ये दो बार प्रिंट होगा, थ्री, फिर ये तीन बार, फिर चार बार, फिर पाँच बार। ऐसे करते करते ये हमारा लूप जो है वो सिंपली चल जा रहा है। अगर मैं इसे आठ डाल के दिखाऊं तो भी ये सेम आउटपुट हमें दे रहा है। लेकिन तुम्हें ये एग्जाम में किस तरह से बनाना है, तुम्हें अगर दिया रहेगा एग्जाम में कि तुम्हें नेस्टेड लूप से बनाना है, तो फिर तुम्हें नेस्टेड लूप से ही बनाना पड़ेगा। और मैं तो तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम नेस्टेड लूप से ही बनाओ, क्योंकि कोई भी जो एग्जामिनर वो तो वो सजेस्ट करेगा वन टू थ्री, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर जो होगा वो हमेशा तुमसे एक्सपेक्ट करेगा कि तुम ये जो पैटर्न्स बना रहे हो वो तुम नेस्टेड लूप में बनाओ, ठीक है। तो मैंने ये बस तुम्हें दिखा दिया कि ऐसे भी तुम बना सकते हो, लेकिन तुम्हें एग्जाम में बनाना हो तो तुम नेस्टेड लूप से बनाओगे, ठीक है। तो ये हो गया, अब इसको हटाते हैं हम। तो अगर किसी को स्वैपिंग में दिक्कत है तो मैं यहाँ पर तुम्हें तीन तरीके दिखाता हूँ जिससे हम स्वैपिंग कर सकते हैं। सबसे पहला, जो कि मैंने अभी बबल सॉर्ट में भी यूज किया हुआ है, ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू बी कॉमा ए, ये कर दिया मैंने। इससे क्या हुआ कि बी की जो वैल्यू थी वो ए में चली गई, और ए की जो वैल्यू थी वो बी में चली गई, बस सिंपल है। अगर मैं इसको रन करूँ तो तुम्हें दिख रहा होगा 10,20 पहले प्रिंट हो रहा है, और उसके बाद फिर 20,10 प्रिंट हो रहा है। इसके अलावा कौन सा और तरीका है हमारे पास, इसके अलावा है हमारे पास यूज ऑफ थर्ड वेरिएबल। तो एक काम करते हैं, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं सी, और सी में पहले ए की वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। और इसके बाद ए जो है वो ए में अब हम कुछ भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने सी को ए को याद रखने के लिए मैंने उसको सी में डाल दिया है। ए में हम अब कुछ भी डाल सकते हैं, तो ए में मैंने बी को डाल दिया, यही तो करना था। अब हमारे पास एक बी है, ठीक है। तो बी में हमें ए की वैल्यू डालनी थी, और ए में तो अभी हमने बी को डाला हुआ है, लेकिन ए की वैल्यू हमने सी में डाल दी थी, तो हम बी में सी को डाल सकते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर स्वैपिंग का काम फिर से कर लिया, फिर से तुम्हें दिख रहा होगा स्वैपिंग हो चुकी है। और जो तीसरा तरीका था वो ये था कि हम यहाँ पर यूज करें एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। ये कैसे होगा, ये इस तरह से होगा, पहले हम ए में दोनों का सम रखवा लेते हैं, ठीक है, ए प्लस बी, सिंपल। अब इसके बाद बी में हम क्या करते हैं, बी में हम ए माइनस बी करवा लेते हैं। तो इससे क्या होगा, हमें पता है कि ए में टोटल वैल्यू आ चुकी है, टोटल में से अगर मैं बी की वैल्यू माइनस करूंगा तो मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी जो प्रीवियस वैल्यू थी। तो इस तरह से यहाँ पर मेरे पास बी में ए स्टोर हो जाएगा, और अगर मेरे को अभी ए में जो है वो प्रीवियस बी वाली वैल्यू स्टोर करनी थी तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए यहाँ पर मैं इज इक्वल्स टू ए माइनस बी फिर से लिख दूंगा। इससे क्या होगा, इससे अभी मेरे पास ए में बी में ए की वैल्यू आ गई थी, ठीक है ना, और टोटल वैल्यू में से अगर मैं ए की वैल्यू माइनस करूंगा तो मेरे पास बी की वैल्यू आ जाएगी जो कि ए में स्टोर हो जा रही है। तो इस तरह से अगर यहाँ पर मैं स्वैपिंग करूँ और रन करूँ तो अब तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ पर भी ये स्वैपिंग हो पा रही है। अब हमारे पास क्या है, अब है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू रिविजन टू टू, ठीक है। और इंट्रोडक्शन में तुम्हें बस यही बताना है कि हमारे चैप्टर में जो कंटेंट्स है वो क्या है। तो सबसे पहले स्ट्रिंग्स इन पाइथन, अब तुम बोल रहे हो कि यहाँ पर तो स्ट्रिंग्स हमने पढ़ा था, ये रहा स्ट्रिंग्स किधर है, पढ़ा था या नहीं,
हाँ ये रहा, स्ट्रिंग्स हमने पढ़ा था, फिर लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है, पढ़ा था हमने, दिख रहा होगा तुम्हें सब कुछ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन किया था, और थोड़ी सी और चीज़ें यहाँ पर हम डेप्थ में देखने वाले हैं, फिर डिक्शनरीज, और उसके बाद फिर रैंडम मॉड्यूल का तो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि हम क्या करने वाले हैं, और उसके बाद हमारे पास है सॉर्टिंग टेक्निक्स, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट DSA में भी है, ठीक है। तुम्हारे पास एक चैप्टर आएगा स्टैक्स एंड क्यूज का, उसमें भी ये काम आएगा अगर तुम इस चीज़ को सीखते हो तो, ठीक है। ये बबल सॉर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट, और ये तुम्हारे इंजीनियरिंग में भी काम आने वाला है, क्योंकि वहाँ पर जॉब मिलती है, तो तुम्हें DSA करना पड़ता है जॉब्स के लिए, और DSA यानी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, और उसमें वही सब है, स्टैक्स, क्यूज, ट्रीज, ग्राफ्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तुम्हें उतने ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, तुम्हें बस ये सॉर्टिंग के दो मेथड्स को देखना है, मैं तुम्हें बता दूंगा कि ये क्या होता है, सब कुछ हम बिल्कुल बेसिक से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अभी ये तो हमारा हो गया, ये भी इंट्रोडक्शन भी मैंने तुम्हें दे दिया, अब आते हैं स्ट्रिंग्स पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम बना लेता हूँ सबसे पहले, स्ट्रिंग्स इन पाइथन। तो चलो स्ट्रिंग्स में मैं तुम्हें चीज़ों को ज़्यादा क्लियर कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर स्ट्रिंग्स में सबसे पहले मैं तुम्हें इंडेक्सिंग के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया राजनाथ, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट ए, तो मेरे पास क्या प्रिंट होने वाला है, मेरा ही नाम प्रिंट होने वाला है अगर मैं इसको रन करूँ, इसको हटाते हैं, हाँ तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा मेरा जो नाम है वो यहाँ पर प्रिंट हो जा रहा है। लेकिन अगर मेरे को सिर्फ आर एक्सेस करना है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि मेरे को सिर्फ पहला लेटर एक्सेस करना है, तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं दो स्क्वायर ब्रैकेट्स दूंगा और यहाँ पर मैं इंडेक्स डाल दूंगा, ठीक है। इंडेक्स में हम उसकी पोजीशन डालते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है पहला, तो जब भी तुम प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो तुम्हें ध्यान रखना है कि चीज़ें जो है वो काउंटिंग जो है वो जीरो से शुरू होती है, ठीक है, मोस्टली, ठीक है। तो यहाँ पर ये जीरो पोजिशन पे है, ठीक है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, ठीक है। हम भले इंग्लिश में कह सकते हैं कि ये 7 लेटर्स का है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, ये इसका जो जीरो इंडेक्स है वो जीरो है, इसका इंडेक्स 2 है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, ठीक है। तो अगर मैं ए ऑफ 0 लिखूं तो हमारे पास प्रिंट होकर आएगा आर, तो मैं दिख रहा होगा यहाँ पर आर प्रिंट हो गया। अब यहाँ पर मैं 5 लिखूं तो तुम्हें दिख रहा होगा कि क्या प्रिंट होने वाला है, टी प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पर ये टी प्रिंट हो चुका है, ठीक है। और ये था फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, ठीक है। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग कैसे, मैं क्यों फॉरवर्ड इंडेक्सिंग कह रहा हूँ इसे, तो ये शुरू हो रही है 0 से, फिर 1 से, फिर 2 से, 3, 4, 5, 6, ठीक है। ये थी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, लेकिन यहाँ पर हमारे पास पाइथन में हर लैंग्वेज में नहीं, लेकिन सिर्फ 1, 2, 3, हर लैंग्वेज में नहीं, लेकिन पाइथन में हमारे पास बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी होती है, ठीक है। तो अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ वो कैसे होती है। तो यहाँ पर जो हमारे पास लास्ट वाला जो कैरेक्टर है उसे हम कह सकते हैं, जो एड्रेस है उसका वो हम कह सकते हैं इसका इंडेक्स -1 है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर -1 लिख दूँ, -1, और अगर अभी मैं इसे रन करके दिखाऊं तो यहाँ पर तुम देख सकते हो मेरे पास एच एक्सेस हो जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर 6 भी लिखूँ तो भी मेरे पास एच एक्सेस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि मेरे पास पाइथन में दो तरह की इंडेक्सिंग होती है, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने 6 लिखा है, ठीक है, तो इसको पहले मैं हटाता हूँ, और यहाँ पर मैंने तुम बता दिया था कि -1 का क्या मतलब है, ठीक है, वो लास्ट वाले कैरेक्टर को एक्सेस करेगा, और अगर तुम -2 लिखते हो तो वो सेकेंड लास्ट कैरेक्टर को उठाएगा, यानी कि यहाँ पर टी होना चाहिए, ठीक है, ये हो गया। और ये कहाँ तक चलेगा, इसमें कितने लेटर्स हैं, 7, ठीक है। तो माइनस ऑफ, अगर मैं यहाँ पर 7 लिखूँ तो हमारे पास आर आना चाहिए, अगर मैं एंटर करूँ तो यहाँ पर मेरे पास आर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर -8 लिखूँ तब क्या होगा, यहाँ पर मेरे पास इंडेक्स एरर आएगा, ठीक है। एरर का नाम भी तुम यहाँ पर नोट करते जाओ, ठीक है, तुम्हें काम आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स एरर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर फॉरवर्ड इंडेक्सिंग के थ्रू 11 लिखूँ तब क्या होगा, तो भी यहाँ पर इंडेक्स एरर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी तुम समझ चुके हो, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग भी तुम समझ चुके हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर तुमसे कोई रेंज पूछा जाए कि फॉरवर्ड इंडेक्सिंग कहाँ से कहाँ तक काम करती है, ठीक है, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग कहाँ से कहाँ तक काम करती है, या फिर बैकवर्ड इंडेक्सिंग कहाँ से कहाँ तक काम करती है, तो तुम कह सकते हो अगर फॉरवर्ड इंडेक्सिंग की बात करें तो 0 से लेकर 0 to n तक, सॉरी n तक नहीं, n-1 तक, क्योंकि यहाँ पर हम जब काउंट कर रहे हैं तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक, ठीक है, 7 नहीं आ रहा, तो n-1। n हम यहाँ पर किसको बोल रहे हैं, n जो है वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं लेंथ है, ठीक है, हो गया। अभी और क्या है हमारे पास, अब बैकवर्ड इंडेक्सिंग है, बैकवर्ड इंडेक्सिंग माइनस ऑफ n से लेकर -1 तक, ठीक है, ये ऐसे काम करती है। माइनस ऑफ ये 7 हो जाएगा, -6, -5, -4, -3, -2 और ये -1,
इस तरह से ये बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी काम करती है। तो ये रहा इनका रेंज, अब तुम्हें इंडेक्सिंग काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गई होगी। और हाँ, अगर तुम्हें सिर्फ देखना है कि किसी भी वेरिएबल में जो चीज़ जो स्ट्रिंग है उसकी जो लेंथ है वो क्या है, तो तुम यहाँ पर सिंपली लेंथ फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। लेंथ डाल दो और उसके अंदर तुम ए डाल दो, ठीक है। ए हमारे वेरिएबल का नाम है जिसमें मैंने राजनाथ को असाइन किया हुआ है। तो अगर मैं इसको रन करके देखूँ तो यहाँ पर तुम्हारे पास आ रहा है 7, यानी कि हमारे पास लेंथ जो है वो 7 आ गई है, ठीक है। तो अगर मैं इसके थ्रू अगर एक्सेस करना चाहूँ, अगर मैं ए ऑफ, मैंने ये कर दिया, ए में मैं क्या एक्सेस करना चाह रहा हूँ, 7th, ठीक है, 7th इंडेक्स जिसकी है, ठीक है। तो 7th इंडेक्स तो है ही नहीं यहाँ पर किसी की, तो यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स एरर वापस से आ रहा है। अगर मैं इसमें -1 कर दूँ, -1 अगर अभी से रन करें, अब दिख रहा होगा तुम्हें यहाँ पर एच जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। ये थी इंडेक्सिंग। अब स्ट्रिंग्स में ही मैंने तुम्हें पिछले चैप्टर में एक चीज़ समझाई थी कि स्ट्रिंग्स जो है वो हमारे पास इम्यूटेबल डेटा टाइप का आता है, ठीक है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर इन सबको हटाऊं, और अगर मैं यहाँ पर 1 2 3, अगर मैं यहाँ पर फिर से दीपक यहाँ पर स्टोर करना चाहूँ तब क्या होगा। देखो यहाँ पर पहले मैंने ए में राजनाथ असाइन किया हुआ है, उसके बाद फिर मैं क्या कर रहा हूँ, ए में दीपक असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। इस वक्त क्या होगा, अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पर मेरे पास दीपक प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ए में हमारे पास जो डी लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, इस डी को हटाकर आर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, अगर मैं यहाँ पर एक्सेस करूँ पहले एलिमेंट को, ए ऑफ 0 इज इक्वल्स टू आर, मतलब हम इसे दीपक को चेंज करके रीपक करना चाह रहे हैं, और ये मुझे स्ट्रिंग में देना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या ये हो पाएगा, नहीं ये नहीं हो पाएगा। ये क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो हमारे पास स्ट्रिंग्स होते हैं ये इम्यूटेबल डेटा टाइप के होते हैं। मतलब हम यहाँ पर किसी भी वेरिएबल में जो चीज़ जो स्ट्रिंग असाइन की हुई है, ठीक है, या फिर जो कुछ भी असाइन किया हुआ है, तो उसमें से कोई एक एलिमेंट उठा के चेंज नहीं कर सकते। हम भले ये कर सकते कि पूरे के पूरे जो भी एलिमेंट जो कि हमारा असाइन किया हुआ है, पूरे के पूरे आइटम को हम चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर चेंज करके दिखाया तुम्हें, राजनाथ को मैं दीपक कर दे रहा हूँ, ये हम कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर किसी एक कैरेक्टर को उठा के चेंज करना चाहूँ तो वो हम नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली, इंडेक्सिंग के थ्रू तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने तुम्हें ये बताया था कि ये जो चीज़ है स्ट्रिंग्स, ये इम्यूटेबल डेटा टाइप की है। तो हमारे पास ये चीज़ भी अब खत्म होती है। अब हमारे पास है ट्रांसवर्सिंग स्ट्रिंग, ठीक है। तो अगर अब मैं यहाँ पर तुम्हें बताता हूँ कि ट्रांसवर्सिंग स्ट्रिंग क्या होता है, तो ट्रांसवर्सिंग का बेसिक मतलब ये है कि तुम एक एक करके कैरेक्टर्स को एक्सेस करते जाओ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ फॉर आई इन ए, ठीक है, फॉर प्रिंट आई, बस हमारा काम यहीं पर खत्म हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर रन करूँ तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा कि एक एक करके कैरेक्टर्स यहाँ पर एक्सेस हो रहे हैं, ठीक है। हम एक एक एलिमेंट्स को असल में एक्सेस कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर वो हम कैसे दिखाएंगे इसे, अब ये इसका तरीका कुछ इस तरह से होता है कि यहाँ पर तुम सिंपली एंड में तो पहले ये डाल दो स्पेस, ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पर एक और चीज़ डाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कोई एक सिंबल डाल दूँ, जैसे अगर मैं एट द रेट डाल दूँ, या फिर तुम चाहो तो कोई भी एक सिंबल डाल दो। तुम्हारे बुक्स में ये टिल्ड वाला साइन दिया हुआ है, सॉरी ये नहीं, ये तो बैकटिक है, ये टिल्ड वाला साइन दिया हुआ है, ठीक है। अब जो है, अब देखो तुम्हारे पास क्या आउटपुट आता है। देखो यहाँ पर क्या किया हुआ है मैंने कि हर एक कैरेक्टर के बाद मैं एक सिंबल को लगा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैंने अपने किसी भी व्यूअर को दिखा दिया कि यहाँ पर मेरे पास जो आउटपुट आ रहा है उसको हम एक एक करके एक्सेस कर पा रहे हैं। मतलब जो भी हमारे पास स्ट्रिंग है उसको एक एक करके हमने एक्सेस कर लिया, ठीक है। अब तुम चाहो तो यूजर से इनपुट लो कोई स्ट्रिंग, और उस स्ट्रिंग में तुम ट्रांसवर्सिंग करके दिखाओ, ठीक है। इसे ही हम कहते हैं ट्रांसवर्सिंग, और इसकी जो स्पेलिंग है वो ये है, अगर तुम देखना चाहो तो, ठीक है। तो हम ट्रांसवर्सिंग का मतलब समझ चुके हैं, और स्ट्रिंग्स में हम कैसे करते हैं ट्रांसवर्सिंग ये भी तुमने देख लिया है। अब देखो स्ट्रिंग्स में हमारे पास दो और चीज़ें हैं जिसे हम कहते हैं कॉन्कैटनेशन और रेप्लिकेशन, ठीक है, ऑपरेशन इन स्ट्रिंग्स। एक काम करता हूँ, मैं इन चीज़ों को भी ऐड करता जाता हूँ यहाँ पर, जो कुछ भी मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ वो। सबसे पहले हमने पढ़ा इंडेक्सिंग के बारे में, इंडेक्सिंग के बारे में पढ़ने के बाद हमने यहाँ पर पढ़ा असाइनमेंट के बारे में, ठीक है, मतलब इम्यूटेबिलिटी के बारे में। फिर इम्यूटेबिलिटी के बाद पढ़ने के बाद उसके बाद हमने पढ़ा था ट्रांसवर्सिंग के बारे में, और अब हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग ऑपरेशंस के बारे में, ठीक है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग ऑपरेशंस के बारे में, और इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्ट्रिंग कॉन्कैटनेशन और रेप्लिकेशन, ठीक है। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कॉन्कैटनेशन
हो गया। अब देखो कॉनकैटनेशन का मतलब क्या होता है, कॉनकैटनेशन का मतलब होता है सिंपली कि दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ देना है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर मैंने ए लिखा है, बी में अगर मैं स्टोर कर दूँ प्रसाद, ठीक है, और अगर मैं अभी प्रिंट करवाऊँ ए प्लस बी, तो अब तुम ये कह सकते हो कि ये दोनों कोई नंबर्स थोड़ी है जिन्हें हम जोड़ेंगे, लेकिन हम इन्हें जोड़ सकते हैं स्ट्रिंग्स को। हम यहाँ पर कॉनकेटेनेशन का ऑप्शन हमें मिलता है, ठीक है, पाइथन में। तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा राजनाथ, और बिना स्पेस के यहाँ पर प्रसाद भी हो गया, ठीक है। तो एक काम करते हैं, बीच में एक स्पेस भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने बीच में एक स्पेस लगा दिया, ठीक है। तो अब तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ पर तीन स्ट्रिंग्स को हम कॉनकेटेनेट कर रहे हैं। पहला हमारे पास राजनाथ है, दूसरे में हमारे पास सिर्फ एक स्पेस है, और तीसरे में हमारे पास प्रसाद है, ठीक है। अगर मैं अभी से रन करूँ तो तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ पर कॉनकेटेनेशन कितने अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। और ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हमारे पास जब भी हम कॉनकेटेनेशन कर रहे हो, तो हमारे पास जितने भी स्ट्रिंग्स जितनी भी चीज़ें हों जिनका हम कॉनकेटेनेशन कर रहे हैं, वो सारे के सारे स्ट्रिंग्स होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ये भी हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ये भी हमारे पास एक स्ट्रिंग है। तो कॉनकेटेनेशन में हमें ये ध्यान रखना है कि सारे के सारे जो भी चीज़ें हैं जिनका भी हम कॉनकेटेनेशन करा रहे हैं, उनको हम स्ट्रिंग्स में ही रखें, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास है रेप्लिकेशन। तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पर रेप्लिकेशन, ठीक है। रेप्लिकेशन का मतलब सिंपली होता है मल्टीप्लिकेशन, जो कि अभी मैंने तुम्हें पैटर्न में दिखाया था। यहाँ पर अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, नहीं ये नहीं था, इसको हटाते हैं। तो यहाँ पर मैंने तुम्हें दिखाया कि हम यहाँ पर स्टार को कितनी बार प्रिंट कराना चाहते हैं, हर एक बार आई टाइम्स प्रिंट कराना चाहते हैं। तुम समझ चुके होगे अभी। मान लेते हैं अगर मैं इसको यहाँ पर एक स्पेस डाल दूँ ताकि तुम्हें सेपरेशन दिखे, और इसको हटाकर मैं यहाँ पर स्टार, अगर यहाँ पर इसको हटाकर अगर मैं स्टार लिखूँ, अगर मैं इसे भी रन करूँ, तो यहाँ पर मेरे पास तीन बार राजनाथ प्रिंट हो रहा है। और स्पेस कहाँ से आ रहा है, स्पेस यहाँ पर मैंने ऑलरेडी डाल दिया ताकि तुम्हें दिख जाए कि मैंने यहाँ पर स्पेस का भी यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर तुम रेप्लिकेशन का काम कर सकते हो। रेप्लिकेशन का मतलब ये होता है कि तुम उस वेरिएबल को कितने बार प्रिंट कराना चाहते हो। जैसे यहाँ पर ये राजनाथ है, तो राजनाथ तीन बार प्रिंट हो रहा है, ठीक है। और अगर तुम्हें यहाँ पर राजनाथ प्रसाद टोटली प्रिंट करवाना है तीन बार, तो यहाँ पर काम करता हूँ मैं, राजनाथ स्पेस प्रसाद, ठीक है। बी में प्रसाद लिखा हुआ है, और एक काम करते हैं स्पेस को भी बीच में रख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से स्पेस को हटाते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर स्पेस को ऐड कर लिया है। अब देखते हैं जरा क्या होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, राजनाथ एक बार प्रिंट हो रहा है, लेकिन उसके बाद प्रसाद तीन बार प्रिंट हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, तुम्हें तुम सबको पता ही है यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर प्लस से ज़्यादा जो प्रेसिडेंस होता है वो मल्टीप्लिकेशन का होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर ब्रैकेट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि ब्रैकेट सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अगर अभी मैं इसको रन करके दिखाऊँ तुम्हें, तो हमारे पास राजनाथ प्रसाद, फिर राजनाथ प्रसाद, फिर राजनाथ प्रसाद ऐसे प्रिंट हो रहा है। यहाँ पर मैं काम करता हूँ कि प्रसाद के बाद भी एक स्ट्रिंग को ऐड कर देता हूँ, उसमें एक स्पेस हो तो तुम्हें सब चीज़ें अच्छी से दिख जाए, ठीक है। राजनाथ स्पेस प्रसाद ऐसे करके तुम्हें दिख रहा होगा, यहाँ पर तीन बार ये प्रिंट हो चुका है। तो ये था रेप्लिकेशन, ठीक है। हमने ये भी पढ़ लिया कॉनकेटेनेशन रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन में तुम्हें ये ध्यान रखना है कि हम जिस चीज़ को भी रेप्लिकेट करना चाहें, तो हमारे पास पहले जिस चीज़ को हम रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं वो तो स्ट्रिंग होनी चाहिए, और उसके बाद फिर जितने टाइम्स में रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं वो एक इंटीजर नंबर हो, ठीक है। दिख रहा होगा तुम्हें, एक नंबर हो। अगर मैं यहाँ पर 3.5 लिख दूँ तब क्या होता है, एरर दिख रहा है तुम्हें। अगर मैं 3.0 भी लिख दूँ यहाँ पर तो क्या होता है, अगर अभी मैं इसको रन करके दिखाऊँ तुम्हें, तो भी ये एरर आ रहा है। मतलब यहाँ पर तुम्हें स्ट्रिंग के साथ जो भी मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लीकेशन कितने टाइम्स में करना है, वो तुम्हें एक इंटीजर में ही डालना होगा, तभी तुम्हारा रेप्लिकेशन जो है वो काम करेगा। तो ये था रेप्लिकेशन। तो यहाँ पर हमें शुरू करना है मेंबरशिप ऑपरेटर से। अब मेंबरशिप ऑपरेटर अगर तुम रिवीजन टूर 1 में देखो, तो यहाँ पर भी होगा तुम्हारे पास, यहाँ पर दिख रहा होगा ये मेंबरशिप ऑपरेटर है, ठीक है। इस चीज़ को तो हम यहाँ पर से पहले से हटाते हैं, क्योंकि हम इस चीज़ को अभी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैंने इसको बचा कर रखा था ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर इस चीज़ को हटाते हैं, एक काम करते हैं प्रिंट स्टेटमेंट को रहने देते हैं और अंदर की चीज़ों को हटाते हैं। अब मेंबरशिप ऑपरेटर है क्या, देखो इसमें है क्या, इसमें यहाँ पर इन और नॉट इन है, ठीक है। मतलब कि अगर हमें ये देखना हो, अगर ये देखना हो हमें कि ए जो है वो राजनाथ के अंदर, या फिर ए मतलब कि जो ए कैरेक्टर है वो इस ए वेरिएबल के अंदर प्रेजेंट है या नहीं, या फिर इस स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट जो है वो है या नहीं, तो इस केस में हम मेंबरशिप ऑपरेटर का काम ले सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ ए इन ए, ठीक है,
अगर मैं इसको अभी तुम्हें रन करके दिखाऊं तो यहाँ पर ये कह रहा है ट्रू, मतलब है, प्रेजेंट है। अगर मैं यहाँ पर आर लिख दूँ तो भी ये कहेगा कि ट्रू प्रेजेंट है। और अगर मैं यहाँ पर इस वेरिएबल को ना लिख के पूरा का पूरा राजनाथ लिख दूँ तो भी ये सेम ही काम करेगा, इसमें कोई अंतर है नहीं। अभी तक तो सब तुम समझ ही चुके होगे, यहाँ पर भी ये ट्रू प्रिंट कर रहा है। और अगर मैं नॉट लिख दूँ इसके पहले तो ये एक इसका जस्ट उल्टा काम करेगा कि अगर प्रेजेंट होगी तो वो फॉल्स प्रिंट करेगा, और अगर प्रेजेंट नहीं होगी तो वो ट्रू प्रिंट करेगा। तो ये प्रेजेंट है तो यहाँ पर इसके इसने फॉल्स प्रिंट कर दिया। ठीक है, हम इससे कहना चाह रहे हैं कि आर जो है वो राजनाथ के अंदर नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये कहना चाह रहे हैं कि तुम गलत बोल रहे हो। ठीक है, सिंपल बस ये था। और इनका भी मतलब तुम समझ चुके हो। तो इस तरह से हमने यहाँ पर मेंबरशिप ऑपरेटर का जो काम था वो खत्म कर दिया। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, अब है हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा कंपैरिजन ऑपरेटर, कहीं दिख रहा है क्या तुम्हें? या जो रिलेशनल ऑपरेटर्स है इसे ही हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस चीज को पहले हटाऊं कि और यहां पर मैं लिख दूं ए इज ग्रेटर देन, सॉरी ग्रेटर देन बी, ये लिखने के बाद अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं तुम्हें तो ये कहना चाह रहा है ट्रू। ठीक है, ये ट्रू कैसे कह रहा है यहाँ पर, ये किन किन चीज़ों को देखकर इस चीज़ को ट्रू कहना चाह रहा है? ठीक है, तो सबसे पहले अगर इस चीज़ को देखा जाए तो यहाँ पर कितने कैरेक्टर्स हैं, वन, यहाँ पर टोटल 7 कैरेक्टर्स है। ठीक है, और अगर इस चीज़ को देखा जाए तो यहाँ पर कितने कैरेक्टर्स हैं, यहाँ पर 6 कैरेक्टर्स हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कैरेक्टर्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स से जज कर रहा हो? एक काम करते हैं कि इस चीज़ को हम यहाँ पर कम कर देते हैं और अभी देखते हैं, अभी भी ये ट्रू प्रिंट कर रहा है। मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को ये नहीं देख रहा है। ठीक है, मतलब लेंथ को ये नहीं देख रहा है। अब ये अगर लेंथ नहीं देख रहा है तो फिर ये क्या देख रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर आर जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बाद में आता है और पी पहले आता है, इसलिए? कहीं ऐसा तो नहीं? अगर मैं इसको रन करके देखूँ तो ये हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर आर को हटा के ए कर दूँ। ठीक है, अब तो ए पहले आ रहा है, पी बाद में आ रहा है, अब तो बी को बड़ा होना चाहिए, यानी कि इसका जो रिजल्ट है वो फॉल्स होना चाहिए। अगर मैं इसको भी रन करके दिखाऊं तो ये फॉल्स आ रहा है। मतलब क्या मतलब ये कि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देख रहा है। ठीक है, लेकिन क्या होगा अगर मैं यहाँ पर वन डाल दूँ तो? ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम कैसे चेक करेंगे? या फिर क्या होगा अगर मैं यहाँ पर सिर्फ स्मॉल ए फिर से एक और ऐड कर दूँ? अगर अभी मैं इसको रन करूँ तो ये क्या होगा? ये ट्रू प्रिंट कर रहा है। ठीक है, लेकिन स्मॉल ए इस चीज से बड़ा कैसे हो सकता है, या फिर पी से बड़ा, कैपिटल पी से बड़ा कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर ये किस चीज को फॉलो कर रहा है? अब देखो यहाँ पर ये ऑर्डर को तो फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसको सही कर देता हूँ, लेकिन ये किस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है? ये आस्की कोड के ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ASCII कोड। ठीक है, इससे हम कहते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कोड। ठीक है, अब तुम्हारे कीबोर्ड में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, जो भी तुम्हें दिख रहे हैं, उन सब का एक कोड होता है जो कि असाइन किया होता है। और हम जब भी अपने कीबोर्ड से उस चीज़ को प्रेस करते हैं तो हमारा आस्की कोड ही जा रहा होता है। ठीक है, और उस चीज़ से हमारा जो कंप्यूटर है या फिर हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उस चीज़ को एक्सेस करता है और फिर वो पता लगाता है कि इसमें ये कैरेक्टर है। ठीक है, अब अगर तुमने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा क्लास 11th में तो तुम्हें अच्छे से समझ आ रहा होगा, लेकिन अगर नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं। यहाँ पर मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि ये जो कैरेक्टर्स होते हैं, ये जो कोड होता है, इसका जो प्रेसिडेंस होता है। फिलहाल मैं तुम्हें यहाँ पर इस चीज़ का पूरा टेबल दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने तुम्हारे पास एक इमेज खोल कर रख दी है। यहाँ पर क्या है तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पर सिंपली तुम्हें कोड दिख रहा होगा और यहाँ पर वो कैरेक्टर्स तुम्हें दिख रहे होंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कैपिटल ए के पास आऊँ, यहाँ पर कैपिटल ए के पास क्या है, यहाँ पर जो HTML करके दिया हुआ है, या फिर तुम देख सकते हो डायरेक्ट डेसिमल में। ठीक है, डेसिमल में जो भी चीज़ तुम्हें दी हुई है वो आस्की कोड है उस चीज़ का। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर कैपिटल ए में आऊँ तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, 65। यही अगर मैं स्मॉल ए के पास आऊँ तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 97। तो ये है इस तरह से काम कर रहा है जो आस्की कोड है वो, ए बी सी डी, ये तो सीरीज में 65, 66, 63। इन सब चीज़ों के बाद खत्म होने के बाद यहाँ पर जेड पर ये चीज़ें खत्म हो रही है, उसके बाद कुछ सिम्बल्स हैं और सिम्बल्स के खत्म होने के बाद यहाँ पर हमारे पास स्मॉल जो ए बी सी डी है वो शुरू हो रही है। ठीक है, तो तुम बस इसका ये रेंज याद कर सकते हो कि यहाँ पर जो है तुम्हारे पास कैपिटल ए वो 65 से शुरू हो रहा है, उसके बाद फिर अगर तुम यहाँ पर ऐड कर दोगे 25 को, फिर तुम्हारे पास आ जाएगा कि यहाँ पर ये कब कहाँ पर ख़त्म हो रही है। ठीक है, और फिर यहाँ पर ये तुम्हें याद रखना है कि इसमें जो स्मॉल ए है वो 97 पे शुरू हो रही है, और फिर तुम उसी तरह से पता लगा सकते हो कि ये 122 पे ख़त्म हो रही है। और यहाँ पर तुम्हें जो नंबर दिख रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4, ये कहाँ से कहाँ तक चल रहे हैं। ठीक है,
तो बस ये था एक ऑर्डर, और तुम इसका एक रफ आइडिया ले सकते हो। खैर इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन भी आता है, एक नहीं दो फंक्शंस आते हैं। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करवाऊँ ओ आर डी ऑफ, अब यहाँ पर मैं कोई एक कैरेक्टर डाल दूँ ए, ठीक है इस चीज़ को हटाते हैं, और इस पूरे चीज़ को हम कमेंट आउट कर देते हैं। अगर अभी मैं इसको रन करके दिखाऊं तुम्हारे पास, तो यहाँ पर 97 आ रहा है, मतलब कि ओरिजिनल वैल्यू यानी कि आस्की कोड, ठीक है। ओ आर डी फंक्शन के अंदर जो भी तुम चीज़ डालोगे उसकी ये आस्की कोड निकाल कर तुम्हें दे देगा, ठीक है, यानी 97 आ रही है, ठीक है। अगर क्या आप क्या होगा अगर यहाँ पर मैं ए बी सी डी ऐसे डाल दूँ, अगर अभी से रन करके दिखाऊं तुम्हें, तो ये एरर आ रहा है, ये कह रहा है कि तुम्हें बस एक चीज़ एक आर्ग्यूमेंट यहाँ पर डालना था, लेकिन तुम यहाँ पर इतने सारे चीज़ें डाल चुके हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिंगल आर्ग्यूमेंट पे ही काम कर रहा है, यहाँ पर 97 आ गया। अगर मैं यहाँ पर कैपिटल ए डालूँ तो ये 65 दे देगा मुझे, ठीक है ये 65 आ गया। इसके बाद यहाँ पर तो ए आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं कोई और फंक्शन का यूज़ करूँ जिसे हम कैर कहते हैं, ठीक है सी एच आर, और अगर मैं इसे अभी रन करूँ यहाँ पर, अभी तो ये रन नहीं होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर 65 डालूँ, ठीक है, अगर अभी मैं इसे रन करने की कोशिश करूँ तो मेरे पास यहाँ पर कैपिटल ए आ रहा है, ठीक है। मतलब तुम समझ गए हो कि हमारे पास दो फंक्शंस हैं ऐसे, पहला तो ओ आर डी जो हमें ऑर्डिनल वैल्यू यानी कि आस्की कोड निकाल कर देता है उस चीज़ का, जो चीज़ हम यहाँ पर क्लिक कर दें इसे कैपिटल है तो ये 65 निकाल के देगा, और कैर हमारे पास एक फंक्शन आता है सी एच आर, जिसके अंदर हम कुछ भी चीज़ अगर डालें तो उस आस्की कोड में कौन सी वैल्यू मतलब कौन सी जो स्ट्रिंग है वो स्टोर्ड है वो निकाल के देता है, ठीक है। तो इससे हमारे पास प्रिंट होगा 65, और इससे हमारे पास प्रिंट होगा कैपिटल ए। अगर मैं इसको रन करके दिखाऊँ तुम्हारे पास, सॉरी अगर मैं इसको सिलेक्शन हटाकर अभी रन करके दिखाऊँ तो मैं दिख रहा होगा यहाँ पर कि ये 65 आ रहा है और ये ए आ रहा है। तो तुम इस तरह से ऑर्डिनल वैल्यू और कैरेक्टर्स का पता भी कर सकते हो। अब हमारे पास है कंपैरिजन ऑपरेटर के बाद स्लाइसिंग, ठीक है, और स्लाइसिंग के बाद हम देखने वाले हैं स्ट्रिंग्स के फंक्शंस और मेथड्स। स्ट्रिंग काफ़ी ज़्यादा लंबा खींचा जा चुका है, लेकिन बाकी चीज़ें थोड़ी शॉर्ट रहेंगी क्योंकि अब बेसिक चीज़ें तुम समझते जा रहे हो हर चीज़ में, ठीक है। तो बात करते हैं स्लाइसिंग के बारे में, ठीक है। तो स्लाइसिंग क्या होती है? स्लाइसिंग होती है कि बस सिंपल वो जो इंडेक्स का भी तुमने पढ़ा था सेम है, बस यहाँ पर तुम एक रेंज में उस चीज़ को परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं इस चीज़ को पहले कंप्लीट करता हूँ, और यहाँ पर मैं इंडेक्सिंग का अगर यूज़ करना चाहूँ, यहाँ पर मैं अगर लिख दूँ 5, तो यहाँ पर मेरे पास कोई एक कैरेक्टर उठ के आ जाएगा, कौन सा कैरेक्टर उठ के आ रहा है टी, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पर मैं आर से लेकर जे तक सारा कुछ स्टोर करना चाह रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास इस तरह से इंडेक्सिंग अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरे पास सिर्फ टी आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं सारी की सारी चीज़ को उठाकर डालना चाहूँ तो मेरे पास क्या आएगा? तो यहाँ पर अगर मैं 0 लिखूँ और उसके बाद फिर एक कोलन दूँ, ठीक है, और उसके बाद फिर 0 1 2 लिखूँ तो क्या होगा? अगर मैं इसको भी रन करके दिखाऊँ तुम्हें तो सिर्फ आर ए आ रहा है, जे नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 0 1 और 2 यानी कि लास्ट वाली जो चीज़ है वो नहीं आ रही है, ठीक है। मतलब रेंज फंक्शन की ही तरह हमारे पास जो स्लाइसिंग होती है वो भी लास्ट वाली चीज़ को ऐड नहीं करती है, ठीक है। मतलब यहाँ पर मुझे 3 लिखना पड़ेगा अगर मुझे आर ए जे लगवाना है, तो यहाँ पर तुम देख रहे हो कि यहाँ पर आर ए जे आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से तुम यहाँ पर स्लाइसिंग कर सकते हो, तुम्हें यहाँ पर कोई भी रेंज उठानी हो तो तुम उठा सकते हो। यहाँ पर सिंपली उसे तुम्हें क्या करना है, वेरिएबल का नाम लिखो और उसके बाद फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पर कहाँ से शुरू करवानी है चीज़ों को और फिर उस चीज़ को कहाँ पर ख़त्म करवाना है एक कॉलम देके, वो चीज़ यहाँ पर तुम लिख सकते हो। क्या बस इतना ही है? नहीं, ये इतना ही नहीं है। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 0 को हटा दूँ, ठीक है, सिर्फ कोलन और 3 लिखूँ, तो क्या होगा हमारे पास? तो ये बाय डिफॉल्ट ये 0 से ही चीज़ों को उठाएगा, मतलब आर ए जे ही प्रिंट करेगा, हमें यहाँ पर 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इसको रन करूँ तो तुम्हें दिख रहा होगा। और अगर मैं यहाँ पर 3 को हटा दूँ और यहाँ पर काम करता हूँ मैं 3 लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, 3 से शुरू करवा रहा हूँ और कहाँ पर ख़त्म करा रहा हूँ मैंने ये डिफाइन नहीं किया इसे, तो ये बाय डिफॉल्ट एंड ऑफ द कैरेक्टर पे आ जाएगा। अगर मैं इसे रन करूँ तो तुम्हें दिख रहा होगा एन ए टी एच ये पूरा का पूरा आ चुका है, ठीक है, 0 1 2, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से ये शुरू हो रहा है 3 से एन ए टी एच तक ये आ जाएगा, ठीक है। क्या होगा अगर मैं यहाँ पर सिर्फ एक कोलन दे दूँ? तो ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट करके रख देगा, ठीक है। अब देखो अभी तक हम देख रहे थे यहाँ पर हमने दो दो चीज़ें डाली हुई थी, 0 से लेकर या फिर कह सकते हैं 1 से लेकर 4, ठीक है। इसको अगर मैं रन करूं तो यहाँ पर मेरे पास कुछ ना कुछ तो स्ट्रिंग आ रही है, ठीक है। लेकिन हमारे पास अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दो चीज़ें डाल रहे हैं, पहला एक स्टार्टिंग और उसका फिनिश, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक और चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं स्टेप वैल्यू, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कॉलम दे दूँ और यहाँ पर अगर मैं 5 करूँ, ठीक है, 5 तो नहीं हो पाएगा, एक काम करते हैं, बाय डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू में 1 रहता है, ठीक है, पॉजिटिव में 1 प्लस 1, ठीक है।
तो इसको हटाकर मैं एक काम करता हूँ, टू कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं शुरू करवाता हूँ जीरो से। अब देखते क्या होता है। अब यहाँ पर तुम्हें सिर्फ दो चीज़ें प्रिंट, दो कैरेक्टर्स प्रिंट होते हुए दिख रहे होंगे, आर और जे। ये कैसे हो रहा है? अगर तुम जीरो से उठा रहे हो तो उसके बाद जीरो में प्लस करो टू, यानी कि वन और टू, ठीक है, फिर ये टू चीज़ टू वाली इंडेक्स को लेगा, उसके बाद फिर से टू में टू प्लस करो थ्री और फोर, ठीक है, तो ये फोर वाले चीज़ों को लेगा, मतलब फोर इंडेक्स पे जो चीज़ है उसको लेगा, लेकिन फोर को ये इंक्लूड ही नहीं कर रहा है, इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक है, इसलिए हमारे पास जे प्रिंट हो रहा है, आर और जे प्रिंट हो रहा है सिर्फ, ठीक है। तो स्टेप वैल्यू क्या करती है कि इंडेक्स जीरो से शुरू हो रही है, उसके बाद फिर उस चीज़ में ऐड होती जाती है, ठीक है, जीरो जीरो वाली जे, वन टू थ्री, जीरो थी इंडेक्स वाली चीज़ प्रिंट होगी, उसके बाद फिर प्लस टू होगा जीरो में, यानी वन और टू, फिर टू इंडेक्स वाली चीज़ प्रिंट होगी, उसके बाद फिर से प्लस टू होगा, फिर थ्री और फोर, ऐसे करते करते ये स्टेप वैल्यू का ये काम होता है। अब ये जो स्लाइसिंग का काम है ये तुम बैकवर्ड में भी कर सकते हो। अगर मैं इस पूरी चीज़ को हटा दूँ यहाँ से, और यहाँ पर मैं अगर लिखूँ माइनस ऑफ वन से लेकर, या फिर कह सकते हैं माइनस ऑफ टू से लेकर माइनस ऑफ फाइव, ठीक है, अगर मैं अभी इसको रन करके दिखाऊं तुम्हारे पास, तो यहाँ पर ये कोई भी स्ट्रिंग प्रिंट नहीं हो रही। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम बैकवर्ड इंडेक्सिंग का काम नहीं कर सकते? नहीं, हम बैकवर्ड इंडेक्सिंग का काम कर सकते हैं, लेकिन याद है मैंने तुम्हें क्या कहा था, यहाँ पर स्टेप वैल्यू में माइनस वन, यहाँ पर स्टेप वैल्यू में बाय डिफॉल्ट हमारे पास वन होता है, ठीक है, तो हम यहाँ पर माइनस टू में अगर वन प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस वन आएगा, फिर माइनस वन में ही हम वन प्लस करेंगे तो हमारे पास जीरो आएगा, तो और उसके बाद फिर जीरो के बाद हम फिर से वन प्लस करेंगे तो वन आएगा, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव, इस तरह से, तो ये पॉजिटिव चीज़ों में ही जाता जा रहा है, लेकिन हमें इसे कहाँ लाना है, हमें इसे पीछे की तरफ लेके आना है, ठीक है, माइनस फाइव की तरफ लेके आना है, तो हम यहाँ पर बाय डिफॉल्ट वाली जो चीज़ है वन, उसको हटाकर माइनस वन कर देंगे। अब ये बैकवर्ड इंडेक्सिंग हमारी काम करेगी। अभी अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आ रहा है हमारे पास स्ट्रिंग, और ये किस तरह से प्रिंट हो रहा है, ठीक है, तो ये माइनस वन माइनस फाइव हमारे पास किधर है, देखो ये शुरू कहाँ से हो रहा है, माइनस टू से, ठीक है, तो माइनस टू किधर है, माइनस वन, और ये माइनस टू, टी है माइनस टू, ठीक है, और उसके बाद फिर ये चल कहाँ पर रहा है, माइनस फाइव तक, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर और माइनस फाइव, ठीक है, और जे हमारा जो है वो माइनस फाइव पे आ रहा है, ठीक है, माइनस फाइव पे क्या आ रहा है, जे, और मैंने तुम्हें कहा था कि ये लास्ट वाली चीज़ को लेगा नहीं, ठीक है, तो इसलिए ये सिर्फ टी एन को प्रिंट करता जा रहा है, ठीक है, एन तक की चीज़ को इसने प्रिंट कर दिया। अब अगर तुम्हें डायरेक्ट अगर कोई कह दे कि तुम किसी एक स्ट्रिंग को लो और उसको रिवर्स कर दो, ठीक है, अब अगर तुमसे कोई कहता है कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है, जैसे मेरे पास राजनाथ है, ठीक है, और इसको मैं चाहता हूँ कि स्ट्रिंग को मैं रिवर्स कर दूँ, तो तुम क्या कर सकते हो, उसके लिए जो शॉर्ट ट्रिक है वो ये है कि देखो इस केस में ये क्या कर रहा था, इस केस में ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहा था, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर स्टेप वैल्यू में सिर्फ माइनस वन लगा दूँ तो ये एक शॉर्टकट हो गया, इसके थ्रू तुम क्या कर सकते हो, पूरे के पूरे स्ट्रिंग को तुम रिवर्स कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर तुम्हें दिख गया कि ये आ रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पर एक प्रोग्राम दिया जाए कि तुम्हें चेक करना है कि कोई एक स्ट्रिंग तुम्हें दी हुई है और वो पैलिंड्रोम है या नहीं, पैलिंड्रोम क्या होती है, ठीक है, पैलिंड्रोम कोई एक ऐसी स्ट्रिंग होती है जो कि अगर हम शुरू से उसे पढ़ना शुरू करें, मतलब कि अगर मैं यहाँ से उसे पढ़ना शुरू करूँ तो वो एक ही चीज़ आए, और अगर यहाँ जो यहाँ से भी मैं पढ़ना शुरू करूँ, ठीक है, तो भी वो सेम चीज़ आए, जैसे कि एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ मॉम, ठीक है, डैड, मैडम, रेफर, ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, या फिर मैंने जो सुना हुआ है मलयालम, ये काफ़ी एक, सॉरी यहाँ पर नहीं, ये क्या हो गया, मैडम के बाद, ठीक है, तो यहाँ पर मलयालम ये काफ़ी एक बड़ी स्ट्रिंग है, और ये भी एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है, ठीक है, और रेफर भी छूट ही रहा है, तो ये सारे जो स्ट्रिंग्स है ना वो सारे के सारे पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स हैं, क्योंकि अगर तुम इसे यहाँ से पढ़ना शुरू कर रहे हो, मतलब इधर से पीछे से अगर पढ़ना शुरू कर रहे हो तो भी वो एक ही चीज़ आ रही है, और शुरू से पढ़ना शुरू कर रहे हो तो भी वो सेम चीज़ पढ़ने में आ रही है, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये कहना है, मतलब अगर कोई तुम्हें एक प्रोग्राम दे और वो बोले कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, यूज़र से एक स्ट्रिंग इनपुट करवाओ, ठीक है, और फिर तुम उसको प्रिंट करके ये बताओ कि वो स्ट्रिंग जो है वो पैलिंड्रोम है या नहीं, तो ये प्रोग्राम तुम कैसे बनाओगे? बहुत ज़्यादा सिंपल है। एक काम करते हैं, हम पहले इस चीज़ को हटाते हैं और हम यहाँ पर लिखते हैं इनपुट, और इनपुट फंक्शन के पहले मुझे स्ट्रिंग डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है वो इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग में ही इनपुट को लेता है, ठीक है, अंदर हम प्रॉम्प्ट डालेंगे, एंटर द स्ट्रिंग, ये डाल दिया हमने, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा स्ट्रिंग, ठीक है। अब हम यहाँ पर इफ कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ
ए इज इक्वल्स टू कंपैरिजन में हम हमेशा डबल इक्वल टू लगाते हैं, और इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर हम इस चीज़ को स्ट्रिंग में ही ऐसे रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने जो मैंने तुम्हें अभी शॉर्टकट बताया उस तरह से मैंने यहाँ पर रिवर्स कर दिया। उसके बाद तुम क्या करो, यहाँ पर इसको सही कर देता हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद तुम क्या करो, उसके बाद तुम प्रिंट करो, अगर ये सही होता है तो प्रिंट कर दो यस इट इज पैलिंड्रोम। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं हो तो यहां पर हम लिखेंगे एल्स में प्रिंट नो इट इज नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, मैंने लिख दिया। अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं तुम्हें तो यहां पर मुझे कह रहा है कि एक स्ट्रिंग एंटर करो। सबसे पहले मैं अपना नाम एंटर करता हूं, ये कह रहा है कि नहीं मेरा नाम जो है वो पैलिंड्रोम नहीं है। अगर मैं फिर से रन करूं और इस बार मैं इनमें से कोई एक वर्ड उठा के डाल दूं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर रेफर डालता हूँ यस इट इज़ अ पैलिंड्रोम। ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम बहुत ईजीली बन चुका है, काफ़ी ईजी था ये, सिर्फ 1 2 3 4 5 लाइन में हमने इसको बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हमने स्लाइसिंग जो है वो कम्प्लीट कर ली है। इसके बाद हमारे पास है स्ट्रिंग फंक्शंस एंड मेथड्स। अब ये जो चीज़ है ना कि स्ट्रिंग्स में हम और क्या क्या चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर तुम्हारे पास एक टेबल है। तो यहाँ पर स्ट्रिंग्स और लिस्ट टपल्स और डिक्शनरी सबके लिए यहाँ पर तुम्हारे पास मेथड्स दिए हुए हैं। मैं काम करता हूँ कि इन सब के लिंक्स को मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, और उसके बाद हम एक एक करके सबका आउटपुट भी यहाँ पर आप देखने वाले हैं। एक स्ट्रिंग है जिसमें हेलो मैंने स्टोर करके रखा हुआ है, और अब मैं इस स्ट्रिंग यानी ए के ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाला हूँ। कैसे परफॉर्म करने वाला हूँ, कुछ मेथड्स को यूज़ करने वाला हूँ। कैसे करने वाला हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पर पहले डॉट लिखूंगा और उस मेथड को लिखूंगा यहाँ पर। ठीक है, और क्योंकि वो एक फंक्शन है तो मैं उसे इस तरह से कॉल कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं अलग अलग मेथड्स को यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे पास। तो यहाँ पर अगर तुम पाइथन की वेबसाइट पे चेक करो तो तुम्हें यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग मेथड्स मिल जाएंगे। डॉट फाइंड, डॉट आर फाइंड, डॉट इंडेक्स, डॉट आर इंडेक्स, डॉट काउंट, डॉट लोअर, डॉट स्प्लिट, तो इस तरह के बहुत सारे मेथड्स तुम्हें मिल जाएंगे। लेकिन तुम अपने बुक्स में देख सकते हो तुम्हारे कौन बहुत सारे होंगे तुम्हारे पास। ठीक है, तो उनमें से जो मेरे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि है बहुत सारे। तो यहाँ पर जो जो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए वो मैं यहाँ पर तुम्हें बता देता हूँ। तो शुरू करते हैं कैपिटलाइज से। कैपिटलाइज का क्या काम होता है? कैपिटलाइज का काम ये होता है कि इसके पास जो पहला लेटर होता है वो सिर्फ उसे कैपिटलाइज करता है और बाकी चीज़ों को वो लोअर केस में कर देता है। अगर मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर इस वाले एल को कैपिटल कर देता हूँ। अगर मैं इसे अभी रन करके दिखाऊँ तो यहाँ पर तुम देख सकते हो एच को तो कैपिटल था तो इसने कैपिटल रहने दिया, लेकिन यहाँ पर जो ये जो कैपिटल एल था इसे इसने स्मॉल कर दिया। अगर मैं यहाँ पर इस कैपिटल एच को स्मॉल कर दूँ तो अभी तुम्हें आउटपुट देख के समझ आएगा। यहाँ पर तुम देख सकते हो पहला जो लेटर था उसे इसने कैपिटल रहने दिया और बाकी का जो जो भी था उसे इसने लोअर केस में रखा। तो ये था कैपिटलाइज का काम। अब दूसरा क्या है? दूसरा है काउंट। अब काउंट जो है वो एक आर्ग्यूमेंट लेती है अपने अंदर, जैसे कि प्रिंट फंक्शन है, इसके अंदर हम कुछ डालते हैं। ठीक है, कोई एक वेरिएबल या फिर कोई एक वैल्यू डालते हैं तो उसे हम आर्ग्यूमेंट कह सकते हैं। किसी फंक्शन के अंदर हम कुछ डाल रहे तो यहाँ पर भी एक आर्ग्यूमेंट ये लेती है। ठीक है, अब काउंट के अंदर मैं इसे ऐसे ही रन करने जाऊँ तो ये मेरे को एरर देगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है टेक्स एटलीस्ट वन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो एक आर्ग्यूमेंट मुझे यहाँ पर देना होगा। तो यहाँ पर मैं आर्ग्यूमेंट में स्ट्रिंग के अंदर मेरे को जो भी देना होगा मैं दूंगा। यहाँ पर मैंने मान लेते हैं एल लिख दिया। ठीक है, और इसे मैं पहले ठीक कर लेता हूँ। तो ये क्या कर रहा है, ये मेरे को ढूंढ के दे रहा है। ठीक है, कि ए के अंदर काउंट करो कि कितने स्मॉल एल हैं। ठीक है, तो कितने स्मॉल एल हैं, दो स्मॉल एल हैं। ठीक है, किसके अंदर, ए के अंदर। तो यहाँ पर बी में टू असाइन हो जाएगा और फिर मेरे को टू प्रिंट करके देगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये मेरे पास टू आ गया। तो इस तरह से ये काउंट वाला जो है वो काम कर रहा है। तो अभी हमारे पास एक और मेथड है जो कि है फाइंड। ठीक है, फाइंड क्या करता है, फाइंड पहले मैं यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट देता हूँ, इसे यहाँ पर मैं आर्ग्यूमेंट देता हूँ एच। ठीक है, अब ये मेरे को एच फाइंड करके देगा ए में। ठीक है, तो अगर मैं इसे रन करूँ तो ये मेरे को जीरो बता रहा है, यानी ये जीरो वाले इंडेक्स पे है फाइंड। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसे चेंज करके ई कर दूँ, अभी मैं इसे रन करूँ तो ये मेरे को वन बता रहा है। और यहाँ पर मैं इंटरवल डाल सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर इंटरवल डालना चाहूँ तो मान लेते कि मैं यहाँ पर टू से लेकर फाइव तक डाल रहा हूँ। ठीक है, 0 1 2 ये यहाँ से शुरू करेगा और फाइव तक जाएगा यानी फोर तक जाएगा। ठीक है, 5 -1 यानी फोर तक जाएगा। तो अगर मैं इसे अभी रन करके देखूँ तो ये मेरे को क्या बता रहा है कि
ई जो है वो इस इंटरवल में लाइन नहीं कर रहा है, इसलिए ये -1 रिटर्न करके दे रहा है ये मेरे को, ठीक है। तो ये इस तरह से फाइंड वाला जो मेथड है वो काम कर रहा है। और अगर इसकी जगह पे मैं यहाँ पर ओ कर दूँ और अगर मैं इसे अभी रन करके दिखाऊँ तो ये मेरे को 4 बता रहा है, यानी 4 वाले जो इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, 4, 4 वाले फोर्थ इंडेक्स पे ये मेरे को इसको जो है वो ओ मिल जा रहा है, इसलिए ये मेरे को 4 रिटर्न करके दे रहा है। और अगर मैं यहाँ पर इन वैल्यूज़ को ना डालूँ तो ये मेरे को पूरे के पूरे स्ट्रिंग यानी पूरे पूरे ए में फाइंड करके देगा। तो यहाँ पर मैं इसे अभी रन करूँ तो ये मेरे पास 4 आ रहा है। अब मेरे पास एक और मेथड आता है जो कि इंडेक्स, तो यहाँ पर मैं इंडेक्स लिख देता हूँ, यहाँ पर मैंने इंडेक्स लिखा। और अगर मैं इसे अभी रन करके देखूँ तो ये मेरे को क्या बता रहा है, ये मेरे को डायरेक्ट इंडेक्स बता रहा है 4। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर फाइंड डाल रहा हूँ तो भी ये मेरे को सेम आउटपुट दे रहा है, मैं यहाँ पर इंडेक्स डाल रहा हूँ तो भी ये मेरे को इंडेक्स ही रिटर्न करके दे रहा है। तो दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में ये अंतर है कि अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा डाल दूँ जो कि यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो ये मेरे को कोई आउटपुट नहीं देगा, ये मेरे को एक एरर दे देगा, ठीक है। यहाँ पर इसने मेरे को एरर दिया। लेकिन अगर यहीं पर मैं इसके जगह पे फाइंड लिखता, ठीक है, यहाँ पर मैं अगर सिर्फ फाइंड लिखता तो यहाँ पर मेरे को इसे नहीं मिल रहा तो ये मेरे को -1 लिख के देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिफरेंस होता है डॉट फाइंड में और डॉट इंडेक्स में। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुम इसे ध्यान में रखो। अब मेरे पास जो दूसरा मेथड है वो है इज एल नम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इज एल नम, इसका मतलब ये है कि हमारा जो यहाँ पर ए है क्या वो अल्फा न्यूमरिक है, ठीक है। तो क्या वो अल्फा न्यूमरिक है, और यहाँ पर ये जो है वो आर्ग्यूमेंट नहीं लेता, अगर मैं इसे ऐसे रन करके देखूँ, ठीक है, तो ये ट्रू बता रहा है क्योंकि यहाँ पर अल्फाबेटिकल लेटर्स तो है ही, भले नंबर्स नहीं है लेकिन अल्फा न्यूमरिक ये है, ठीक है, भले नंबर्स नहीं यहाँ पर। अगर मैं क्या होगा अगर मैं यहाँ पर एट द रेट डाल दूँ और अभी इसे रन करूँ तो ये फॉल्स बता रहा है, क्यों? क्योंकि एट द रेट जो है वो ना ही अल्फाबेट है और ना ही कोई नंबर है, ठीक है, तो इसलिए वो फॉल्स बता रहा है मुझे। तो ये काम है इज एल नम का। अब हमारे पास दूसरा एक फंक्शन है, दूसरा एक मेथड है जो कि है इज अल्फा। तो यहाँ पर मैं इज अल्फा करके दूँ तुम्हें पता होगा यहाँ पर ये क्या रिटर्न करके देने वाला है, ये मुझे ये ट्रू रिटर्न करके देने वाला है क्योंकि यहाँ पर ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं ये सारे के सारे अल्फाबेट लेटर्स हैं। अगर मैं यहाँ पर 1 डाल दूँ कहीं पर और अगर मैं अभी इसे रन करूँ तो यहाँ पर ये फॉल्स बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये काम है इज अल्फा का। नेक्स्ट जो है वो इज डिजिट है। तो अगर मैं यहाँ पर इसे हटा के इज डिजिट कर दूँ तो वो मुझे ये बताएगी कि इसके अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स हैं या नहीं। तो क्या इसमें सिर्फ डिजिट्स हैं? नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं सिर्फ एक डिजिट डाल दूँ तो क्या ये रिटर्न करेगा? तो भी ये फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर डिजिट्स हों, ठीक है, तो ये क्या रिटर्न करेगा? ये ट्रू रिटर्न करेगा। दूसरा है इज लोअर। तो इज लोअर में क्या होता है कि ये तुम्हें बताएगा कि तुमने जो स्ट्रिंग डाला हुआ है क्या वो लोअर केस में है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इज लोअर कर दिया, अगर मैं इसे अभी रन करूँ तो ये मेरे को फॉल्स बता रहा है, ठीक है। क्यों बता रहा है? अगर मैं यहाँ पर इज अपर भी करता तो भी ये मुझे फॉल्स बताता क्योंकि ये अल्फाबेट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं तुम्हें इज अपर भी करके दिखाता हूँ, अगर मैं इसे अभी रन करूँ तो भी ये मुझे फॉल्स बता रहा है क्योंकि ये अल्फाबेटिकल है ही नहीं। यहाँ पर अपर केस क्या और लोअर केस है कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर डालता हूँ, यहाँ पर मैंने ए बी सी डाल दिया, ठीक है। तो इसे मैं रन करूँ तो भी ये फॉल्स बता रहा है क्योंकि ये मुझे कम्प्लीटली चाहिए, ठीक है। इस अपर लिखा है मैंने तो मेरे को पूरा का पूरा स्ट्रिंग जो है वो अपर केस में चाहिए, तो बी सी, ठीक है। अभी ये मेरे को ट्रू रिटर्न करके देगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास ट्रू आ गया। और यहीं अगर मैं लोअर केस में लिखूँ और अभी से रन करूँ तो ये फॉल्स आ जाएगा, तुम्हें पता है। यहाँ पर मैं इसे लोअर लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे को अब मेरे को ट्रू रिटर्न करके देगा, ठीक है, ये मेरे पास ट्रू आ गया। अब मेरे पास एक और मेथड है जो कि है डॉट इज। अब मेरे पास एक और मेथड है जो कि ये सिर्फ लोअर और अपर का, तो वो मेरे पूरे एक स्ट्रिंग पे चेंज लेके आता है। अगर मैं यहाँ पर लोअर कर दूँ तो ये मेरे को यहाँ पर ए में जो भी चीज़ें हैं उनको लोअर केस में कन्वर्ट करके बी में स्टोर करेगा, ठीक है। तो ऑलरेडी ये लोअर केस में है तो मैं इसे रन करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वापस वैसा का तो वैसा ही आ गया। अगर मैं इसे कैपिटल लेटर्स में कर दूँ, कैपिटल ए बी सी, अब ये मेरे को लोअर केस में ला के देगा, ठीक है। लोअर वाला जो मेथड है वो काम करता है। अगर मैं यहाँ पर अपर करूँ और मैं इसे चेंज करके स्मॉल केस में कर दूँ, ठीक है, लोअर केस में कर दूँ, अब मेरे को ये अपर केस में ला करके देगा, ठीक है, मेरा स्ट्रिंग। तो इस तरह से अपर केस और लोअर केस हम बना सकते हैं अपर और लोअर मेथड का यूज़ करके। अब हमारे पास एक और मेथड आता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रिप, ठीक है।
मैंने यहाँ पर स्ट्रिप लिखा। क्या होगा इसमें अगर मैं इसे सिंपली ऐसे रन करके देखूँ, कोई आउटपुट में चेंजेस नहीं आए, ठीक है। ए में जो जैसा था वो वैसा का वैसा ही है। लेकिन क्या होगा अगर मैं यहाँ पर शुरू में कुछ स्पेसेस डाल दूँ, तो देखो वो स्पेसेस को इसने हटा दिया। क्या होगा अगर मैं यहाँ पर कुछ स्पेसेस डालूँ, तो यहाँ पर तो मैं दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये इसने इन स्पेसेस को भी हटा के रखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या करता है, स्ट्रिप ये लीडिंग और ट्रेलिंग के जो स्पेसेस होते हैं, यानी शुरू के और एंड के जो स्पेसेस होते हैं, वाइट स्पेसेस, उन्हें ये हटा देता है और उसके बाद प्रिंट करके देता है हमें। तो ये काम होता है सिर्फ स्ट्रिप का। और हमारे पास दो और स्ट्रिप है, आर स्ट्रिप और एल स्ट्रिप। तो आर स्ट्रिप होता है वो क्या करता है, तो अगर मैं यहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट ना दूँ, ठीक है, और अभी रन करूँ तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन इसको एक आर्ग्यूमेंट चाहिए होता है। तो इसमें मैं आर्ग्यूमेंट डाल देता हूँ, क्या, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, मान लेते हैं मैं जेड डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने जेड डाला, क्या कोई चेंज आया, नहीं आया। लेकिन मैं यहाँ पर अगर मैं चेंज लाऊं और यहाँ पर मैं लिख दूँ सी, ठीक है, और अभी से रन करूँ, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि राइट साइड से जो है वो सी गायब हो गया है, यानी आर मतलब राइट और स्ट्रिप यानी सी को जो है वो राइट साइड से ये गायब कर दे रहा है। अगर मैं सी को शुरू में भी डाल दूँ तो क्या होता है, अगर मैं इसे अभी रन करूँ, तो इसने शुरू वाले सी को तो रहने दिया, लेकिन एंड वाले यानी राइट साइड वाले स्ट्रिंग, राइट साइड वाले सी को इसने हटा दिया। क्या होगा अगर मैं यहाँ पर और दो तीन सी डाल दूँ, अगर मैं इसे अभी रन करके देखूँ, तो इसको राइट साइड से जितने सी मिले उतने सी को इसने हटा दिया। क्या होगा अगर मैं यहाँ पर ए कर दूं, ठीक है, ताकि इसे डायरेक्टली राइट साइड में सी ना मिले, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो यहाँ पर इसने कुछ नहीं किया, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसे डायरेक्टली चाहिए, ठीक है, राइट साइड में। अगर मैं आर स्ट्रिप कर रहा हूँ तो इसे डायरेक्टली राइट साइड में चाहिए, जितने सी इसे मिलेंगे उन्हें ये उड़ा देगा, ठीक है। उसी तरह से एल स्ट्रिप अगर हम करें तो ये शुरू वाले सी को हटा देगा, यहाँ तुम देख सकते हो यहाँ से इसने इधर वाले सी को हटा दिया। अब हमारे पास आते हैं दो और मेथड्स, जो कि स्टार्ट्स विथ और एंड्स विथ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टार्ट्स विथ, ठीक है। तो ये मुझे चेक करके देगा कि क्या जो है वो सी से स्टार्ट हो रहा है हमारा जो ए, ए जो स्ट्रिंग है, क्या वो हमारा सी से स्टार्ट हो रहा है। तो इसे मैं अगर रन करूँ तो ये मेरे को ट्रू रिटर्न करके दे रहा है, क्योंकि हाँ यहाँ पर शुरू में सी है। अगर मैं यहाँ पर से सी हटा दूँ, अब देखते हैं, अभी मेरे को फॉल्स रिटर्न करके दे रहा है, क्योंकि ये जो सी है वो यहाँ पर शुरू में नहीं है। वहीं अगर मैं यहाँ पर एंड स्विथ कर दूँ तो, ठीक है, या अगर मैं एंड स्विथ कर दूँ तो ये मेरे को ट्रू करके देगा, ट्रू रिटर्न करके देगा, क्योंकि यहाँ पर ये खत्म हो रहा है सी से। तो यहाँ पर मेरे पास ये ट्रू आ गया है। और अगर मैं यहाँ पर डॉट टाइटल डाल दूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने डॉट टाइटल डाल दिया, ठीक है। अब ये टाइटल मेरे को क्या करके देगा, यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट नहीं लेता, तो मैं आर्ग्यूमेंट को हटाता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर टाइटल क्या करता होगा, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि हाउ आर यू, ठीक है। अब ये टाइटल वाला जो मेथड है वो मेरे को क्या करके देगा, यहाँ पर मैं इसे रन करूँ तो ये मेरे को हर एक वर्ड के इनिशियल लेटर को ये कैपिटल करके दे रहा है, ठीक है। कैपिटलाइज क्या कर रहा था, पूरे सेंटेंस, पूरे स्ट्रिंग के जो, पूरा स्ट्रिंग का जो पहला लेटर था वो बस उसे कैपिटलाइज कर रहा था। लेकिन ये जो टाइटल है वो क्या कर रहा है कि हर एक वर्ड के पहले लेटर को ये कैपिटलाइज कर रहा है, तुम यहाँ पर देख सकते हो। तो ये था डॉट टाइटल मेथड का काम। वही अगर मैं यहाँ पर इस टाइटल कर दूँ तो क्या होगा, ये मेरे को, यानी ये मेरे को ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करेगा। अगर मैं इसे अभी रन करूँ तो ये मेरे को फॉल्स बता रहा है, यानी कि ये इस केस में नहीं है, ठीक है। ये टाइटल केस क्या होता है, जहाँ जहाँ पर हर एक वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल हो, ठीक है। अगर मैं इसे अभी रन करके देखूँ तो ये ट्रू आ गया, यानी कि ये टाइटल केस में है, तो इसलिए ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। अब जो नेक्स्ट मेथड है वो है मेरे पास रिप्लेस, तो यहाँ पर मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने रिप्लेस लिखा, और रिप्लेस किससे करना है, तो रिप्लेस में हम पहले यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट्स डालेंगे, ठीक है। तो रिप्लेस में हम शुरू में वो चीज़ डालेंगे जो कि यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, और उसके बाद हम वो चीज़ डालेंगे जिससे हमें रिप्लेस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, मान लेते हैं कि यहाँ पर आर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर आर लिखा हुआ है, उसको मैं हटाना चाहता हूँ और उसके जगह पर डालना चाहता हूँ इज़। तो यहाँ पर आना चाहिए हाउ इज़ यू, ठीक है। तो यहाँ पर इसे मैं रन करूँ तो ये हाउ इज़ यू आ गया। तो इस तरह से ये रिप्लेस काम करता है। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ, मान लेते हैं मैं यहाँ पर सिर्फ ओ कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर, तो फिर क्या होता है, अगर मैं इसे रन करूँ तो यहाँ पर जहाँ जहाँ ओ था यहाँ पर ओ था, यहाँ ओ था, तो उसके जगह पर ये इज़ ला के दे रहा है मेरे को, ठीक है। तो ये बड़ा बेकार हो गया, तो इसको हटाते हैं अभी। तो ये था रिप्लेस। अब मेरे पास जो नेक्स्ट मेथड है वो है ज्वाइन, ठीक है।
और ज्वाइन मेथड क्या करता है, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक क्विक सिंबल डाल देता हूँ, और अगर मैं इसे अभी रन करूँ तो ये क्या कर रहा है, ये इस सिंबल को हर एक लेटर के बाद इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, तो ज्वाइन के अंदर हम जो कुछ भी डाल रहे हैं, ठीक है, ज्वाइन के अंदर मैंने जो कुछ भी डाला है उसके हर एक लेटर के बाद वो ए को इंक्लूड कर रहा है, और उस चीज़ को रिटर्न करके वो बी में दे रहा है, और वो बी मुझे वो प्रिंट करके दे रहा है, ये प्रिंट फंक्शन जो है। तो यहाँ पर एच के बाद हैश आ गया, उसके बाद फिर ओ के बाद हैश आ गया, फिर इसी तरह से कर करके ये मेरे इस स्ट्रिंग को इसके हर एक लेटर के बाद प्रिंट डाल के दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये ज्वाइन मेथड काम करता है। अब मेरे पास एक और मेथड है जो कि है स्प्लिट। तो स्प्लिट क्या करती है, पहले मैं अपने टेक्स्ट को सही कर लेता हूँ यहाँ पर से। अब ये स्प्लिट क्या करेगी, यहाँ पर मैं ए को स्प्लिट कर रहा हूँ और उसे फिर असाइन कर रहा हूँ बी में। तो यहाँ पर मैंने, क्योंकि यहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट मैंने डाला नहीं है, तो ये क्या करेगा कि जहाँ पर भी इसे स्पेस मिलेगा, ठीक है, जहाँ पर भी इसे स्पेस मिल रहा है वहाँ पर से ये इसे इस पूरे स्ट्रिंग को सेपरेट कर देगा और उसे एक लिस्ट में स्टोर करेगा, और उन चीज़ों को एक हर एक वर्ड को एक अलग अलग एलिमेंट बना देगा उस लिस्ट की। तो अगर मैं इसे अभी रन करके देखूँ तो यहाँ तुम देख सकते हो मेरे पास एक स्ट्रिंग आ गया और हर एक वर्ड अलग अलग एलिमेंट बन चुका है इसका। तो यहाँ पर मैंने कोई आर्ग्यूमेंट डाला नहीं है, आर्ग्यूमेंट में हम क्या डालते हैं, सेपरेटर को। तो यहाँ पर मैं अगर इंटेंशनली ओ डाल दूँ तो क्या होगा, तो इसे जहाँ पर भी ओ मिलेगा वहाँ से ये सेपरेट कर देगा। ठीक है, तो अगर मैं इसे अभी रन करूँ तो यहाँ पर इसे देखो, यहाँ पर एच तक इसने किया, ठीक है, फिर ओ इसे मिला, तो ओ तो इसने नहीं लिया। ठीक है, ओ को हटाने के बाद जब इसके पास डब्ल्यू आया, फिर स्पेस आया, फिर आर आया, फिर स्पेस आया, फिर वाई आया, यहाँ तक इसने एक को ले लिया, फिर से इसके पास ओ आया तो ओ को इसने हटा दिया, और उसके बाद फिर एलिमेंट चेंज किया और यू आ गया। तो इस तरह से, और यू आर क्वेश्चन मार्क भी आ गया, तो इस तरह से इसने ये लिस्ट को जो है वो प्रिपेयर कर लिया। तो इस तरह से स्प्लिट काम करता है। और मेरे पास स्प्लिट से ही रिलेटेड एक और मेथड है जो कि है पार्टीशन। पार्टीशन क्या करता है, यहाँ पर ये जो स्प्लिट और पार्टीशन वाले जो मेथड्स हैं वो थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो इनमें तुम ध्यान दो। यहाँ पर मैं अगर पार्टीशन लिख दूँ, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर पार्टीशन लिख दिया और अगर मैं इसे अभी रन करूँ तो ये क्या करेगा, यहाँ पर देखो ये मेरे को तीन स्ट्रिंग्स को रिटर्न करके दे रहा है। ठीक है, पहला कि जो सेपरेटर के पहले वाला पार्ट है वो उसको प्रिंट करती है, और उसके बाद फिर सेपरेटर को प्रिंट करती है, और उसके बाद फिर सेपरेटर के आगे वाले पार्ट को प्रिंट करती है। ठीक है, तो यहाँ पर पार्टीशन और स्प्लिट में अलग अलग चीज़ों का डिफरेंस है। मैं तुम्हें एक बार और दिखाता हूँ इस चीज़ को। यहाँ पर मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैं सी कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं प्रिंट कर देता हूँ सी को। ठीक है, तो अब यहाँ पर तुम्हें साफ डिफरेंस नज़र आएगा। यहाँ पर ये क्या कर रही है, देखो यहाँ पर मैंने क्या किया कि यहाँ पर जब मैं बी को प्रिंट करवा रहा हूँ तो इसके जगह में मैं क्या करता हूँ, मैं स्प्लिट कर देता हूँ। अब तुम्हें साफ डिफरेंस नज़र आएगा अगर मैं इसे अभी रन करूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब मैं स्प्लिट का यूज़ कर रहा हूँ तो ये क्या कर रही है कि ये एक लिस्ट बना रही है। ठीक है, सबसे पहला डिफरेंस तो ये होगा कि स्प्लिट जो है वो एक लिस्ट बनाती है, पार्टीशन जो है वो एक टपल बनाती है। ठीक है, तो ये अलग अलग डिफरेंस हो गया। अब जब हम स्प्लिट का यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या कर रही है कि ये इस चीज़ को इग्नोर कर रही है, यहाँ से यहाँ यही इसी ए पे तो ही हम काम कर रहे हैं ना, लेकिन ए को ही हटा रही है। देखो ए, ये जो ओ है वो तुम्हें ए पर जहाँ पर भी मिल रहा है वो यहाँ पर से हटा दे रही है। ठीक है, हटा दे रही है, और उस चीज़ को हटाने के बाद जो कुछ भी बच रहा है वो एलिमेंट उसे बनाकर दे रही है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर एच इसने प्रिंट किया, एच को इसने एक एलिमेंट बनाया। ठीक है, यहाँ पर एक एलिमेंट बनाया, उसके बाद ओ इसे मिला तो ओ को इसने हटा दिया, उसके बाद जो कुछ भी मिला W स्पेस R स्पेस Y यहाँ तक इसने एक एलिमेंट अलग से बनाया, उसके बाद फिर O को इसने फिर से हटा दिया, फिर U क्वेश्चन मार्क बचा तो इसने ये रख दिया। ठीक है, तो ये स्प्लिट का काम हुआ। और पार्टीशन का काम क्या हुआ कि इसने सबसे पहले तो एक टपल बनाया। ठीक है, और टपल बनाने के बाद इसे जहाँ पर भी O मिल रहा है ये क्या कर रही है, ये शुरू से ढूंढ रही है O को। ठीक है, ये ऐसा नहीं कर रही कि ये पूरे स्ट्रिंग में से हर जगह से O को उठा रही है जो कि स्प्लिट कर रहा था। पार्टीशन जो है वो शुरू से ढूंढेगी O को। ठीक है, और पार्टीशन जो है वो क्या करेगी, वो एक टपल हमें रिटर्न करके देगी जिसमें हमेशा तीन एलिमेंट्स ही होंगे। ठीक है, और वो तीन एलिमेंट्स कौन कौन के होंगे, कौन कौन से होंगे, पहले तो उस सेपरेटर के पहले वाला जो कुछ भी है वो हो जाएगा, और उसके बाद खुद वो सेपरेटर, और उसके बाद सेपरेटर के बाद वाली चीज़ें। ठीक है, वहाँ यहाँ पर तुम देख सकते हो एच, और उसके बाद फिर सेपरेटर, और फिर सेपरेटर के बाद वाली जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ यहाँ पर आ गई हैं। तो
इस तरह से इसने एक टपल बना दिया, इस तरह से स्प्लिट ने एक लिस्ट बना दिया, और हमारा जो स्प्लिट है वो आर्ग्यूमेंट वाली चीज़ को इग्नोर कर रहा है, वहीं हमारा जो पार्टीशन है वो उसको इग्नोर नहीं कर रहा है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं यहाँ पर तुम्हें दिखा देता हूँ, यहाँ पर अगर मैं टुडे कर दूँ, यहाँ पर मैं ये क्यों कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स अगर तुम लिस्ट में देखो तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, ये 4 एलिमेंट्स आ गए। वही अगर तुम देखो तो यहाँ पर 1, 2, 3 आ गया, ठीक है। तो हमेशा पार्टीशन में 3 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। कौन कौन सा ये कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, सेपरेटर के पहले वाला, खुद सेपरेटर और सेपरेटर के बाद वाला। वहीं लिस्ट में क्या होगा कि लिस्ट में हर एक वर्ड आ जाएगा, ठीक है। अगर तुमने ये चीज़ नहीं डाली हुई, अगर यहाँ पर सिर्फ स्पेस होता तो हर एक वर्ड आ जाता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये डाला हुआ है तुमने, तो इसको छोड़ के बाकी जो कुछ भी है वो यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरह से स्प्लिट और पार्टीशन का काम चलता है। यहाँ पर तुम देख सकते हो ये ऊपर वाला जो है वो स्प्लिट का आउटपुट है और नीचे जो है वो पार्टीशन का आउटपुट है। तो इस तरह से सारे के सारे मेथड्स, जो भी इंपॉर्टेंट मेथड्स थे, वो मैंने खत्म कर दिए। तो अभी हम पढ़ने वाले लिस्ट के बारे में। सबसे पहले लिस्ट होता क्या है, लिस्ट एक कलेक्शन हो सकता है किसी भी तरह के एलिमेंट्स का। जैसे अगर मैं कोई एक वेरिएबल बना दूं एल और इसमें असाइन कर दूं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ, अगर यहाँ पर मैं कोई एक एलिमेंट्स कुछ यहाँ पर असाइन कर देता हूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पर कुछ रैंडम एलिमेंट्स रख लेता हूँ, और जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर इंट वाले वैल्यूज ही रखें, हम यहाँ पर फ्लोट रख सकते हैं, हम यहाँ पर कैरेक्टर्स रख सकते हैं, स्ट्रिंग्स वगैरह सब कुछ रख सकते हैं हम यहाँ पर, और इनफैक्ट हम यहाँ पर एक लिस्ट भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी एक लिस्ट बनकर आ चुकी है। अगर मैं यहाँ पर इस चीज को मैं प्रिंट कर दिखाऊं कि ये कैसे प्रिंट होता है, तो तुम्हें दिख जाएगा ये बड़े आसानी से। यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है ये लिस्ट किस तरह से प्रिंट होकर आ चुका है, ठीक है। काफी आसान था। खैर, लिस्ट को बनाने के और भी तरीके होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर सिर्फ लिस्ट फंक्शन का यूज करूँ, तो यहाँ पर ये मुझको एक एम्प्टी लिस्ट बनाकर दे देगी। इसको रन करके दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा एक एम्प्टी लिस्ट आ चुकी है। और क्या तरीका है इसका, और अगर यहाँ पर तुम किसी एक सिक्वेंशियल डेटा टाइप को डालो, जैसे कि अगर मैं कोई एक स्ट्रिंग डाल देता हूँ, यहाँ पर मैं अगर खुद का नाम डाल दूँ, तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर जो भी लेटर्स हैं, ठीक है, वो सारे अलग अलग एलिमेंट्स बन के हमारे लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर R अलग हो गया, A, J, N, A, T, H, ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स अलग अलग हो चुके हैं। तो ये भी एक तरीका था लिस्ट बनाने का। या फिर तुम सिंपली ये भी कर सकते हो, दो ब्रैकेट्स लगा दो, ये तुम्हारा लिस्ट बन चुका है। अगर तुम यहाँ पर टाइप देखना चाहो तो यहाँ पर तुम देख सकते हो टाइप ऑफ लिस्ट, और साथ में अगर तुम्हें साइज देखना है तो लेन फंक्शन तो है ही हमारे पास, ठीक है, लेन फंक्शन से हम यूज करके देख सकते हैं। अब काफी चीजें यहाँ पर सिमिलर है, अभी तुमने स्ट्रिंग पढ़ा है और अभी तुम लिस्ट देख रहे हो, तो काफी चीजें यहाँ पर सिमिलर है, जैसे कि इंडेक्सिंग हो गई। अगर मैं यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स को वापस से डाल देता हूँ, ठीक है, तुम्हें दिख रहा होगा कुछ एलिमेंट्स मैंने यहाँ पर डाल दिया। अगर मैं यहाँ पर एक्सेस करना चाहूँ किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को, तो यहाँ पर जो इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट था, अगर मैं 2 लिखूँ यहाँ पर, तो एड इंडेक्स यहाँ से शुरू हो रहा है 0, 1 और 2, इस पर क्या आ रहा है 2, तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा 2। अगर मैं इसको रन करूँ, दिख रहा है तुम्हें यहाँ पर से 2 प्रिंट हो जा रहा है। तो इंडेक्सिंग भी सेम है और फिर स्लाइसिंग भी सेम है। अगर तुमने अभी जो ध्यान दिया होगा स्ट्रिंग पे, तो स्लाइसिंग यहाँ पर भी सेम है। अगर मैं यहाँ पर एल लिखूँ और उसके बाद फिर इन ब्रैकेट्स के अंदर मैं 2 से लेकर मान लेते हैं 5 लिख देता हूँ, ठीक है, अगर रन करें तो तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पर आ रहा है 2, 2, 5। ये कैसे आ रहा है, 0, 1 और 2, यहाँ से चीजें स्टार्ट हो रही है, तो 2, 3 और 5, ठीक है। तो यहाँ पर से हमारे पास पूरे के पूरे जितने भी चीजें हैं आ जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग के लिए पहला जो इंडेक्स है वो है 2, वो किधर है, 0, 1 और 2, ठीक है, यहाँ पर है हमारा पहला इंडेक्स, और दूसरा इंडेक्स जो यहाँ पर लिखा हुआ है स्लाइसिंग के लिए 5, वो किधर है, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि स्लाइसिंग में ये लास्ट वाला एलिमेंट जो है वो इंक्लूड नहीं हो पाता, इसलिए इतने एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पर प्रिंट हो चुके हैं। तो ये काफी सिमिलर था स्ट्रिंग से। फिर मैंने तुम्हें मेंबरशिप ऑपरेटर के बारे में भी बताया था, इन और नॉट इन। अगर तुम चेक करते हो 2 in L, तो ये मुझको प्रिंट करके देगा 2। तुम्हें पता है क्यों, क्योंकि 2 जो है वो इस लिस्ट में प्रेजेंट है। इसके बाद बात करते हैं कॉनकैटेनेशन और रेप्लिकेशन की, तो हाँ यहाँ पर भी वो चीज़ें पॉसिबल है। अगर यहाँ पर मैं L1, इसको चलो मैं L1 रख देता हूँ और एक और लिस्ट बनाता हूँ L2, ठीक है, और यहाँ पर मैं रख देता हूँ
कुछ भी रैंडम एलिमेंट्स मैंने यहाँ पर रख दिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक और लिस्ट बना देता हूँ L3, और इसमें क्या करता हूँ, दोनों को रेप्लीकेट करवा कर रख देता हूँ, L1 प्लस L2, ठीक है, हो गया। और मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ अब किसको, L3 को। तो इस तरह से सिंपली हम लिस्ट को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। और भी तरीका एक है हमारे पास, ठीक है, अपेंड फंक्शन, वो तुम फंक्शंस वाले में देखने वाले हो, अभी कुछ देर बाद ही देखने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा कि सारे के सारे लिस्ट ऐसे जुड़ चुके हैं, ये सारे, ये इधर आ चुका है, ठीक है, यहाँ तक, और उससे पहले वाला लिस्ट ये रहा, ठीक है। और इसके बाद अगर रेप्लीकेशन का भी तुम्हें देखना है तो इस चीज को तो पहले मैं हटाता हूँ और यहाँ 3 कर देते हैं, और मैं L2 जो है यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर जो L2 है इसको 3 टाइम्स रेप्लीकेट करना चाह रहा हूँ। अगर मैं अभी इस चीज को प्रिंट करके देखो तो क्या आ रहा है, ये जो एलिमेंट्स हैं वो 3 बार आ चुके हैं, 4 से लेकर 5 तक, ये रहा 4 से लेकर 5 तक, फिर 4 से लेकर 5 तक, और फिर 4 से लेकर 5 तक, ठीक है, 3 बार आ चुका है। तो इस तरह से हम लिस्ट में रेप्लीकेशन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ, अभी तक तुमने जो कुछ भी देखा वो सारा सिमिलर था स्ट्रिंग से, लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंस क्या है। सबसे पहले तो बात करते हैं म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी के बारे में। तो तुम सबको मैंने अभी तक बहुत बार बता दिया है कि इम्यूटेबिलिटी क्या होती है, स्ट्रिंग जो था वो इम्यूटेबल था, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, चेक करते हैं कि लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल है, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये तो म्यूटेबल है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं L(0) में मैं यहाँ पर L1 की जो पहली वैल्यू है उसको ही चेंज करना चाहता हूँ अगर, तो यहाँ पर मैं 100 कर देता हूँ, ठीक है। और अगर मैं इस चीज को प्रिंट करवाऊँ L1 को, तो यहाँ पर ये चेंज हो जा रहा है, मतलब इंडिविजुअल एलिमेंट्स यहाँ पर मैं चेंज करवा पा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास लिस्ट डेटा टाइप है ये म्यूटेबल है। अब देखो, अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तुम्हें बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं वो चीज तुम्हें स्ट्रिंग से रिलेट करके दिखाऊंगा, और उसके बाद फिर मैं सेम चीज तुम्हें लिस्ट से रिलेट करके दिखाऊंगा। तो तुम्हें यहाँ पर देखना है कि ये अलग अलग कैसे हो रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ S1 नाम का, यहाँ पर मैंने स्टोर कर दिया राजनाथ, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि S1 में मैं यहाँ पर असाइन कर रहा हूँ, सॉरी S2 में मैं असाइन कर देता हूँ S1 को। अब यहाँ पर मैं S1 में क्या करता हूँ, S1 में मैं कॉन्कैटेनेशन कर देता हूँ किस चीज का, स्पेस के साथ, ठीक है। जरा अगर मैं इसको रन कर देखूं, प्रिंट S1, अगर मैं अभी S2 को प्रिंट करूं तो क्या होगा, ये यहां पर मेरे को प्रिंट करके दे रहा है राजनाथ, ठीक है। अब ये चीज मैं लिस्ट के लिए करूं तो क्या होता है, सबसे पहले एक लिस्ट ले लेते हैं L1, ठीक है, और इसमें मैं कुछ एलिमेंट्स स्टोर करता हूँ 1, 2, 3, ठीक है। अब मैं L2 में ही L1 को स्टोर कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर कुछ चेंज करूंगा L1 में, L1 में मैं कॉन्कैटेनेशन करूंगा किस चीज का, 4, 5 का। और यहां पर इसके बाद हम प्रिंट करवा देते हैं L2 को, ठीक है। अब देखते क्या होता है, ये तो हमारा ऑलरेडी जो आ रहा था वो आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिस्ट को देखूं तो यहां पर कुछ चेंजेस आ रहा है, ठीक है। देखो, स्ट्रिंग में हमने शुरू में जो चीज असाइन की हुई थी, यहां पर मैंने क्या असाइन किया था, राजनाथ, ठीक है। फिर बाद में मैंने इस पे चेंजेस भी किए, ठीक है, और इस चीज को मैंने असाइन किया था S2 पे, ठीक है। उसके बाद फिर मैं S2 पे कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, और डायरेक्ट S2 को यहाँ पर प्रिंट करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पर राजनाथ प्रिंट हो जा रहा है। लेकिन अगर L1 में भी अगर हम देखें तो L1 में भी मैंने सेम काम करवाया है, यहाँ पर मैंने L1 में कुछ चीजें स्टोर की है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं असाइन की है, और उसके बाद मैंने यहाँ पर L2 इज इक्वल्स टू L1 रखा है, ठीक है। यहाँ पर मैं L2 में L1 को असाइन कर दे रहा हूँ, और उसके बाद फिर मैं L2 में कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें दिख रहा है। और यहाँ पर इस हिसाब से L2 में क्या जाना चाहिए था, 1, 2, 3, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं चेंजेस किस में कर रहा हूँ, L1 में, ठीक है, 4, 5। L1 में मैं क्या जोड़ दे रहा हूँ, 4, 5, 1, 2, 3 और 4, 5 भी मैं जोड़ दे रहा हूँ, किसमें, L1 में, L2 में नहीं जोड़ रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर अगर मैं L2 को प्रिंट करवाता हूँ तो मेरे पास ये सारी चीजें जुड़ी हुई आती है, ठीक है, यही बताना था मुझे तुम्हें। तो ऐसा क्यों होता है, पहले इस चीज को हटाते हैं यहाँ पर। जब यहाँ पर हम इस लाइन में हमने क्या किया है, L2 में हमने असाइन कर दिया है L1 को, ठीक है।
तो ये अंदर से क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है कि L2 जो है वो L1 को नहीं, L1 की मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और L1 की मेमोरी में अभी ये चीज है, ठीक है। और वहीं पर हम यहां पर क्या कर रहे हैं कि L1 में इस चीज को भी जोड़ दे रहे हैं, तो मेमोरी तो वही रहने वाली है ना, ठीक है। L1 की मेमोरी तो वही रहेगी, और L1 की मेमोरी में अब क्या चीजें हो गई है, टोटल 1, 2, 3 और फिर 4, 5 भी आ चुका है इसके थ्रू, ठीक है। और L2 क्या कर रहा था कि L1 की मेमोरी को पॉइंट कर रहा था, और L1 की मेमोरी में 1, 2, 3, 4, 5 इतनी चीजें पॉइंट कर रही हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर जब L2 को प्रिंट करवाया तो हमारे पास जो आउटपुट है वो 1 से लेकर 5 तक आ जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज भी मुझे तुम्हें बतानी थी। और इम्यूटेबिलिटी का भी तो तुम्हें पता ही है कि लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है। और हाँ, अगर तुम्हें यूजर से इनपुट लेना है अपने लिस्ट के लिए, मान लेते मेरे पास एक लिस्ट है, उसके लिए मैं यूजर से इनपुट लेना चाहता हूँ, एल नाम का एक लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। अब इनपुट के लिए इनपुट फंक्शन डालते हैं, ठीक है। और उसके अंदर हम यहाँ पर क्या डाल सकते हैं, एंटर द एलिमेंट्स। ये काफी अजीब सा मेथड लगेगा तुम्हें अभी, क्यों वो मैं बताता हूँ, अगर मैं यहाँ पर लिस्ट लगा दूँ तो भी, ठीक है। इनपुट का तो तुम्हें पता ही होगा कि वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में लेता है, और यहाँ पर मैं लिस्ट लगा दूँ तो भी तुम्हें ये अजीब सा लगेगा, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। और उसके बाद फिर मैं इससे कहता हूँ कि चलो प्रिंट भी कर देना एल को, ठीक है। अगर अब मैं इसको रन करके दिखाऊं तुम्हें, ये मुझसे कह रहा है कि एंटर द एलिमेंट्स, ठीक है। तो मैं 1 स्पेस 2 स्पेस 3, ठीक है, स्पेस से मैंने चीजों को ऐसे डिफ्रेंशिएट किया है, एंटर करके देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पर जब मैं स्पेस से चीजों को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो ये जो पाइथन है, इंटरप्रेटर पाइथन का, ये समझ नहीं पा रहा है कि मैंने ये स्पेस यूज किया है चीजों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक है। लेकिन उसके बदले में ये क्या कर रहा है कि स्पेस को भी एक एज अ एलिमेंट स्टोर कर ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 फिर स्पेस फिर 2 फिर स्पेस 3 स्पेस। तो इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं अगर मैं इसको फिर से रन करूं, तो अगर मैं साथ में करूं 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, अगर इसको मैं रन करूं तो अभी तुम्हें दिख रहा होगा कि ये 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा सब अलग अलग एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। क्या होता अगर मेरे को यहाँ पर 12 स्टोर करना होता तो, ठीक है, एक 12 मेरे को यहाँ स्टोर करना होता, वो मैं कैसे करता, वो तो नहीं हो पा रहा था। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन आता है इवैल, ठीक है। अब चाहे कोई भी डेटा टाइप हो, तुम उसका जो इनपुट है वो ले सकते हो यूजर से बिना डिफाइन किए, यहाँ पर सिर्फ तुम यहाँ पर इवैल लिख दो। अब ये यूजर पे डिपेंड करता है कि वो किस चीज का किस डेटा टाइप का इनपुट वो देने वाला है, ठीक है। अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं, अब देखो मैं यूजर हूँ तो मैं खुद ही बताऊंगा कि मैं एक लिस्ट का इनपुट देने वाला हूँ, वो मैं कैसे बताऊंगा, लिस्ट कैसे बनाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स के थ्रू, ठीक है। जैसे लिस्ट बनाते हैं वैसे ही मैं यहाँ पर बना दूंगा, मैं यहाँ पर 12 भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और ऐसे करके मैं यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और एंटर करूंगा। अब यहाँ पर मेरे पास मेरा जो लिस्ट है वो बनकर आ चुका है। अगर मैं ये काम स्ट्रिंग के लिए करता तो क्या वो पॉसिबल होता, एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर स्ट्रिंग बताता हूँ पहले यूजर को, अपने इंटरप्रेटर को, ये स्ट्रिंग होगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिख दूँ, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर फिर कोड्स को क्लोज करूँ, एंटर करते हैं, हाँ, तो इसने एज अ स्ट्रिंग हमारे इनपुट को ले लिया है। और क्या कर सकते हैं, फ्लोट वगैरह भी देख सकते हैं। मैं इंटीजर का तुम्हें दिखा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर 5 लिख दूँ, ठीक है, 5 आ जा रहा है। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये 5 जो है वो स्ट्रिंग है या फिर इंट में है, बस यहाँ पर तुम टाइप फंक्शन का यूज कर लो, ठीक है। अगर तुम रन करोगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 5, तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पर इसने ये समझ चुका है कि ये इंटीजर डेटा टाइप का है। तो इस तरह से हम इवैल फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अभी तक तुमने जो भी देखा इवैल फंक्शन का यूज, तुम वो कर सकते हो। साथ में अभी आगे जो और भी डेटा टाइप्स आने वाले हैं, जैसे डिक्शनरी और टपल्स, सेट्स, तुम उन सबका यूज कर सकते हो इवैल के थ्रू, ठीक है। तो अभी अभी मैंने तुम्हें लिस्ट से रिलेटेड एक चीज बताई थी कि लिस्ट जो है वो मेमोरी एड्रेस को रेफर करता है, ठीक है। जैसे अगर मैं L1 ले लूं और 1, 2, 3 ये आ गए इधर, और अगर L2 ले लूं, इसमें असाइन कर देता हूँ 4, 5, ठीक है। यहाँ पर मैंने 2 लिस्ट ले लिया, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर मैं ये क्यों कर रहा हूँ, L2 में मैं L1 को ही असाइन कर देता हूँ, ठीक है, और L1 में मैं ऐड कर देता हूँ किस चीज को, 4, 5 को, ठीक है। अब तो तुम्हें समझ आ रहा होगा कि ये इसका आउटपुट यहाँ पर L2 का जो आउटपुट है वो क्या आना चाहिए, 1 से लेकर 5 तक की चीजें यहाँ पर आनी चाहिए, ठीक है, आ रही है। लेकिन अगर क्या होगा, अगर मैं चाहता हूँ कि L2 जो है हम यहाँ पर L1 को असाइन कर रहे हैं L2 में, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके बाद जो भी चेंजेस हो L1 में वो L2 पे रिफ्लेक्ट ना हो, तो वो मैं कैसे करूंगा। यहाँ पर हमारे पास 2 चीजें आती हैं,
शैलो कॉपी और डीप कॉपी। अगर हम इस तरह से चीजों को कॉपी करवा रहे हैं मतलब लिस्ट को, तो इसे तो हम शैलो कॉपी कहेंगे, और डीप कॉपी हम उसे तब कह सकते हैं जब यहां पर मैंने L1 को असाइन कर दिया L2 पे, और अगर मैं L1 पे चेंजेस करूं तो वो L2 पे, यहाँ पर L2 पे रिफ्लेक्ट ना हो। ठीक है, अब तक जो चीजें आ चुकी हैं वो आ चुकी हैं, आगे मैं जो भी चेंजेस करूं L1 पे वो ना आए, तो उसको हम कहेंगे डीप कॉपी। और इसको कैसे कर सकते हैं, इसके लिए तुम्हें यहाँ पर सिंपल एक लिस्ट फंक्शन यूज कर लेना है और कुछ नहीं, बस यहां से तुम्हारा काम कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं तुम्हें, तो अब तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 आ रहा है, लेकिन अगर तुम वन यहाँ पर लिस्ट फंक्शन यूज नहीं कर रहे थे, इस वक्त तुम्हारे पास 1 से लेकर 5 तक की चीजें आ रही थी। तो ये था तुम्हारे पास एक और कॉन्सेप्ट, यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो चुका है। इसके अलावा एक काम करते हैं, हम लिस्ट में ट्रावर्सिंग देख लेते हैं। ठीक है, तो L1 में हम स्टोर कर लेते हैं एलिमेंट्स को 1, 2, 3, 4, 5। और अगर मैं यहाँ पर एक एक करके एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना चाहूँ, तो सबसे पहले फॉर, उसके बाद फिर आई इन, उसके बाद L1, और यहाँ पर कोलन के बाद यहाँ पर मैं एक एक करके चीजों को प्रिंट करवा सकता हूँ। प्रिंट आई को प्रिंट करवाऊंगा, ठीक है, उसके बाद कोई एक स्पेशल सिंबल प्रिंट करवा दूंगा, एट द रेट सिंबल प्रिंट करवा दूंगा। ठीक है, ऐसे करते करते वो सारा सारी चीजें यहाँ पर हो जाएंगी प्रिंट। अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं तुम्हें, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट बैक स्लैश एन आ रहा है, तो एक काम करते हैं बैक स्लैश एन को भी हटा देते हैं, एंड इज इक्वल्स टू एक स्पेस। ठीक है, काफी है, या फिर एक काम करते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग डाल देते हैं, मतलब एंड में कुछ ना हो। तो अभी तुम्हें दिख रहा होगा कि हर एक कैरेक्टर यहाँ पर आ रहा है, और उसके बाद फिर एक स्पेस है। स्पेस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कॉमा है, और बाय डिफॉल्ट यहाँ पर दिया हुआ क्या रहता है, सेप इज इक्वल्स टू, सेप इज इक्वल्स टू स्पेस, ये बाय डिफॉल्ट रहता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं स्पेस को भी कुछ नहीं रखते हैं, और एक काम करते हैं एंड में एक स्पेस डाल देते हैं। अब इससे क्या होगा कि हमारे जो भी वेरिएबल्स होंगे, जो भी प्रिंट कराना है, वो एक बार में तो बिना स्पेस के प्रिंट होंगे, लेकिन जो जैसे ही दूसरा इटरेशन होगा उसमें एक स्पेस आ जाएगा न्यू लाइन के, वो इंस्टेड ऑफ अ न्यू लाइन। तो अब तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पर सिंपल है। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके एलिमेंट्स को एक्सेस कर पा रहे हैं। इस चीज को अच्छे से देख लो, ये तुम्हारे बहुत काम आने वाला है। अब हम देख लेते हैं लिस्ट के कुछ फंक्शंस। तो सबसे पहला तो तुम सबको पता होगा लेन फंक्शन के बारे में, अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करवाऊँ, और इसके अंदर हम सारे मेथड्स को लिखेंगे ताकि मेरे को आउटपुट यहीं पर मिल जाए, लिखा हुआ प्रिंट हो जाए आउटपुट जो है। तो सबसे पहला जो है वो लेन फंक्शन का, यानी कि ये हमें क्या करता है, लेंथ प्रिंट करके देता है इसका। ठीक है, लिस्ट ऑफ वन, ठीक है, तो ये मेरे को लेंथ बता के देगा, तो ये 7 लेंथ है इसका। ठीक है, यानी टोटल 7 एलिमेंट्स है इसके। दूसरा जो है वो लिस्ट फंक्शन खुद ही है। इसमें क्या होता है कि हम लिस्ट फंक्शन बाहर रखते हैं, देखो इसमें हम बाहर रख रहे हैं, तो लिस्ट फंक्शन हम बाहर रखते हैं, और अगर मैंने सिर्फ यही रख दिया तो ये मेरे को एक एम्प्टी लिस्ट बना कर देगा। ठीक है, और अगर मैं किसी वेरिएबल को यहाँ पर पास करवाऊँ तो ये उस चीज को एक लिस्ट बना कर देगा। तो ये तो ऑलरेडी लिस्ट है, ये तो जैसा का तैसा आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर। और इसके अंदर मैं यहाँ पर कोई एक सीक्वेंस डाल दूँ, अगर मैं कोई एक स्ट्रिंग डाल दूँ, देखो LIST1 को मैंने एक स्ट्रिंग बना दिया, और अगर मैं इसे भी रन करूँ तो ये मेरे को हर एक एलिमेंट को इस तरह से अलग अलग करके दे रहा है। और वहीं अगर मैं कुछ और भी करूँ यहाँ पर, कोई एक सीक्वेंस डाल दूँ, तो मेरे को लिस्ट बना कर देगा। अगर मैं टपल बना दूँ यहाँ पर, तो वो मेरे को लिस्ट बना कर देगा। ठीक है, तो ये था लिस्ट फंक्शन, तो मैं पता चल गया। और ये ट्रू कॉपी बनाने के भी काम आता है। अब हमारे पास आता है इंडेक्स मेथड। ठीक है, तो मेरे को बार बार यहाँ पर List1 लिखना ना पड़े, इसलिए मैं इसका नाम जो है वो चेंज करके L करता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर L लिखूंगा, L डॉट, अब यहाँ पर इंडेक्स आता है मेरे पास, देखो इंडेक्स, और फिर इंडेक्स के अंदर हम यहाँ पर आर्ग्यूमेंट डालेंगे। आर्ग्यूमेंट हम कुछ भी डाल देते हैं, जैसे कि कोई भी एलिमेंट डाल सकते हैं हम यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर 6 डाल दिया। ठीक है, तो अब मेरे को ये बता के देगा कि 6 जो है वो कौन से इंडेक्स पे है। अगर मैं यहाँ पर इसे रन करूँ तो ये 5th इंडेक्स पे कह रहा है, क्या ये सही कह रहा है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 सही कह रहा है ये। अब मेरे पास जो है वो एक दूसरा फंक्शन है, दूसरा मेथड है, जो कि है अपेंड। अपेंड क्या करता है, अपेंड हमें एक एलिमेंट जोड़ के देता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 6 के जगह पे कुछ और डाल दूँ, तो ये क्या करेगा, ये लिस्ट के एंड में इसको जोड़ देगा। ठीक है, इस एलिमेंट को जोड़ देगा। अगर मैं इसे रन करूँ तो ये तो खैर नन रिटर्न कर रहा है। ठीक है, लेकिन मेरे को यहाँ पर क्या करना है कि इसको चलाने के बाद मेरे को इसको प्रिंट करवाना है, किसको, एल को प्रिंट करवाना है, ना कि इस चीज को प्रिंट करवाना है। तो अगर मैं इसको यहां पर से हटा दूं, अगर मैंने यहां पर इसको ये रख दिया, और अगर मैं यहां पर अब एल को प्रिंट करवाऊं, तो देखो तुम क्या होगा, यहां पर तुम देख सकते हो लास्ट में अपेंड हो चुका है। ये अपेंड मतलब लास्ट में जोड़ना, ठीक है, लिस्ट को आपस में जोड़ना।
और अब मेरे पास एक और मेथड है जो कि है एक्सटेंड, ठीक है। तो एक्सटेंड में हम क्या करने वाले हैं, एक्सटेंड में क्या होता है कि हम किसी दूसरे लिस्ट की वैल्यूज को उसमें जोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर हमने अपेंड में क्या किया था, हमने बस एक वैल्यू डाला था और वो उसमें जुड़ गया था, लेकिन अगर हम एक्सटेंड करें ना तो एक्सटेंड क्या करता है कि किसी लिस्ट को बढ़ा देता है, ठीक है। यानी कि दो वैल्यूज में, जैसे कि अगर मेरे पास L1 यहां पर मैंने एक दूसरा लिस्ट ले लिया, ठीक है सॉरी, और इसके अंदर मैं स्ट्रिंग्स डाल रहा हूं, ठीक है यहां पर मैंने कुछ स्ट्रिंग्स डाल दी, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि अगर मैं इसे यहां से हटा दूं, L1 यहां पर लिख दूं, तो ये क्या करेगा कि L में जो है वो L1 को जोड़ देगा, ठीक है। यानी कि एलिमेंट जो है वो आ जाएंगे सबके एक ही लिस्ट में। तो यहां पर अगर मैं इसे रन करके दिखाऊं तो मैं प्रिंट L कर रहा हूं मैं, ठीक है L प्रिंट करता हूं, यहां पर देख रहे होंगे, ठीक है सारे के सारे एलिमेंट्स एक लिस्ट में आ चुके हैं। किस लिस्ट में आ चुके हैं, L वाली लिस्ट में आ चुके हैं। तो ये था एक्सटेंड, ठीक है। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि अपेंड और एक्सटेंड में क्या अंतर है। अपेंड क्या करता है कि किसी एक एलिमेंट को लेकर उस लिस्ट में बढ़ाता है, ज्वाइन कर देता है, और एक्सटेंड क्या करता है कि किसी लिस्ट में लिस्ट को ही जोड़ देता है, ठीक है। ऐसा नहीं करता कि लिस्ट को एज एन एलिमेंट बना के डाल दे। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर मैं यहां पर इसके जगह पर अपेंड यूज करता, अगर मैं यहां पर अपेंड यूज करता तब क्या होता, तब ये इस चीज को, इस पूरे चीज को एक एलिमेंट सोच लेता और इस एलिमेंट को इसके अंदर डालता, समझ गए कुछ इस तरह से। मैं तुम्हें रन करके दिखाता हूं, रुक जाओ। हाँ तो यहां पर तुम देख रहे हो कि ये जो चीज है ये एक एलिमेंट बन चुका है L1 के लिए, ठीक है। तो ये था अपेंड के लिए, और एक्सटेंड क्या करता है कि लिस्ट को जोड़ देता है, समझ गए। अगर मैं अभी से रन करूं, हो गया ये। अब हमारे पास जो दूसरा फंक्शन आता है वो है इंसर्ट, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर इंसर्ट लिखूं, तो इंसर्ट जो है वो दो दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है। तो इंसर्ट सबसे पहले इंडेक्स लेता है, और उसके बाद तुम्हें पूछता है कि तुम्हें क्या जोड़ना है उसमें। इंसर्ट मतलब तुम समझ गए होगे कि लिस्ट में कोई एक एलिमेंट डालना है, लेकिन एलिमेंट उसमें ऐड करने के लिए हम तो अभी दो चीज ऑलरेडी देख चुके हैं, अपेंड और एक्सटेंड, ठीक है ना। लेकिन हम क्या, हमें अभी क्या देख रहे हैं, इंसर्ट। इंसर्ट में क्या होता है कि हम किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स में ही उसको डाल सकते हैं। जैसे मैं मान के चलता हूं कि मेरे को 0 1, ठीक है 0 1, और फिर मान के चलता हूं मेरे को सेकंड इंडेक्स में, इंडेक्स नंबर 2 में मेरे को मान के चलते हैं कि मेरे को 97 जोड़ना है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, सबसे पहले इंडेक्स नंबर यहां पर डालूंगा, और उसके बाद फिर मेरे को क्या जोड़ना है, 97। तो मैं यहां पर 97 लिख दूंगा, और ऊपर वाली लिस्ट का हम कुछ काम नहीं कर रहे, इसलिए मैं इसको अभी कमांड आउट कर देता हूं। अगर मैं अभी से रन करके दिखाऊं तुम्हें, तो क्या हो रहा है, यहां पर ये 97 आ जा रहा है, ठीक है। यहां पर क्या नहीं हो रहा है, यहां पर देखो 3 हट नहीं रहा है अपने इंडेक्स से, यहां पर इस सेकंड इंडेक्स में क्या कर रहा है, सॉरी इंडेक्स नंबर 2 में क्या हो रहा है कि 97 बस इंसर्ट हो जा रहा है, ठीक है। बाकी जो चीजें थी वो आगे शिफ्ट हो जा रही हैं, बीच में जो है वो 97 इंसर्ट हो जा रहा है। तो ये काम है इंसर्ट फंक्शन का। अब हमारे पास जो फंक्शन है वो है पॉप फंक्शन, ठीक है। यहां पर मैंने लिख दिया पॉप फंक्शन, और पॉप फंक्शन जो है वो बस एक आर्ग्यूमेंट लेता है जो कि है कि इंडेक्स, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर इंडेक्स नंबर डाल दूं, अगर मैं यहां पर इंडेक्स नंबर डाल दूं ये वाला 1, ठीक है, अगर मैं यहां पर इंडेक्स नंबर 1 डाल दूं, तो ये क्या करेगा कि यहां पर ये जो 2 है इस चीज को ये डिलीट कर देगा इस लिस्ट से, ठीक है हटा देगा, ठीक है। अगर मैं यहां पर इसे रन करूं, तो यहां पर तुम देख सकते हो 2 जो है वो हट चुका है, ठीक है। और अगर मैं यहां पर कोई भी वैल्यू यहां पर नहीं डालूं, तब क्या होता है, तब क्या होगा कि ये बाय डिफॉल्ट यहां पर जो लास्ट वैल्यू है इसको हटाता है, यहां पर से देख रहे होगे तुम, लास्ट वैल्यू को इसने हटा दिया। अगर यहां पर तुम इंडेक्स डालोगे तो उस इंडेक्स वाली चीज को ये हटाएगा, और अगर इंडेक्स नहीं डालोगे तो ये लास्ट वाली चीज को हटा देगा। तो ये काम है पॉप फंक्शन का। और पॉप फंक्शन के बारे में एक खास बात यह है कि ये जो है वो वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। अभी तक जो हम वैल्यूज देख, अभी हम फंक्शन देख रहे थे, उसमें बहुत सारे फंक्शन आ रहे थे जो वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे थे। तो इसको अगर मैं उठा के यहां पर डालू ना, यहां पर इसको हटा दिया मैंने, और इसको मैं प्रिंट के अंदर डालू ना, तो ये मेरे को प्रिंट करके देगा जो वैल्यू इसने हटाई है, ठीक है, ना कि मेरे को लिस्ट प्रिंट करके देगा, ये मेरे को वो प्रिंट करके देगा जो इसने हटाई है, ठीक है। अगर मैं इसे रन करूं तो देखो इसने क्या हटाया था, 7, तो इसने 7 प्रिंट कर दिया। और अगर मैं यहां पर कोई इंडेक्स डाल दूं, जैसे कि मान लेते 4, तो ये 4th इंडेक्स वाली चीज को हटाएगा। तो 4th इंडेक्स में क्या है, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4th इंडेक्स पे ये 4 है, तो इसने सॉरी सॉरी 0 1 2 3 4, तो 4th इंडेक्स पे 5 है, तो 5 को इसने हटा दिया। अब अगर मैं प्रिंट करवाना चाहूँ L को, ठीक है, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो वो चीज हट के आ चुकी है, ठीक है, यहाँ पर ये 5 हट के आ चुकी है। तो ये काम था पॉप फंक्शन का। और पॉप फंक्शन के बारे में एक और खास बात ये है कि पॉप फंक्शन एरर भी देता है। कब एरर देता है, जब उसके पास एक एम्प्टी लिस्ट हो, ठीक है। अब एम्प्टी लिस्ट में वो क्या ही हटाएगा,
तो अगर मैं इसे भी रन करके दिखाऊं तुम्हें तो तुम देख सकते हो कि पॉप फ्रॉम एम्प्टी लिस्ट, ये एरर आ रहा है, ठीक है। तो जब भी तुम पॉप करो तो ध्यान रखो कि तुम्हारी जो लिस्ट है वो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। हमेशा तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम कुछ भी ऐसा काम करो जिससे कि एरर ना आए। कुछ एक्सेप्शन हैंडलिंग उसके लिए अलग से आती है, अलग चीज़ है एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो वो काफ़ी ईजी चीज़ है। खैर तुम उसे पढ़ सकते हो अगर तुम्हें तुम्हारा मन हो तो। खैर तुम्हें हमेशा ये ट्राई करना है कि एरर ना आए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है रिमूव फंक्शन। तो रिमूव फंक्शन क्या करता है? तो रिमूव जो है वो वही तुम्हें नाम से पता चल रहा होगा कि वैल्यूज को रिमूव करता है। तो हम देखने वाले हैं कि रिमूव फंक्शन क्या काम करता है, ठीक है। अब रिमूव को मैंने यहां पर क्यों नहीं लिखा प्रिंट फंक्शन के अंदर, इस चीज को मैंने प्रिंट फंक्शन के अंदर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये जो है वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करती, ठीक है। पॉप जैसे कि कोई वैल्यू रिटर्न कर रही थी, वैसे ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करती। पॉप क्या रिटर्न कर रहा था? वही चीज जो कि उसने अभी अभी हटाई है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर तुम्हें बताऊं कि यहाँ पर देखो इंडेक्स नहीं लिखना तुम्हें रिमूव फंक्शन में। पॉप फंक्शन में तुम क्या करते थे? इंडेक्स लिखते थे। और यहाँ पर तुम्हें क्या करना है? डायरेक्ट एलिमेंट के एलिमेंट को ही लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं अगर एस एफ लिखूँ, ठीक है, और अगर मैं इसे रन करूँ तो तुम यहाँ पर देख सकते हो एस एफ यहाँ से हट चुका है। क्या होगा अगर यहाँ पर एस एफ जो है वो मल्टीपल टाइम्स होता? यहाँ पर मैंने एस एफ फिर से लिख दिया। अगर मैं अब इसे रन करूँ तो तुम यहाँ पर देख सकते हो कि इसने बस एक ऐसा को हटाया, बाकी दूसरा एलिमेंट जो है वो जैसा का तैसा है ही यहाँ पर। तो रिमूव क्या करता है? रिमूव के अंदर जो जो भी तुम एलिमेंट डाल रहे हो वो पहली बार जब भी उस लिस्ट में तुम्हें मिल जा रहा है वो उस टाइम उसको वहां से हटा दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जिस तरह से पॉप में था कि अगर तुम पॉप के अंदर कोई भी एक एलिमेंट नहीं डालो, कोई भी आर्ग्यूमेंट ना डालो, तो वो क्या करता था? लास्ट एलिमेंट को हटा देता था, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर ये काम तुम रिमूव में करो तो तुम देख सकते हो यहाँ पर एरर आ रहा है, ठीक है। एटलीस्ट एक आर्ग्यूमेंट इसको चाहिए। तो देखो अब मेरे पास एक और मेथड है जो कि क्या है, क्लियर, ठीक है। क्लियर नाम से पता चल रहा होगा, ये क्या करता है? पूरे लिस्ट को क्लियर कर देता है, ठीक है, लिस्ट को एम्प्टी कर देता है। उसने एक एम्प्टी लिस्ट रिटर्न किया, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें मैं एक और चीज बताऊं यहाँ पर, इन चीजों को मैं पहले कमेंट आउट कर देता हूँ। तो अगर मेरे पास मान लेते हैं ए में मैंने वन स्टोर कर दिया, ठीक है, सॉरी असाइन कर दिया, ए में वन असाइन कर दिया, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ ये चीज़ मैं लिख रहा हूँ डेल ए, ठीक है। और अगर अब मैं कोई भी काम करवाना चाह रहा हूँ ए से, मान लेते हैं मैंने ए में ए को प्रिंट करा लिया, चलो ए को प्रिंट करवा रहा हूँ मैं, तो ये मेरे को क्या देगा? ये मेरे को एरर देगा, ठीक है। ये बोलेगा कि ए तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर डेल ए का मतलब है कि मैंने वेरिएबल ए जो था उसको डिलीट करवा दिया है, ठीक है। तो ये काम है डेल ए का। तो ये था डेल स्टेटमेंट। डेल स्टेटमेंट था वो, कोई फंक्शन नहीं था अगर तुम्हें याद हो तो। तुम देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये कोई फंक्शन नहीं है। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पर से हटा देता हूँ, और ये जो चीज़ थी इसको मैं वापस ले आता हूँ, ठीक है। तो अब तुम मैं यहाँ पर दिख रहा हूँ कि मैंने क्लियर किया। तो क्लियर क्या कर रहा है कि लिस्ट को सिर्फ एम्प्टी कर रहा है, ये नहीं कर रहा है कि उस वेरिएबल को वो डिलीट कर दे रहा है, ठीक है। ये अभी भी एक लिस्ट है लेकिन ये एक एम्प्टी लिस्ट है, ठीक है, सारे एलिमेंट्स को ये हटा दे रहा है, ठीक है। तो ये काम है क्लियर का। और देखो तुम्हें यहाँ पर लिस्ट को काफी ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। जो जो चीजें मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ वो काफी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अगर तुम्हें फ्यूचर में कभी कंप्यूटर साइंस ऑप्ट करना है, बीटेक करना है सीएसई में, तो फिर तुम्हें क्या करना है, वहां पर डीएसए तो बहुत अच्छे से पढ़ना होगा तुम्हें। तो डीएसए में काफी ज्यादा काम आएगा ये लिस्ट वाला जो फंक्शन है, ठीक है, सब कुछ काम आएगा लिस्ट में, जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ सब कुछ काम आएगा। और डीएसए में क्या होता है कि तुम्हें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो जरूरी नहीं होती, तुम्हें बस डीएसए में कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तुम्हें कॉन्सेप्ट आएगा तो तुम्हें जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तुम किसी से भी कर सकते हो। अब मेरे पास जो दूसरा फंक्शन है वो है काउंट। तो यहाँ पर मैं अगर काउंट लिख दूँ और इसके अंदर मेरे को वैल्यूज लिखनी है, ठीक है, कि जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एस एफ लिखूँ, एस एफ, तो यहाँ पर ये मेरे को ये रिटर्न करके देगा कि जो एस एफ है ना वो इस लिस्ट में कितने बार आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इस चीज़ को यहाँ से हटा के यहाँ पर लिख दूँ तो यहाँ पर ये मेरे को रिटर्न करके देगा वैल्यू, ठीक है। तो ये मेरे को कह रहा है दो बार आ रहा है, ठीक है। तो ये काम है काउंट का। अब हमारे पास जो मेथड है इसके बाद जो कि वो है रिवर्स। तो अगर मैं यहाँ पर रिवर्स लिख दूँ और इस चीज़ को मैं यहाँ पर से हटा दूँ, ठीक है, और ये क्या करता है, ये कोई भी लिस्ट जो है वो रिटर्न नहीं करता, ठीक है, कोई भी चीज़ यहाँ पर रिटर्न नहीं करता। अगर मैं यहाँ पर इसे रन करके दिखाऊँ तुम्हें तो ये कुछ रिटर्न नहीं करता, तो मुझे ये काम अलग से करवाना होगा यहाँ से, ठीक है। और प्रिंट में मेरे को सिर्फ L1 डालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर रन करता हूँ तो मेरे को तुम यहाँ पर देख सकते हो, तो इसने सारे वैल्यूज को यहाँ पर उल्टा कर दिया है, तुम्हें दिख रहा होगा रिवर्स का काम क्या होता है, रिवर्स करना। और इसके बाद हमारे पास दो और मेथड्स आते हैं जो कि है सॉर्ट और सॉर्टेड। तो पहले मैं तुम्हें सॉर्ट के बारे में बताता हूँ, ठीक है।
तो सॉर्ट क्या होता है, उसके लिए मैं यहाँ पर इन चीज़ों को हटा के कुछ नंबर्स यहाँ पर लिख देता हूँ। सॉरी, ये क्या कर रहा हूँ मैं, क्षमा चाहूँगा, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्या बोलते हैं पता नहीं। तो ये हो गया, मैंने यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर लिख दिया। अब मैं यहाँ पर सॉर्ट कर रहा हूँ इस चीज़ को। यहाँ पर मैंने ये तो लिख दिया, ठीक है, सॉर्ट तो लिख दिया। इसका मतलब तुम्हें पता होगा कि ये एक असेंडिंग ऑर्डर में काम कर रहा है, ठीक है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में ये इन चीज़ों को अरेंज कर देगा, ठीक है, एलिमेंट्स को। यहाँ पर अगर मैं स्ट्रिंग्स भी डालता तो उनमें से भी ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें ASCII कोड्स के बारे में कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है, तो अगर तुमने वो देखा होगा तो तुम्हें पता होगा। और अगर मैं इसे अभी रन करूँ तो तुम यहाँ पर देख रहे होगे ये क्या हो रहा है, ये देख रहे होगे तुम यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये सॉर्ट हो चुकी हैं असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, ये हो चुका है। और हम ये भी देख लेते हैं यहाँ पर कि क्या ये चीज़ जो है वो कुछ रिटर्न भी करती हैं। अगर मैं यहाँ पर इसे रन करूँ तो तुम देख रहे हो यहाँ पर ये कुछ रिटर्न नहीं करता। ओके, पोपट हो गया। और तुम्हें यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि अगर तुम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ कर लोगे तो फिर ये सॉर्ट वाला सॉर्ट वाला जो मेथड है, सॉर्ट मेथड, वो काम नहीं करने वाला। अगर मैं यहाँ पर 1.2+4j यहाँ पर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर रख दिया तब क्या होगा, यहाँ पर एरर ये दिखा रहा है मेरे को, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मैं सॉर्टिंग नहीं कर सकता। और देखो यहाँ पर मैंने इसे असेंडिंग ऑर्डर में अभी अरेंज किया था, ठीक है, तो अगर मैं चाहता हूँ इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का तो फिर मैं क्या लिखूंगा? तो यहाँ पर क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट इसमें ये लिखा हुआ होता है, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा लेकिन ऐसा लिखा हुआ होता है रिवर्स इक्वल्स टू, और उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ लिखा, क्या लिखा हुआ रहता है, फॉल्स। यहाँ पर ये एक बुलियन वैल्यू है, ये बाय डिफॉल्ट ऐसा लिखा हुआ रहता है। अगर मैं इसे रन करूँ तो तुम देख रहे हो अभी भी वैसा ही लिखा हुआ है, कोई चेंज नहीं है इसमें। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसे हटा के ट्रू कर दूँ तब ये मेरे को डिक्रीजिंग ऑर्डर में देगा, ठीक है। अब यहाँ पर तुम देख सकते हो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो इस तरह से तुम सॉर्टिंग कर सकते हो असेंडिंग ऑर्डर में भी, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी। यहाँ पर तुम्हें बस इस आर्ग्यूमेंट का ख्याल रखना है, रिवर्स इक्वल टू ट्रू या फिर रिवर्स इक्वल टू फॉल्स। अब हमारे पास एक और फंक्शन है जो कि ये सॉर्टेड, ठीक है। अब सॉर्टेड को लिखने का तरीका वो नहीं है जो पहले था। इसमें क्या होता है कि हम पहले एक नया एक वेरिएबल रखते हैं, ठीक है, मान लेते हैं L2, और इसमें हम यहाँ पर बाहर में लिखते हैं सॉर्टेड। और सॉर्टेड लिखने के बाद हम यहाँ पर पहले जिस लिस्ट को सॉर्ट करना चाहते हैं वो L1 लिखते हैं, ठीक है, L1 को सॉर्ट करना चाहते हैं, हमने L1 लिखा। और उसके बाद वो वही असेंडिंग डिसेंडिंग वाला कॉन्सेप्ट, रिवर्स इक्वल्स टू फॉल्स होता है। पहले हम यहाँ पर फॉल्स ही डाल देते हैं, उसके बाद मैं ट्रू का भी बता दूंगा तुम्हें। चलो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। तो यहाँ पर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर तुम देख रहे होगे कि L1 लिखा हुआ है, रिवर्स इक्वल्स टू फॉल्स लिखा हुआ है, और सॉर्ट भी तो ऐसा कुछ था। तो दोनों में अंतर क्या है? अगर मैं यहाँ पर तुम्हें इसे रन करके दिखाऊं, यहाँ पर मेरे को L2 लिखना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसे अब रन करके दिखाऊं तो तुम देख रहे हो कि ये वही काम कर रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर नीचे L1 को भी मान लो प्रिंट करवाना चाहता हूँ, ठीक है, तब तुम देख रहे हो यहाँ पर L1 में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। तो अब तुम्हें पता हो गया, चलो गया होगा कि ये क्या करता है, मतलब अलग कैसे है सॉर्टेड सॉर्ट से, ठीक है। तो सॉर्टेड क्या करता है कि एक नई कॉपी बनाता है। सॉर्ट क्या कर रहा था, वो पुराने लिस्ट को ही चेंज कर रहा था, लेकिन सॉर्टेड क्या कर रहा है, वो किसी एक नए लिस्ट में उस चीज को चेंज करके स्टोर कर रहा है, और वो पिछले वाले जो लिस्ट है उसको चेंज नहीं करेगा, उसमें कोई एक चेंज नहीं करेगा। तो ये अंतर था सॉर्ट और सॉर्टेड में। और यहीं पर अगर मैं यहाँ पर तुम ट्रू कर दो तो वही है, यहाँ पर क्या ही करूँ, पता चल गया होगा तुम्हें, ठीक है। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है, ठीक है, पहला वाला देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। तो ये काम था सॉर्ट और सॉर्टेड में। अब देखो तीन फंक्शंस हमारे पास और है जो कि है मिनिमम निकालने का, मैक्सिमम निकालने का, और सम निकालने का, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी जो चीज़ें हैं इनका सम अगर निकालना हो या फिर मिनिमम वैल्यू कौन सी है वो निकालना हो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। कैसे? यहाँ अगर मैंने मिन लिख दिया, ठीक है, अगर मैं मिन फंक्शन में यहाँ पर L1 को पास कर रहा हूँ तो अब मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाता हूँ, तो ये मेरे को मिनिमम वैल्यू निकाल के दे रहा है 1, जो कि यहाँ पर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसके जगह पर मैक्स लिख दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरे को 45 दे रहा है। और अगर उसके जगह पर यहाँ पर मैं सम लिख दूँ, ठीक है, अब इसे मैं रन करूँ तो ये मेरे को इन सब का सम निकाल के देगा, ठीक है, सबको जोड़ देगा। और अगर मैं यही चीज़ अल्फाबेट्स के लिए भी करूँ, स्ट्रिंग्स के लिए, ठीक है, मान लेते मैंने ये कर दिया, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर मान लेते अपना नाम लिख दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पर एफ लिख दिया, ठीक है, ये चीज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो अगर मैं इसे रन करूँ तो ये क्या कह रहा है, मेरे को एरर बता रहा है, ठीक है। तो प्लस इंट और स्ट्रिंग में ये एक एरर बता रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों बता रहा है? क्योंकि ये जो सम है ना ये इसके लिए है, मतलब ये इंटीजर्स के लिए है, ठीक है। और अगर मैं यहीं पर मिन डाल दूँ,
और अगर अब रन करूं तो यहां पर ये मेरे को मिनिमम वैल्यू निकाल के दे रहा है राजनाथ। ऐसा क्यों ये कर रहा है? क्योंकि देखो यहां पर ये जो आ रहा है वो कैपिटल आ रहा है, और कैपिटल वाले अल्फाबेट्स की वैल्यू कम होती है, और मतलब आस्की वैल्यू वो तुमने पढ़ा होगा तो। और वहीं हम यहाँ पर मैक्स वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब रन करूँ तो तुम यहाँ पर देख सकते हो ये आ रहा है, ठीक है। बस यहाँ पर क्या काम नहीं कर रहा है स्ट्रिंग्स के लिए, यहाँ पर ये सम काम नहीं कर रहा है। अभी रन करूँ मैं इसे तो तुम देख रहे हो यहाँ पर ये आ रहा है, जबकि हमने यहाँ पर सब कुछ स्ट्रिंग में डाला हुआ है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यहाँ पर ये जो सम है वो उसको सिर्फ नंबर्स चाहिए, ठीक है, उसको बाकी कुछ चीज़ें नहीं चाहिए, ना ही स्ट्रिंग चाहिए, ना ही इंटीजर्स, ना ही टपल्स, ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए उसको, बस नंबर्स चाहिए, तब वो तुम्हें सम करके देगा। बाकी मिनिमम और मैक्सिमम जो है वो तो सबके लिए सेम है, ठीक है, वो सबको करके देगा। तो इस तरह से लिस्ट खत्म होता है। अब टपल्स देखते हैं। देखो टपल भी सेम है, इंट्रोडक्शन तुम ऑलरेडी जानते हो, जैसे तुम्हारे पास लिस्ट था वैसे ही यहाँ पर टपल भी है, लेकिन बस एक फर्क है कि टपल जो है वो इम्यूटेबल डेटा टाइप का है। अगर मैं यहाँ पर L1 ऐसे रख दूँ और मैं यहाँ पर चीज़ों को स्टोर करना चाहूँ, तो इस तरह से मैंने लिस्ट में स्टोर कर लिया चीज़ों को, या फिर कह सकते हैं असाइन कर लिया। और अगर मैं यहाँ पर एक टपल बनाना चाहूँ तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर सिंपल पैरेंथेसिस यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर भी मैं कुछ चीज़ों को ऐसे असाइन करवा सकता हूँ, तो ये मेरा एक टपल बन जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसका टाइप प्रिंट करवाऊँ, टाइप ऑफ T1, अगर मैं इसको रन करूँ तो हमारे पास क्या आ रहा है, टपल, ठीक है। और क्या क्या और तरीके हैं टपल बनाने के, अगर मैं इसको एम्प्टी एक टपल बनाना चाहता हूँ, तो तुम सबको इतना आइडिया तो अब तक लग ही चुका होगा कि अगर मैं ट्रिपल फंक्शन का यूज करूँ तो ये भी मेरे को एक एम्प्टी टपल बनाकर दे देगा, ठीक है। और क्या होगा अगर मैं बिना टपल फंक्शन के सिर्फ इस तरह से, जैसे अगर मैं को एम्प्टी लिस्ट बनाना होता था तो मैं ऐसे बना लेता था, तो अगर मैं इस तरह से टपल बनाना चाहूँ तो क्या होगा। यहाँ पर भी हमारे पास टपल बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन क्या होगा अगर मैं यहाँ पर कोई एक सिंगल एलिमेंट डाल दूँ, जैसे मैंने यहाँ पर 5 डाल दिया। अब जरा प्रिंट करते हैं, ये मुझे इंट कह रहा है। इंट क्यों कह रहा है, थोड़ा दिमाग लगाओ। अब अगर तुमने दिमाग लगा लिया है तो यहाँ पर देखते कि इसे इंट क्यों कह रहा है। सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या बताया था कि किसी भी एक्सप्रेशन को, किसी भी स्टेटमेंट में से पाइथन क्या करता है, एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करता है। तो इस चीज को अगर ये इवेल्युएट करे, जैसे T1 है यहाँ पर, और T1 में क्या दिया हुआ है कि ब्रैकेट के अंदर 5 है, तो इस चीज को अगर ये इवेल्युएट करे तो सिंपली इसके पास मैथमेटिकली 5 आ जाएगा। अगर यहाँ पर 5 + 1 रहता तो मैथमेटिकली इसके पास 6 आ जाता। तो ये ब्रैकेट से क्या कर रहा है, चीजों को इवेल्युएट कर रहा है। तो इस केस में तुम्हें क्या करना है, इस चीज से तुम कैसे बच सकते हो। अगर तुम्हें सिंगल एलिमेंट का एक टपल बनाना है तो तुम वो कैसे बना सकते हो, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो उसके लिए तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल तुम्हें बस एक एलिमेंट डालना है, उसके बाद एक कॉमा लगा देना है। तो ये तुम्हारा एक सिंपल सिंगल एलिमेंट वाला टपल बन चुका है। अगर मैं इसको अभी रन करके दिखाऊं तुम्हें, तो अब ये कह रहा है कि टपल, ये एक टपल है, ठीक है। इस तरह से तुम एक सिंगल एलिमेंट वाला टपल बना सकते हो। बाकी चीजें यहाँ पर लिस्ट के जैसी ही है, अगर तुम यहाँ पर सीक्वेंस डालो टपल फंक्शन के अंदर तो वो भी एक टपल बन के आ जाएगा, या फिर इवैल फंक्शन का यूज वो भी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तुम इन चीजों को खुद भी ट्राई करना। अब यहाँ पर भी लेन फंक्शन काम करता है, तुम यहाँ से किसी भी टपल का लेंथ देख सकते हो लेन फंक्शन से, टाइप फंक्शन से तुम उसका डेटा टाइप तो देख ही सकते हो, ठीक है। और इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग सारा कुछ इसमें सेम है, मेंबरशिप ऑपरेटर भी सेम है, कॉन्कैटेनेशन, रेप्लिकेशन वो सारा भी सेम है, मतलब बहुत सारी चीजें यहाँ पर बिल्कुल सेम है, ठीक है। तुम्हें बस याद रखना है कि वो बस म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी का फर्क है। ट्रैवर्सिंग इसमें भी तुम बड़े आसानी से कर सकते हो, और इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है अनपैकिंग टपल्स का, ठीक है। जैसे अगर मैं इस लिस्ट को हटा दूं यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर मैं टपल में कुछ एलिमेंट्स डाल दूं, ठीक है, मैंने यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स डाल दिए हैं यहाँ पर टपल पे। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं अनपैकिंग का यूज करता हूँ। जैसे अनपैकिंग का मतलब होता है, सबसे पहले यहाँ पर इस चीज को समझ लो कि अगर को तुम कोई टपल बना रहे हो तो वो उसे हम कह सकते हैं कि तुम पैकिंग कर रहे हो, ठीक है। अब अनपैकिंग का मतलब तुम इस चीज से काफी अच्छे तरीके से समझ सकते हो। जैसे यहाँ पर मेरे पास कितने एलिमेंट्स है, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 एलिमेंट्स है। हम एक काम करते हैं, 5 वेरिएबल्स बनाते हैं, A1, A2, A3, A4, A5, ठीक है, और इसमें असाइन कर देते हैं P1 को, बस काम खत्म। अगर मैं प्रिंट करना चाहूं, किसी भी इंडिविजुअल को ले लो, A2 को ले लो, तो क्या प्रिंट होगा। अगर तुम इस चीज को देखो तो क्या प्रिंट होना चाहिए, बहुतों को समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आया तो वीडियो आगे देखते रहो, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर प्रिंट हो रहा है 2, A2 में 2 आ गया है, ठीक है। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा ये कैसे हो रहा है, T1
T1 में कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5, और 5 वेरिएबल्स हमने बनाए, ठीक है, और इसमें हमने सिंपली एक टपल को असाइन कर दिया, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर एक एक करके एलिमेंट्स स्टोर होते जाएंगे, ठीक है। A1 में 5 चला जाएगा, A2 में 2 चला जाएगा, A3 में 6, A4 में 2, और उसी तरह से A5 में भी 2। तो ये था अनपैकिंग का जो भी कॉन्सेप्ट है। और अब हम मेथड्स देख लेते हैं जो भी फंक्शंस वगैरह हैं हमारे टपल्स में। तो सबसे पहले तुम्हारे पास क्या है, लेन फंक्शन। लेन फंक्शन अभी तक मैंने तुम्हें बहुत बार यूज करके बताया, वो तुम्हें डायरेक्ट क्या करता है कि तुम्हारे टपल का लेन बताएगा, लेंथ यानी कि कितने एलिमेंट्स है उसमें, ये बताएगा, ठीक है। अगर मैं इसे अभी रन करके दिखाऊं तुम्हें, तो ये मेरे को बता रहा है 3, ठीक है, ये था लेन फंक्शन। दूसरा है मैक्स फंक्शन, जो कि तुमने लिस्ट में भी पढ़ा होगा, ये तुम्हें मैक्सिमम मतलब कि जो सबसे बड़ा एलिमेंट है तुम्हारे लिस्ट में या फिर टपल में वो बताएगा, ठीक है, ये फंक्शन। तो इसने ये बता दिया, ठीक है। और हाँ, तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जब भी तुम इस तरह से मिनिमम या फिर मैक्सिमम का कंपैरिजन कर रहे हो, तो तुम्हारे जो सीक्वेंशियल डेटा टाइप है, जो कि लिस्ट है या फिर टपल है, तो फिर उसमें जो है वो सेम तरह की, सेम डेटा टाइप की वैल्यूज होनी चाहिए। मतलब अगर तुम इंटीजर्स डाल रहे हो, तो सारे के सारे इंटीजर्स होने चाहिए। अगर तुम मतलब फ्लोट भी चलेगा उसमें, तो इंटीजर्स और फ्लोट में कंपैरिजन हो सकता है। और अगर तुम यहाँ पर स्ट्रिंग डाल रहे हो, तो सारे के सारे स्ट्रिंग होने चाहिए। अगर तुम यहाँ पर लिस्ट डाल रहे हो, तो सारे के सारे लिस्ट होने चाहिए। टपल डाल रहे हो, तो टपल्स होने चाहिए सारे के सारे, ठीक है। यानी कि सेम डेटा टाइप होना चाहिए। अब यहाँ पर इंटीजर्स और फ्लोट डेटा टाइप में चीजें कंपेयर हो सकती हैं, ठीक है। तो मिन और मैक्स उसके लिए चल सकता है, वरना तुम्हें क्या करना होगा, सेम डेटा टाइप की चीजें डालनी होंगी। तो यहाँ पर उसी तरह से मिन भी है, यहाँ पर मैं मिन करता हूँ, ठीक है। अगर अभी से रन करूँ, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो 0 आ गया। और उसके बाद हमारे पास उसी तरह से सम भी है, यहाँ पर अगर मैं सम लिख दूँ, तो यहाँ पर इन सब का वो सम निकाल के देगा तुम्हें, देख रहे हो यहाँ पर तुम्हें सम निकाल के आ रहा है इनका, तुम सम कर लो। और इसके बाद हमारे पास इंडेक्स, और इंडेक्स को इस तरह से नहीं यूज करते हैं। इंडेक्स को पहले कैसे यूज करते हैं, इंडेक्स को यूज करने के लिए तुम्हें पहले वेरिएबल का नाम लिखना होगा, जो कि टपल है तुम्हारा, डॉट लगाना पड़ेगा, और उसके बाद फिर यहाँ पर तुम्हें इंडेक्स लिखना होगा, और उसके बाद तुम्हें यहाँ पर वो एलिमेंट को पास करना होगा, ठीक है, जिसकी इंडेक्स तुम जानना चाहते हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 734 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 734। अब मेरे को इस चीज़ की इंडेक्स निकाल कर देगा, यहाँ पर ये मेरे को बता रहा है कि सेकंड इंडेक्स पे है, ठीक है। तो 0 1 और ये 2, ठीक है, सेकंड इंडेक्स पे है। तो इस तरह से ये काम करता है इंडेक्स मेथड जो है वो। तो चलो यहाँ पर थे, तुम एक प्रोग्राम तो यहाँ पर ये बना सकते हो कि अगर मैं तुम्हें कोई टपल दे दूं, उसमें से मैं तुम्हें ये बताना चाहूं कि ये अगर पूछूं कि उस टपल में से सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, या फिर चलो ठीक है, बड़ा एलिमेंट सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है और उसकी इंडेक्स क्या है, तो तुम ये तो निकाल ही सकते हो, ठीक है ना। तो अगर निकालना है तो तुम्हें अभी यहाँ पर निकाल सकते हो इसे, वीडियो पॉज करो और ये प्रोग्राम बनाकर देख लो, अगर बनता है तो बहुत अच्छी बात है। और अभी हमारे पास काउंट मेथड, ठीक है। तो काउंट मेथड क्या करता है कि काउंट जो है वो उस चीज को काउंट करता है कि वो कितने बार है तुम्हारे टपल में। तो 734 ये कितनी बार है तुम्हारे टपल में, एक बार है, यहाँ पर इसलिए एक लिख रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ पर मैं 0 कर देता हूँ, और 0 को मैं 2-3 बार और यहाँ पर डाल देता हूँ, यहाँ पर मैंने 0000000, ठीक है, ये कर दिया। अब अगर मैं इसे अभी रन करूँ, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि 6 बार आ रहा है, ज़रा काउंट कर लो। अब हमारे पास एक फंक्शन है जो कि है सॉर्टेड, ठीक है। सॉर्टेड हमेशा एक ही काम करता है, सॉर्टेड में हम कोई भी यहाँ पर सिक्वेंशियल डेटा टाइप डाल सकते हैं, और वो हमें क्या रिटर्न करके देता है, वो हमें एक सॉर्टेड लिस्ट रिटर्न करके देगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसे रन करूँ, मतलब यहाँ पर ए डाल के अगर मैं इसे अभी रन करूँ, इसको इस चीज़ को पहले हम यहाँ पर से हटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें एक लिस्ट रिटर्न करके दे रहा है, और ये सॉर्ट किया हुआ लिस्ट है, ठीक है। यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में चीज़ें, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, रिवर्स इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो 2 आर्ग्यूमेंट चाहिए लेता है, रिवर्स इक्वल्स टू फॉल्स यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ रहता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो अगर मैं इसे अभी रन करूँ, तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ये असेंडिंग ऑर्डर में ही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस चीज़ को हटा के ट्रू कर दूँ, तो अगर मैं यहाँ पर इस चीज़ को हटा के ट्रू कर दूँ, तो अभी क्या होगा, ये मेरे को रिटर्न, ये मेरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में देगा, ठीक है। तो ये काम है सॉर्टेड का। और इसके बाद हमारे पास आता है टपल फंक्शन। टपल फंक्शन क्या करता है, वही सिमिलरली डेटा टाइप्स को चेंज कर देगा वो, ठीक है। यहाँ पर अगर तुम कोई एक सीक्वेंस डाल दो, सॉरी सीक्वेंस नहीं, यहाँ पर मैंने ये डाल दिया, अगर मैं इसको टपल में चेंज करके लिखना चाहूँ, तो ये क्या ये कर पाएगा, देखते हैं। यहाँ पर मैं टपल में चेंज करता हूँ इसको, किसको, ए को, अगर मैं इसे अभी रन करूँ, ठीक है। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो कि ये नहीं कर पा रहा है इंट को, ठीक है। तो यानी कि टपल के अंदर हमें कोई एक सीक्वेंशियल डेटा टाइप डालना पड़ेगा, तो इसे सीक्वेंशियल बना देते हैं, कोई बात नहीं, इसे नहीं, इसे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे रन करके दिखाता हूँ, तो देखो यहाँ पर ये इस चीज़ को
काम कर पा रहा है, ठीक है। तो टपल फंक्शन का ये काम होता है। अब देखो अभी तक मैंने तुम्हें क्या बताया कि हम टपल में चीजों को चेंज नहीं कर सकते, मतलब एलिमेंट्स को एक एक करके चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका इनडायरेक्ट तरीका भी होता है, ठीक है। हमारे पास दो इनडायरेक्ट तरीके हैं, कौन कौन से। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक टपल मैं यहां पर लेता हूँ, ठीक है। ये क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, यहां पर मैंने ये एक टपल ले लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर चीजों को चेंज करना चाहता हूँ, तो पहला तरीका तो मेरे पास ये है कि यहां पर मैं पैकिंग और अनपैकिंग का यूज करूँ, ठीक है। तो यहां पर तुम देख सकते हो, पहले मैं एक्स लूंगा कॉमा वाई कॉमा जेड। यहां पर मैं क्या करा रहा हूँ, यहां पर मैं इसको अनपैकिंग करवा रहा हूँ, पहले अनपैकिंग और उसके बाद फिर मैं यहां पर ए लिखूंगा, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा कि एक्स में 4 चला जाएगा, वाई में 3 चला जाएगा और जेड में 568 चला जाएगा, ठीक है। तो अब मैं यहां पर पैकिंग करता हूँ। अब मैं यहां पर क्या करता हूँ, ए में असाइन करता हूँ और ए इक्वल टू लिखूंगा, और यहां पर मैं यहां पर एक्स लिखता हूँ, ठीक है, एक्स कॉमा। अब मैं यहाँ पर वाई के जगह पे क्या करता हूँ, 8 कर देता हूँ, और यहाँ पर जेड के जगह पे जेड ही रखता हूँ, ठीक है। ये कर दिया मैंने। अगर अभी मैं इसे रन करूँ, ओ तो मैंने यहाँ पर इसे प्रिंट करवाया ही नहीं है। प्रिंट करवाते हैं किसको, ए को, ठीक है। तो यहाँ पर आप तुम देख सकते हो कि हमारा जो ए था उसमें चेंजेस हो चुके हैं। कैसे चेंजेस हुए, सबसे पहले यहाँ पर मैंने इसको असाइन किया ये एक टपल, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसकी अनपैकिंग की, ठीक है, मैंने यहाँ पर इसकी अनपैकिंग की, तो यहाँ पर एक एक एलिमेंट्स एक एक वेरिएबल में आ गए। अब मैंने वेरिएबल को, अगर मैं चाहता तो यहाँ पर ये लिख सकता था कि y इज इक्वल्स टू 8, ये भी लिख सकता था, और यहाँ पर डायरेक्ट मैं y लिख देता, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से वैल्यूज चेंज करवाई, और उसके बाद फिर मैं ए में पूरी की पूरी ए को मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर तुम देख सकते हो कि ए के किसी एक एलिमेंट को यहाँ पर मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं पूरे के पूरे ए को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। ए पूरा का पूरा ये था, उसको मैं पूरा का पूरा चेंज करके हटा के ये लिख रहा हूँ, ठीक है। यानी कि मैं एक एलिमेंट को चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये इम्यूटेबल और इम्यूटेबल वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगने वाला, समझ रहे हो तुम। पूरी की पूरी चेंज को यहाँ पर मैं चीज को मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ। एक एलिमेंट अगर मैं उठा के यहाँ पर चेंज करता तो वो उसमें इम्यूटेबल और म्यूटेबल वाला कॉन्सेप्ट आ जाता, तो ये मैं कर सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर चीजों को चेंज कर सकता हूँ इंडिविजुअल एलिमेंट्स को टपल के ही अंदर। ये था पहला इनडायरेक्ट मेथड। और दूसरा इनडायरेक्ट तरीका ये था कि मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि ए को पहले मैं लिस्ट में चेंज कर लेता हूँ, और फिर लिस्ट को फिर लिस्ट में चेंजेस करके उसके बाद फिर मैं उसको टपल में वापस चेंज कर लूंगा। तो यहाँ पर मैं ए इक्वल्स टू, ठीक है, लिस्ट कर लेता हूँ, और लिस्ट के अंदर मैं इसको डाल लेता हूँ। अब ये क्या करेगा, ये इस चीज़ को एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। अब मैं यहाँ पर चेंजेस कर लेता हूँ, चलो यहाँ पर ए के सेकेंड इंडेक्स पे मेरे को 0 चाहिए, तो ये कर लेता हूँ मैं, 0 मैंने कर लिया। अब मैं यहाँ पर ए को टपल में चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने टपल लिख दिया और इसमें मैं ए को पास करवा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं अगर इसे अभी रन करवाऊँ तो यहाँ पर तुम देख सकते हो चेंजेस हो गए, ठीक है। मैंने क्या किया, पहले इस टपल को लिस्ट में चेंज कर लिया। अब लिस्ट में तो मैं चेंजेस कर सकता हूँ ना, तो यहाँ पर मैंने लिस्ट में ये चेंज कर लिया। अब मैंने इस चीज़ को वापस से एक टपल में कन्वर्ट कर लिया, अब इस चीज़ को मैंने प्रिंट करवा लिया। तो ये दो तरीके थे। इसके बाद में पढ़ना था नेस्टेड टपल्स के बारे में। तो नेस्टेड टपल्स के बारे में ऑलरेडी मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि अगर मेरे पास कोई टपल है उसके अंदर भी मैं किसी एक एलिमेंट को एज अ टपल डाल दूँ, मान लेते हैं यहाँ पर और भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है, तो इसकी इस टपल के अंदर भी मैंने इस टपल को रखा हुआ है, ठीक है, इस टपल को यहाँ पर रखा हुआ है, तो ये एक नेस्टेड टपल बन गया, ठीक है, समझ रहे होगे तुम। और नेस्टेड टपल में चीजों को कैसे एक्सेस करते हैं, यहाँ पर पहले अंदर वाले टपल की जो इंडेक्स है वो मैं डाल देता हूँ 1, और उसके बाद अब मेरे को जिस एलिमेंट को एक्सेस करना है उसका मैं यहाँ पर इंडेक्स डाल दूंगा। मान लेते हैं यहाँ पर भी मैंने 1 डाल दिया, तो ये मेरे को 85 निकाल के देगा। अब इसको रन करो, देखो यहाँ पर ये 85 निकल के आ रहा है। तो ये सिंपल था नेस्टेड टपल्स का। तो अभी तक तुमने देखा कि अभी तक सारे के सारे फंक्शंस काम कर रहे थे जब भी हम नेस्टेड टपल्स का यूज कर रहे थे, लेकिन कौन कौन से काम नहीं करेंगे हम यहाँ पर, अगर मिनिमम मैक्सिमम इनका अगर यूज करें तो वो काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं कर रहे हैं, देखो यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम का मेरे को अगर काम करवाना हुआ हो तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर अभी लिखूँ मिनिमम मैक्सिमम, तो उसके लिए मेरे को क्या चाहिए कि सारे जो डेटा टाइप्स हैं हर एक एलिमेंट्स के वो सेम होने चाहिए। अगर मैं अभी लिखूँ तो ये मेरे को क्या बता रहा है, यहाँ पर ये मेरे को अभी रिटर्न करके दे रहा है, क्योंकि अभी ये सारे के सारे सेम डेटा टाइप के हैं। तो मिनिमम और मैक्सिमम जो है वो चीज़ अगर हमें यूज़ करनी है तो उसके लिए सारे एलिमेंट जो है वो सेम डेटा टाइप के होने चाहिए, सेम डेटा टाइप के। और अगर मेरे को यहाँ पर सम यूज़ करना है, ठीक है, तो अगर मेरे को सम यूज़ करना है तो अब यहाँ पर ये एरर आ जाएगा, ठीक है, भले ही वो सेम डेटा टाइप के हों डेटा टाइप के हों। और अगर यहाँ पर मैं अलग अलग, मान लेते हैं सबका लेंथ अगर सेम रखना चाहूँ,
ठीक है, अगर मैं सबका लेंथ भी अगर सेम रखना चाहूँ तो क्या आ रहा है, तब ये एरर आ रहा है। ठीक है, मतलब सम जो है वो नेस्टेड टपल्स के लिए काम नहीं करेगा, और मिनिमम और मैक्सिमम को काम करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, सेम डेटा टाइप चाहिए हर एक एलिमेंट का, और बाकी तो सारे एलिमेंट्स बाकी सारे जो फंक्शन है वो सब काम करेंगे। अब हमारे पास है डिक्शनरीज इन पाइथन, ये क्या करता है, एक काम करते हैं एक नया प्रोग्राम बनाते हैं डिक्शनरीज। ठीक है, यहाँ पर पहले तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि डिक्शनरी बनाते कैसे हैं और डिक्शनरी होती क्या है। मैं तुम्हें ऑलरेडी इसका इंट्रोडक्शन है वो ऑलरेडी मैं तुम्हें दे चुका हूँ रिविजन 2.1 पे। खैर, डिक्शनरी होती क्या है, ये भी कलेक्शन को लेती है चीजों की। अब तुम्हारे पास घर पे एक डिक्शनरी पड़ी होगी जिसमें क्या होगा, कुछ वर्ड्स लिखे होंगे और उनकी मीनिंग लिखी होगी। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं एक पेयर बना हुआ है। ठीक है, दोनों का वर्ड है और फिर उसकी मीनिंग है, फिर कहीं एक और वर्ड होगा उसकी मीनिंग होगी, वर्ड होगा मीनिंग होगी, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर पेयर बना हुआ है। ठीक है, तो हम डिक्शनरी में भी यहाँ पर ये जो डेटा टाइप है पाइथन में डिक्शनरी, इनमें भी हम पेयर्स बनाकर यूज करते हैं चीजों को। ठीक है, जैसे कि अगर मेरे को माई फैव, यहाँ पर मैं एक नया वेरिएबल बनाता हूँ माई अंडरस्कोर फैव। ठीक है, ये वेरिएबल मैं बना रहा हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर चीजों को लिख देता हूँ। अगर मेरे को यहाँ पर कलर लिखना हुआ तो मैं यहाँ पर कोई भी कलर लिख सकता हूँ। ठीक है, कॉमा बुक लिखना हो तो उसके बाद फिर मैं एक कॉलन दूंगा और उसके बाद फिर अपने बुक का नाम लिख सकता हूँ। ठीक है, उसी तरह से सिटी लिखनी हुई तो यहाँ पर मैं सिटी लिख सकता हूँ और सिटी में कौन सी सिटी है वो लिख सकता हूँ। तो इस तरह से मैं चीजों को स्टोर कर सकता हूँ। तो ये एक एग्जाम्पल था कि किस किस तरह की चीजों को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं माई फाइव मतलब डिक्शनरी में। ठीक है, अपनी फेवरेट चीजों को दिखाने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि स्टूडेंट के मार्क्स के लिए, मतलब कि तुम्हारा किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हुए हैं, हिंदी में कितना है, इंग्लिश में कितना है। ठीक है, वो सारा कुछ। तो यहाँ पर बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, पेयर्स बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर पेयर्स बना रहे हैं। तो चलो, अब ये जो पेयर्स बनते हैं ये किन किन चीजों का पेयर बनता है। सबसे पहले जो हमारे पास होता है वो की होता है और उसके बाद जो हमारे पास जो चीज होती है वो वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि की और वैल्यू का पेयर बनता है डिक्शनरी में और इसे हम बनाने के लिए कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं। ठीक है, सिंपल है काफी, बस यहाँ पर कॉमा से एलिमेंट्स को सेपरेट करते हैं। ये हमारा एक एलिमेंट हो गया, ये दूसरा एलिमेंट, ये एक और एलिमेंट यहाँ पर है हमारे पास। ठीक है, और तुम्हें ध्यान रखना है कि जब भी तुम की बनाओ, ठीक है, की पहली वाली होती है वैल्यू, मतलब पहली वाली चीज जो होती है पेयर में उसे हम की कहते हैं और दूसरी वाली चीज है उसे वैल्यू कहते हैं। तो तुम्हें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी तुम की बनाओ तो उसे एक इम्यूटेबल डेटा टाइप में रखो। ठीक है, अब इम्यूटेबल डेटा टाइप में रखना है और यहाँ पर तुमने क्या रखा है, इसे तुम किसी भी डेटा टाइप में नहीं रख रहे हो, तो यहाँ पर हम इस चीज को एक स्ट्रिंग में रख देते हैं। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग बन चुका है और सिटी को भी एक स्ट्रिंग में रख देते हैं। ठीक है, सिटी के अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग है, इसमें भी कुछ भी भर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पर एक डिक्शनरी बना ली है और डिक्शनरी बनाने के काफी ज्यादा तरीके हैं। जैसे डी वन लिखूं मैं यहाँ पर और यहाँ पर मैं डिक्ट फंक्शन का यूज करूँ। ठीक है, तो ये भी मेरे को एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाकर दे देगी। और इसके अलावा जैसे कि अगर मैं काम करता हूँ, पहले मैं डिक्ट फंक्शन का यूज करता हूँ। ठीक है, और टाइप मैं प्रिंट करवाता हूँ डी वन का कि क्या सच में वो एम्प्टी डिक्शनरी बना है या नहीं। टाइप ऑफ डी वन, अगर मैं इसको सेव करके रन करूं तो तुम्हें दिख रहा होगा कि ये डिक्शनरी बन चुका है, एक एम्प्टी डिक्शनरी है। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, ऑब्वियसली बात है। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम इस चीज से भी तो बना सकते हैं, मतलब लिस्ट और डिक्शनरी में तो हमने ब्रैकेट्स के थ्रू बनाया ही था एम्प्टी, तो क्या इस तरह से एक एम्प्टी डिक्शनरी बन जाएगी। अगर मैं इसको रन करके देखूं तो ये मेरे को कह रहा है कि हाँ डिक्शनरी तो बन चुकी है। लेकिन अगर तुम्हें याद होगा तो इस तरह से तो हमने सेट्स के बारे में भी पढ़ा है। ठीक है, सेट का भी डेटा टाइप हमने पढ़ा है, उसमें भी हम कर्ली ब्रेसेस का यूज करते थे। तो हमें जब एम्प्टी सेट बनाना होगा तो वो हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि इस तरह से तो हमारे पास डिक्शनरी बन जा रही है। ठीक है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर अगर कॉमा रख दें, ठीक है, अगर मैं इसको रन करूं तो तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पर, तो इस चीज को यहाँ से हटाते हैं। अब जैसे तुमने चीजों को इंडेक्सिंग के लिए पढ़ा था, लिस्ट में भी तुमने इंडेक्सिंग पढ़ा हुआ था, स्ट्रिंग्स की भी बात करें तो वहां पर भी इंडेक्सिंग तुम कर रहे थे। ठीक है, टपल्स में भी, तो यहाँ पर इंडेक्सिंग होती है क्या, होती है, लेकिन वो एक अलग तरीके से होती है। मतलब यहाँ पर जैसे तुम पहले यहाँ पर वेरिएबल का नाम डालते थे और उसके अंदर
स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर तुम उसका इंडेक्स वैल्यू डालते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिक्शनरीज में तुम क्या करोगे कि यहाँ पर उसे एक्सेस करने के लिए तुम की का नाम डालोगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कलर लिखूं तो मेरे पास ये वाली जो स्ट्रिंग है वो आएगी। तुम देखो अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं तो यहाँ पर ये क्या आ रहा है, ये कोई एरर आ रहा है। हाँ यहाँ पर मैंने कलर में, कलर की स्पेलिंग में यू इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। चलो ठीक है, अब अगर रन करें तो तुम्हें दिख रहा होगा कि ये वाला जो स्ट्रिंग है वो हमारे पास उठ के आ जा रहा है। काफी सिंपल था। और लिस्ट की तरह ये भी एक म्यूटेबल डेटा टाइप है, मतलब कि अगर मैं माई अंडर स्कोर फैव करूं, ठीक है, और यहां पर मैं कलर की वैल्यू को चेंज करना चाहूं, ठीक है, कलर, और इसमें मैं किसी और चीज को असाइन कर देता हूं, जैसे मैं असाइन कर देता हूं ग्रे को, ठीक है। अगर अभी रन करूं तो तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये चेंजेस हो पा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि डिक्शनरी जो है वो म्यूटेबल है, सॉरी। तो डिक्शनरी जो है वो एक म्यूटेबल डेटा टाइप है। अब अगर मेरे को ट्रैवर्सिंग करवानी हो डिक्शनरी में तो वो कैसे करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इंडेक्सिंग तो हो नहीं रही है, तो वो कैसे करवा सकते हैं, चलो ट्राई करते हैं। फॉर आई इन माई अंडर स्कोर फाइव, ठीक है, और इसके अंदर हम प्रिंट करवाते हैं आई को, ठीक है। अगर मैं आई को प्रिंट करूंगा तो प्रिंट क्या हो रहा है पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। बाकी चीजें हम बाद में करेंगे, और इसको तो हटा ही देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर मैं एक एक करके डिक्शनरी के एलिमेंट्स को प्रिंट करवा रहा हूँ तो वो क्या प्रिंट करता है, क्या वो कीज है। हाँ वो कीज है, मतलब वो कीज को प्रिंट करवा रहा है, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर एक कॉमा देते हैं, और उसके बाद स्पेस कॉलोन स्पेस कॉमा, और उसके बाद हम यहाँ पर वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं माई अंडर स्कोर फाइव, और इसके अंदर वैल्यू जो होगी वो इस तरह से हम उसे एक्सेस कर लेंगे। तो अब तुम्हें दिख जाएगा यहाँ पर बड़े अच्छे से, ठीक है। तो कलर में हमारे पास ये चीज है, बुक में ये है, सिटी में ये है, तो काफी अच्छे से हो पा रहा है ये। तुम्हें अगर समझ नहीं आ रहा तो अच्छे से प्रोग्राम को देखो, ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये रहा तुम्हारे पास आउटपुट। एक काम करता हूँ, मैं आउटपुट थोड़ा सा अच्छा बना देता हूँ, ये मैंने क्या क्या लिख दिया है, ठीक है। अगर अभी मैं इसको रन करके दिखाऊं तुम्हें, दिख रहा होगा तुम्हें ये काफी अच्छे से आ रहा है आउटपुट। इसको देख लो एक बार कि ट्रैवर्सिंग कैसे हो रही है, बस तुम्हारा काम यहाँ पर खत्म होता है। खैर अगर तुम्हें डिक्शनरी में कोई और चीज, कोई और एक एलिमेंट ऐड करना हो, ठीक है, तो वो तुम कैसे कर सकते हो, यहाँ पर पहले तुम लिख दो माई अंडर स्कोर फाइव, ठीक है, और उसके अंदर तुम वो की डाल दो जो ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या डाल सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने एक ऐसा की डाल दिया जो कि ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, और इसमें मैं कुछ वैल्यू डाल रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा, इस केस में अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं तुम्हें तो ये ऐड हो जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम एक एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, की और वैल्यू पेयर को ऐड कर सकते हैं किसी भी डिक्शनरी में। और क्या होगा अगर मैं यहाँ पर कलर में इस चीज को डालू तो, ठीक है, तो इस चीज में हमारी जो वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगी, ठीक है। कलर में पहले ग्रे था, और अगर मैंने अभी यहाँ पर चेंज करवाया तो यहाँ पर इस तरह से ये चेंज हो जा रही है, मतलब वैल्यूज यहाँ पर अपडेट भी होती है और ऐड भी होती है डिक्शनरीज में। इसके अलावा अगर तुम्हें डिक्शनरी में से कोई एलिमेंट अगर डिलीट करना है तो तुम वो कैसे कर सकते हो, उसके लिए तुम यहाँ पर सिंपली लिख दो डेल, ठीक है, और उसके बाद उस एलिमेंट को एक्सेस करवा लो, ठीक है, माई अंडर स्कोर फाइव। एक्सेस कैसे करवाते हैं अब तक तो तुम्हें पता चल गया होगा, बस अगर मैं इसको भी रन करके दिखाऊं तुम्हें तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा कि कलर वाली जो की थी, की वैल्यू पेयर, वो यहाँ से डिलीट हो चुकी है। उसी तरह से यहाँ पर मेंबरशिप ऑपरेटर भी काम करेगा। अगर तुम किसी की का नाम यहाँ पर डाल दो, जैसे प्रिंट करता हूँ मैं, और अगर मैं यहाँ पर की का नाम डाल देता हूँ कलर इन, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर अपनी डिक्शनरी को डाल देता हूँ माई फैब, तो ये क्या रिटर्न करेगा, सॉरी कलर तो नहीं, यहाँ पर स्पेलिंग ये वाली यूज की थी मैंने, तो अगर मैं इसको अभी रन करके देखूँ तो ये फॉल्स प्रिंट कर रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने डिलीट कर दिया है कलर को, ठीक है। तो इस तरह से मेंबरशिप ऑपरेटर भी काम कर रहा है यहाँ पर। अब मेरे को एक स्ट्रिंग दिया गया और मेरे को ये फाइंड करना है कि क्या ये स्ट्रिंग एज अ की इस डिक्शनरी में मौजूद है या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं यहाँ पर पहले तो प्रिंट फंक्शन लगाता हूँ और उसके अंदर मैं क्या लिखूँगा, मान लेते मेरे को कोई एक यूज़र ने लिख के दिया कलर, ठीक है, तो मैं यहाँ पर कलर लिखूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा इन, और उसके बाद ऐसा कौन सा फंक्शन था जो मुझे किसी भी डिक्शनरी के सारे कीज के लिस्ट बनाकर देता था, ठीक है। वो कौन सा फंक्शन था, वो था पहले तो मेरे को डिक्शनरी का नाम लिखना होगा डॉट कीज,
ठीक है, यही था, ये हो गया। अगर मैं इसे अभी रन करके दूं तो ये मेरे को ट्रू प्रिंट करके दे रहा है, यानी कि है इसमें, ठीक है। और अगर मैं यहां पर इसको हटाकर ग्रे कर दूं, ठीक है, और यहां पर इसको हटा के मैं वैल्यू कर दूं, वैल्यूज हो जाए, ठीक है, और अगर मैं इसे अभी रन करके दूं तो ये भी ट्रू कर रहा है, ट्रू कह रहा है, ठीक है। यानी इस तरह से हम एग्जिस्टेंस चेक कर सकते हैं किसी भी की का या फिर किसी भी वैल्यू का किसी भी एक डिक्शनरी में। अब एक काम कर लेते हैं, अब डिक्शनरी के फंक्शंस को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो हमारे पास है लेन फंक्शन, तो मैं अभी तक बहुत बार बता चुका हूँ मैं। तो लेन फंक्शन क्या करता है, मेरे किसी भी डेटा टाइप में कितने एलिमेंट्स हैं उनका लेंथ मेरे को बताता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लेन फंक्शन के अंदर अपना वेरिएबल पास करवाऊँ तो ये मेरे को बता रहा है कि 5, यानी कि इसके अंदर टोटल 5 एलिमेंट्स है, ये 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है, 5 एलिमेंट्स है। और क्या है हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर डिक्शनरी का नाम लिख के डॉट, अगर मैं यहाँ पर भी गेट लिखूं और इसके अंदर मैं यहाँ पर कोई एक की डाल दूं, ठीक है, गेट में हमें एक की डालना होता है, तो यहाँ पर की के अंदर मैं, ठीक है, अगर ये लिख दूं मैं और अगर अभी इसे रन करूं तो ये मेरे को इसका वैल्यू निकाल के देगा। तो ये था एक गेट फंक्शन, इसको तो तुम बहुत आसानी से कर सकते थे। कैसे, इसको तुम बहुत आसानी से ऐसे कर सकते थे, ये ऐसे, ये ऐसे, और बस इतने से ये काम हो जाता, ठीक है। और कौन सा फंक्शन है हमारे पास, और है डिक्शनरी डॉट आइटम्स का, ठीक है, ये हमारे पास ये डिक्शनरी और डॉट, अगर मैं यहाँ पर आइटम्स लिखूं, ठीक है, और ये एक फंक्शन है। अब क्या होगा यहाँ पर, अब मेरे को ये सारे के सारे आइटम्स बनाकर देगा एज अ टपल, और फिर ये जो टपल्स है वो सारे के सारे एक लिस्ट में, ठीक है, ये तुम्हें दिख रहा होगा। तो ये डॉट आइटम्स क्या करता है, यहाँ पर हो सकता है तुम्हें ये क्वेश्चन आ सकता है कि डॉट आइटम्स वाला जो फंक्शन है वो क्या करता है, वो एक लिस्ट निकाल के देता है, ठीक है, जिसमें कि सारे के सारे की और वैल्यू पेयर्स हो किसी एक टपल के फॉर्म में, ठीक है। तो ये अंदर के जो एलिमेंट्स है वो सारे के वो दोनों टपल्स हैं जिसमें कि दो दो एलिमेंट्स हैं और ये पूरा का पूरा एक लिस्ट है, ठीक है। तो ये आ सकता है शायद तुम्हारे एग्जाम में। तो डॉट आइटम्स जो है वो उसका ये काम होता है। इसके बाद डॉट कीज और डॉट वैल्यूज, तो ये तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ ऑलरेडी। अब हमारे पास एक और फंक्शन है जो कि ये फॉर्म कीज, और अब तक मैंने तुम्हें बहुत सारे तरीके बताए थे जिससे हम अपना एक डिक्शनरी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास डॉट फॉर्म कीज नाम का एक फंक्शन होता है, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। फॉर्म कीज ये क्या करता है, ये दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है। अब तक मैंने तुम्हें बहुत सारे तरीके बताए थे कि हम किस तरह से किसी एक डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक और फंक्शन है जो कि है फॉर्म कीज। ये क्या करता है, ये भी हमें चीज़ों को, ये भी हमें डिक्शनरी को बनाने में मदद करता है। ये क्या करता है, ये दो एलिमेंट्स लेता है। सबसे पहला कोई एक सीक्वेंस डेटा टाइप डाल दो यहाँ पर, या तो तुम लिस्ट या फिर टपल कुछ भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, कुछ चीज़ें डाल दो यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ये डाल देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद एक और एलिमेंट तुम्हें यहाँ पर डालना है, तो वो एलिमेंट क्या होगा, मान लेते हैं वो आर नाम का कोई एक स्ट्रिंग है, ठीक है, तो ये एक वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये सारे के सारे कीज बन जाएंगे एक एक करके, ये एक की अलग बनेगा, उसको भी ये डिफाइन किया हुआ होगा, ये एक की अलग बनेगा, इसको भी ये चीज, ये वैल्यू होगी उसकी, ये अलग, उसकी वैल्यू ये की अलग, उसकी वैल्यू ये, तो सबको एक कॉमन वैल्यू मिल जाएगी। तो फ्रॉम कीज का ये काम होता है कि तुम्हें आसानी से अगर कोई एक ऐसी डिक्शनरी बनानी है जिसकी सबकी सेम वैल्यू हो, तब तुम इसका यूज कर सकते हो। अगर यहां पर मैं प्रिंट करवाऊं माई फैव को, ठीक है, अब तक जो तुम्हारे पास माई फैव था वो हटा दो, अब यहां पर माई फैव दूसरा बन के आ चुका है। अगर अभी मैं इसे रन करूं तो तुम्हें यहां पर दिख रहा होगा, यहां पर ये लिस्ट ऐसा आ चुका है, ठीक है। लेकिन ये काम यहां पर क्यों नहीं हो रहा है, यहां पर तुम्हें दिख रहा होगा कि माई फैव मैंने देखो दो बार प्रिंट करवाया, एक माई फैव और उसमें फ्रॉम कीज का फंक्शन ऐसे करके लगवाया हुआ है, और यहां पर माई फैव प्रिंट करवा रहा हूं, ठीक है मैम। तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये क्या कर रहा है ना, ये कोई एक डिक्शनरी बना तो रहा है लेकिन इस चीज को ये रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन इस चीज को ये रिटर्न कर दे रहा है, ठीक है। यहां पर क्या लिखना होता है हमें, यहां पर कोई एक डिक्शनरी का नाम लिखना होता है हमें यहां पर, या फिर हम चाहें तो अगर सिर्फ डिक्शनरी लिखें तो भी ये काम चल जाएगा हमारा, ठीक है।
तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ एक कोई डिक्शनरी का नाम लिखना है, उसके बाद डॉट फ्रॉम कीज लगाना है, और उसके बाद यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट्स पास कराने हैं। अगर तुम यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट्स ना पास करा के सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट भी पास करवाओ तो उसमें क्या होता है वो भी मैं अभी तुम्हें दिखाऊंगा। तो यहाँ पर तुम देख रहे होगे यहाँ पर कैसे ये एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ पर ये चीज़ कुछ रिटर्न कर रही है और वो चीज़ हमारा यहाँ पर इस तरह से प्रिंट हो जा रहा है, लेकिन माई फाइव में कुछ चेंजेस नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर माई फाइव जैसा का तैसा प्रिंट हो जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाने वाला था कि किस तरह से अगर हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट डालें तो क्या होता है, उस टाइम पे क्या होगा कि हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, सॉरी जितने भी कीज़ हैं उनको नन वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ, अगर मैं अभी इसे रन करूँ तो यहाँ पर तुम देख सकते हो हमारे पास एक डिक्शनरी आ चुकी है जिसमें 1, 2, 3, 4 एक एलिमेंट सॉरी एक की बन चुके हैं और सब में क्या क्या वैल्यू असाइन हो गई है, नन नन नन, ठीक है, ये सब में असाइन हो चुकी है। अभी हमारे पास एक फंक्शन है जो कि है सेट डिफॉल्ट, अगर मैं इसको हटाऊं और यहाँ पर लिख दूँ सेट डिफॉल्ट, तो इसके अंदर भी मुझे दो आर्ग्यूमेंट्स डालने होंगे, उसमें पहला होगा की और दूसरा होगा वैल्यू। तो हम सबसे पहले तो डिक्शनरी चूज़ कर लेते हैं किस डिक्शनरी में हम ये चेंजेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं चेंजेस कर रहा हूँ माई फाइव में, ठीक है। अब यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट्स डालेंगे, तो दो आर्ग्यूमेंट्स हम एक काम करते हैं, इस वक्त हम एक काम करते हैं यहाँ पर एक ऐसा की वैल्यू का पेयर डालते हैं जो कि यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, पहले स्पोर्ट्स और फुटबॉल को हटा देता हूँ मैं यहाँ से, अब इस चीज़ को मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्पोर्ट्स या फिर स्पोर्ट, ठीक है, और दूसरा आर्ग्यूमेंट मैं कॉमा दे के डालूंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा फुटबॉल, ठीक है। अगर मैं अभी इसे रन करके दिखाऊं तुम्हें तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये इस चीज़ को ऐड कर दे रहा है, ठीक है। लेकिन क्या हो अगर ये चीज़ जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट हो, ठीक है, तो यहाँ पर मैं फुटबॉल हटा के कुछ और करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं क्रिकेट रखता हूँ। तो इस चीज़ में क्या होगा, देखो इस चीज़ में यहाँ पर वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है, यहाँ पर जैसी वैल्यू थी वैसी ही रहेगी। तो सेट डिफॉल्ट का क्या काम है, सेट डिफॉल्ट का ये काम है कि अगर ये जो यहाँ पर की डाली हुई है वो अगर यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, तो कुछ मत करो, लेकिन अगर प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में क्या करो कि इसको एक नया की बना दो और उसकी वैल्यू इसको रख दो, ठीक है। तो ये काम है सेट डिफॉल्ट का। और दूसरा फंक्शन है हमारे पास अपडेट, तो अपडेट क्या करता है वो भी देख लेते हैं। और हाँ, यहाँ पर एक और चीज़ है कि अगर मान लेते हैं कि ये चीज़ ना होती यहाँ पर ऑलरेडी, और यहाँ पर हम सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट डालते हैं यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट की जगह पे, तो यहाँ पर तुम देख रहे होगे कि यहाँ पर स्पोर्ट के जगह पे जो वैल्यू है वो नन आ गई है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर नोटिस करने वाली चीज़ थी। और अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपडेट फंक्शन क्या करता है। तो अपडेट फंक्शन क्या करता है, अपडेट फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं कि किसी एक दूसरी डिक्शनरी को डालते हैं, ये हमारी पहली डिक्शनरी और इसके अंदर हम दूसरी डिक्शनरी को डालेंगे। तो मान लेते हैं कि फिलहाल तो इसको रहने देते हैं, माई फाइव वन बनाते हैं, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर से कॉपी कर लिया और यहाँ पर माई फाइव वन रखते हैं, ठीक है, ये हमारी एक दूसरी डिक्शनरी बन गई। इसको मैं यहाँ से हटा के इसकी वैल्यू ब्लू कर देता हूँ, और भी अगर मुझे कोई एक चेंज करना हो तो मैं यहाँ पर वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर दो वैल्यूज़ चेंज कर दी हैं, और एक काम करते हैं किसी एक वैल्यू को हटा भी देते हैं, यहाँ पर मैंने बुक को हटा दिया, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या असर होता है अगर अभी मैं इसे रन करूँ, यहाँ अपडेट में स्पोर्ट नहीं, यहाँ पर मेरे को नई डिक्शनरी डालनी है, तो यहाँ पर नई डिक्शनरी मैं यहाँ पर वो डाल देता हूँ माई फाइव वन, ठीक है। अगर अभी मैं इसे रन करूँ तो तुम यहाँ पर देख सकते हो कि जो पहली डिक्शनरी थी यहाँ पर, ये वाली मेरी पहली डिक्शनरी थी, और इसमें जो कीज़ के वैल्यूज़ थे जो कि इससे मैच हो रहे थे, ठीक है, वो चेंज हो गए हैं। मतलब कि अगर ये ओरिजिनली ये पहली वैल्यू थी, ठीक है, कलर ग्रे, ठीक है, लेकिन मैंने इसको अपडेट किससे किया, अपडेट माई फाइव वन से किया, और माई फाइव वन में क्या है, कलर ब्लू, तो वो क्या हो रहा है, कलर को ब्लू में चेंज कर दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये अपडेट का काम हो रहा है। वहीं अगर देखें बुक एक्स वाई जेड, ठीक है, तो बुक एक्स वाई जेड यहाँ पर है, लेकिन क्या बुक एक्स वाई जेड यहाँ पर है, नहीं है। तो यहाँ पर जो चीज़ें पहले थी उसमें कोई चेंज आया, उसमें कोई चेंज नहीं आया। आगे देखते हैं मूवी एबीसी, तो मूवी एबीसी यहाँ पर भी थी, यहाँ पर भी थी, कोई प्रॉब्लम है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर हमारे पास सॉन्ग PQR, ठीक है, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो वही काम यहाँ पर भी हुआ है, सॉन्ग PQR, सॉन्ग PQR। अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं,
हम यहाँ पर बुक को यहाँ से हटाते हैं, ठीक है, यहाँ से मैंने हटा दिया बुक को, और बुक को मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। ये मैं क्यों कर रहा हूँ तुम्हें दिखाने के लिए कि यहाँ पर अगर तुम देखो तो माई फैब वन में कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है, और यहाँ पर माई फैब में कितने हैं, 1, 2, 3, और यहाँ पर जो प्रिंट होके आ रहा है इसमें 1, 2, 3, 4, देखो वो 4 एलिमेंट्स आ रहा है। इसका क्या मतलब है, मतलब माई फैब में जो चीज़ें एक्स्ट्रा थी वो भी इस चीज़ में आ चुकी है, ठीक है, और ये हमें कुछ रिटर्न करके नहीं दे रहा है, ये हमें इसलिए यहाँ पर ये नन लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, ये हमें कुछ रिटर्न करके नहीं दे रहा है, ये क्या कर रहा है, डायरेक्ट इस माई फैब वाली वैल्यू को चेंज कर रहा है, ठीक है, यानी अपडेट कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने जब इसे प्रिंट करवाया तो यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। तो शॉर्ट में मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये क्या कर रहा है, देखो यहाँ पर जब भी इसे कोई एक ऐसी वैल्यू मिल रही है, देखो मैं चेंज किसे करना चाह रहा हूँ, इसे करना चाह रहा हूँ, और आर्ग्यूमेंट में मैंने क्या डाला है, माई फैब वन को, तो माई फैब वन में और माई फैब में जो भी कीज़ जो है वो सेम है, तो उसमें क्या हो रहा है कि माई फैब की जो वैल्यू है वो चेंज होकर माई फैब वन वाली आ जा रही है, ठीक है, और उसके साथ साथ अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो कि एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो वो भी उसमें ऐड हो जा रहा है, ठीक है। तो कौन सा एलिमेंट यहाँ पर ऐड हो रहा है, यहाँ पर ये जो बुक का जो एलिमेंट है वो यहाँ पर ऐड हो जा रहा है, तो ये काम कर रहा है अपडेट। तो अभी हम देखने वाले हैं कि डिक्शनरीज में हम कॉपी कैसे करते हैं डिक्शनरीज को। तो सबसे पहला तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो असाइनमेंट ऑपरेटर है हम उससे देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ माई फैब वन, इस नाम को अगर मैं एक वेरिएबल बनाना चाहूँ और इसमें मैं बस असाइन कर दूँ माई फैब को, तब क्या होगा, तब ये सिंपली ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ये दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो दोनों इस चीज़ को रेफर कर रहे हैं, बस ये हो जाएगा। जब मैं तुम्हें लिस्ट पढ़ा रहा था, लिस्ट का कंटेंट ये रहा, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी, मेकिंग ट्रू कॉपी ऑफ अ लिस्ट। अब ये चीज़ हमें डिक्शनरीज में भी पढ़नी है कि हम डिक्शनरी में ट्रू कॉपी कैसे बनाते हैं इनका। तो पहले तो तुम असाइनमेंट ऑपरेटर से जब तुम यूज़ कर रहे हो तो तुम देख रहे हो कि क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल बन जा रहे हैं, ठीक है, दो वेरिएबल, ये तो पहले से ही था, ठीक है, तो अभी ये वेरिएबल जो था वो क्या कर रहा था, वो इस डिक्शनरी को रेफर कर रहा था, लेकिन अब क्या होगा, अब ये वेरिएबल जो है वो भी इस डिक्शनरी को रेफर करेगा, ठीक है, मतलब अब इस डिक्शनरी में अगर मैं कोई चेंजेस करूँ तो वो दोनों में रिफ्लेक्ट होगी। अगर मैं यहाँ पर तुम्हें चेंजेस करके दिखाऊँ, माई फैब में अगर मैं चेंजेस कर रहा हूँ, और मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर सॉन्ग को चेंज करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं सॉन्ग लिखूँगा और सॉन्ग के जगह पर मैं यहाँ पर लिख दूंगा, यहाँ पर मैं सॉन्ग के जगह पर क्या लिख दूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ PQR, ठीक है, यहाँ पर मैंने ये लिख दिया। अगर मैं अभी रन करूँ, प्रिंट करवाऊँ इसको माई फैब को, ठीक है, माई फैब को प्रिंट करवा रहा हूँ, खैर माई फैब में तो हमने चेंजेस किए हैं, मैं माई फैब वन को प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर तुम देख रहे हो कि यहाँ पर भी सॉन्ग में PQR आ चुका है। तो इस तरह से यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं, क्या हो रहा है, यहाँ पर जो चेंजेस हम इसमें कर रहे हैं वो चेंजेस इसमें भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, यानी कि दोनों जो है वो सेम डिक्शनरी को रेफर कर रहे हैं। तो ये था असाइनमेंट ऑपरेटर से हम कैसे कॉपी बना सकते हैं, लेकिन ये एक ट्रू कॉपी नहीं है। ट्रू कॉपी हम कब कहते हैं, ट्रू कॉपी हम तब कहते हैं जब हम किसी एक चीज में कुछ चेंजेस करें लेकिन वो दूसरे चीज में रिफ्लेक्ट ना हो। तो अभी हमारे पास दो चीजें आती है, एक होता है शैलो कॉपी और एक होता है डीप कॉपी, ठीक है, डिक्शनरी में हमारे पास दो कॉपीज हैं। तो जब हम शैलो कॉपी की बात करें तो उसमें क्या होता है, जो तुम अभी देख रहे हो सेम वही होता है। उसमें क्या होता है कि सारे के सारे जितने यहाँ पर कीज हैं, ये पहला की, ये दूसरा की, ये तीसरा की, ये सारे कॉपी हो जाएंगे, और ये जिस चीज़ को एक्सेस कर रहे हैं, मतलब रेफर कर रहे हैं, जिस चीज़ से ये मैप किए गए हैं, उन चीज़ को वो मैप करेंगे, ठीक है, मतलब सेम चीज़ है यहाँ पर। अगर तुम यहाँ पर चीज़ों को चेंज करना चाहो तो वो क्या होगा, चलो पहले देख लेते हैं होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, डॉट कॉपी फंक्शन का यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं माई फैब वन नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ और इसमें इस चीज़ का एक कॉपी बनाना चाहता हूँ मैं डॉट कॉपी मेथड से, ठीक है, मैंने यहाँ पर डॉट कॉपी लिख दिया। अब अगर मैं यहाँ पर इसको रन करके देखूँ तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर सिर्फ एक को प्रिंट करवाया, मैं एक काम करता हूँ इससे पहले माई फैब को भी मैं प्रिंट करवा लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको हटा के माई फैब कर देता हूँ, हो गया, ठीक है। अगर मैं इसे अभी रन करूँ तब तुम यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर किसी एक में चेंज हुआ है और किसी एक में चेंज नहीं हुआ है, किस में चेंज हुआ है किस में नहीं हुआ है, हम चेंज किस में कर रहे हैं, माई फैब में कर रहे हैं, और अगर माई फैब देखें तो माई फैब में चेंज हो चुका है, लेकिन अगर माई फैब वन में देखें, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास माई फैब वन है और माई फैब वन में क्या हुआ है कि यहाँ पर ये चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, जो चेंज यहाँ जो यहाँ पर पहले था वही है यहाँ पर,
लेकिन फिर भी मैं ऐसे शैलो कॉपी क्यों कह रहा हूँ जबकि यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है? तो भी मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, मतलब इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर तुम्हें जो वैल्यू दिख रही है ये एक इम्यूटेबल डेटा टाइप का है, वहीं अगर ये एक कोई म्यूटेबल डेटा टाइप होता या फिर मतलब कि या तो ये लिस्ट होता या फिर डिक्शनरी होता, ठीक है, उस वक्त क्या होता कि ये चेंज यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो कि माई फैव और माई फैव वन के लिए दोनों अलग अलग आउटपुट आ रहा है, और वहीं अगर मैं यहाँ पर देखूँ माई फैव वन के लिए तो यहाँ पर MNO आ रहा है जो कि पहले था, ओरिजिनली ये था, ठीक है। तो यहाँ पर तुम देख रहे होगे कि चेंजेस यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर कब रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं? यहाँ पर तब रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे जब मैंने यहाँ पर जो वैल्यू डाली है वो एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है। अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पर इस चीज़ को हटाकर एक म्यूटेबल डेटा टाइप रखते हैं। यहाँ पर मैं एक लिस्ट डाल देता हूँ 1, 2, 3, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इस चीज़ को हटाकर इस लिस्ट में कुछ अपेंड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं अपेंड कर दूँ 1, 2, 3 है, यहाँ पर मैं 4 को अपेंड कर देता हूँ, ठीक है। और अगर अब मैं इसे रन करके दिखाऊँ तुम्हें तो तुम यहाँ पर देख रहे होगे कि यहाँ पर इधर भी 4 आ गया, इधर भी 4 आ गया। मतलब यहाँ पर चेंजेस रिफ्लेक्ट कब हो रहा है? जब मैंने यहाँ पर म्यूटेबल डेटा टाइप की वैल्यू यूज की हुई है, ठीक है। तो ये था कॉपी में। लेकिन क्या होगा अगर तुम चाहते हो कि भले ही यहाँ पर म्यूटेबल डेटा टाइप हो और तुम्हें अब भी एक ऐसी कॉपी यहाँ पर बनानी है जो कि चेंजेस रिफ्लेक्ट ना करे, मतलब कि अगर मैं यहाँ पर इस चीज़ का कॉपी बना रहा हूँ, ये मतलब माई फाइव वन में एक कॉपी बना रहा हूँ मैं माई फाइव की, ठीक है, लेकिन भले ही इसमें ये जो वैल्यू है वो म्यूटेबल डेटा टाइप की हो और इसे मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे को वो इसमें चेंज रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस पर मैंने जो स्टोर किया है वो वही होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए एक और कॉन्सेप्ट होता है जो कि है डीप कॉपी का मेथड, ठीक है। और डीप कॉपी का मेथड जो है वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। हमने देख लिया था डिलीट कैसे काम करता है, डिलीट के लिए डेल स्टेटमेंट हमने पढ़ा था, और वो डेल स्टेटमेंट कैसे काम करता है हमने क्या किया था उसमें इंडेक्सेस के जगह पर कीज को पास करवाया था, ठीक है, इनके साथ, इसके वेरिएबल के साथ, ठीक है। तो ये मेरे को वो एक एलिमेंट रिमूव करके दे रहा था, या फिर अगर मैं सिर्फ डेल और उसके बाद फिर माई फाइव लिख दूं तो ये मेरे को पूरा का पूरा ये एक वेरिएबल जो है उसको डिलीट कर देगा, ठीक है। और इसके बाद कभी मैं प्रिंट करवाने जाऊं माई फाइव को तो ये मेरे को बोलेगा कि माई फाइव तो है ही नहीं क्योंकि इससे पहले मैंने यहाँ पर इसको डिलीट कर दिया है डेल स्टेटमेंट की मदद से। अब मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाता हूँ कि पॉप फंक्शन क्या करता है। तो पॉप फंक्शन जो है वो भी आइटम्स को डिलीट करता है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पर पहले डिक्शनरी का नाम लिखूंगा मैं यहाँ पर माई फैब, उसके बाद मैं लिखूंगा डॉट पॉप और उसके अंदर मैं यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट डालूंगा। पहला आर्ग्यूमेंट क्या होगा? पहला आर्ग्यूमेंट मेरा जो की है वो हो सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं कलर लिख दूँ और उसके बाद मुझे क्या डालना है यहाँ पर, मुझे यहाँ पर एक मैसेज डालना है जो कि हमें तब दिखाए जब मुझे ये की यहाँ पर ना मिले, ठीक है। और इस चीज़ को अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ तो ठीक है, अब ये कोई एक चीज़ रिटर्न करने वाली है, ये जो मैसेज है ये मेरे को ये रिटर्न करके देने वाला है ना, तो इसको मैं प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर रखूंगा क्योंकि ये कोई चीज़ मेरे को प्रिंट करके रिटर्न करके दे रही है। अब अगर वो रिटर्न करके दे रही है वो खुद से प्रिंट तो करेगी नहीं, तो उसके लिए मुझे इसे प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर डालना पड़ेगा। अगर मैं अभी से रन करूँ तो तुम्हें यहाँ पर दिख रहा है ग्रे, यानी कि अभी क्या हुआ, इसने इस चीज़ को यहाँ से डिलीट कर दिया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसके बाद प्रिंट करवाऊँ माई फाइव को तो तुम्हें वो पहला एलिमेंट जो है वो डिलीट होता हुआ दिखेगा, तुम्हें यहाँ पर दिख रहा है ये डायरेक्ट मूवी से स्टार्ट हो रहा है, मूवी ये रहा तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ये स्टार्ट नहीं हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पर कोई एक ऐसा एलिमेंट डाल दूँ जो कि यहाँ पर है ही नहीं तो वो तो ये क्या करेगा, मुझे ये मैसेज को वो प्रिंट करके देगा। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ डिश को, ठीक है। अगर अभी मैं इसे रन करूँ तो तुम देख रहे होगे यहाँ पर इसने मेरे को क्या दिया, नहीं मिला। तो जब इसे वो एलिमेंट मिल रहा है तो वो क्या कर रहा है, उसकी वैल्यू को प्रिंट करके दे रहा है यहाँ पर, रिटर्न कर रहा है और उसके बाद वो उस काम को कर दे रहा है, ठीक है। तो ये काम हो रहा है पॉप फंक्शन का। तो पॉप फंक्शन में क्या फ़ायदा हुआ कि यहाँ पर तुम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, इस एरर वाले मैसेज को यूज़ कर सकते हो कि जब तुम्हें नहीं मिले कोई की तब तुम ये प्रिंट करवा सकते हो। तो अब हम बात करते हैं पॉप आइटम फंक्शन की। तो पॉप आइटम क्या करता है? पॉप आइटम भी चीज़ों को डिलीट करता है। यहाँ पर मैंने पॉप आइटम लिख दिया। अब पॉप आइटम क्या करता है, वो भी चीज़ों को डिलीट करता है, लेकिन इसका तरीका थोड़ा अलग है। इसमें हम आर्ग्यूमेंट्स नहीं डालते। ये क्या करता है, जैसे कि अगर तुम कोई एक डिक्शनरी बना रहे हो तो उसमें जो तुम लास्ट में एलिमेंट ऐड कर रहे हो उस चीज़ को ये डिलीट करता है, ठीक है। और इस प्रिंसिपल को हम लास्ट इन फर्स्ट आउट भी कहते हैं, मतलब लास्ट में जो चीज़ इन हुई
वो सबसे पहले बाहर निकलेगी। और इस चीज को तुम स्टैक्स में भी पढ़ने वाले हो, तुम्हारे पास डेटा स्ट्रक्चर का भी एक चैप्टर आने वाला है क्लास ट्वेल्थ में, तो उसमें तुम स्टैक्स में पढ़ने वाले हो लास्ट इन फर्स्ट आउट के बारे में। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक इस डिक्शनरी में कुछ और ऐड करते हैं बाहर में। तो यहाँ पर मैंने माई फैब और यहाँ पर मैं एक की बनाता हूँ डिश नाम की, ठीक है, और इसमें मैं कोई एक वैल्यू डाल देता हूँ, वैल्यू मैंने कुछ भी डाल दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब इस पॉप आइटम फंक्शन को मैं चला रहा हूँ और उसके बाद फिर मेरा माई फैब जो है वो प्रिंट होगा। अगर अभी मैं रन करूँ तो हमारे पास सबसे पहले एक टपल आ रहा है, तो टपल में इसने मेरे को ये बताया कि इसने किस चीज़ को डिलीट किया हुआ है, ठीक है। तो इसने उस चीज़ को डिलीट किया हुआ है जो सबसे लास्ट में ऐड हुई है, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो डिक्शनरी है वो तुम देख सकते हो इस तरह से आ रहा है। तो ये था पॉप आइटम, लेकिन पॉप आइटम हमें एक एरर दे सकता है। कब एक एरर देगा पॉप आइटम हमें? तब एक एरर देगा जब हमारे पास जो डिक्शनरी है वो एम्प्टी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू करके एक एम्प्टी डिक्शनरी बना दूँ, ठीक है, मतलब अब मैंने यहाँ पर माई फाइव में इस नई चीज़ को स्टोर किया हुआ है, ठीक है, अभी ऊपर वाले से मेरा कोई काम नहीं। अगर अभी मैं इसे रन करूँ तो तुम देख रहे हो यहाँ पर एक एरर आ रहा है। सिमिलरली अगर हम क्लियर फंक्शन के बारे में बात करें, तो इस चीज़ को पहले मैं हटाता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर मैं इसको हटा के यहाँ पर डॉट क्लियर कर दूंगा। डॉट क्लियर करने के बाद अगर मैं इसे रन करूँ अभी, तो ये क्या चीज़ रिटर्न कर रही है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब ये कर क्या रही है, ये इसने सारे एलिमेंट्स को डिक्शनरी से हटा दिया है, ठीक है, एक एक करके सारे एलिमेंट्स को इसने डिक्शनरी से हटा दिया है। तो यहाँ पर डेल स्टेटमेंट में और क्लियर फंक्शन में क्या अंतर है? डेल स्टेटमेंट क्या कर रहा था, वो मेरे पूरे वेरिएबल को खत्म कर दे रहा था, यानी एम्प्टी डिक्शनरी भी नहीं बच रही थी उसमें। और डॉट क्लियर क्या कर रहा है कि ये मेरे डिक्शनरी को खाली कर रहा है, यानी डिक्शनरी तो है लेकिन खाली है। अब हमारे पास जो फंक्शन है वो है सॉर्टेड का, ठीक है, तो उसमें उसको हम इस तरह से लिखते हैं सॉर्टेड, और इसके अंदर हम डिक्शनरी को पास करवाते हैं। तो अब ये क्या करेगा, ये मेरे को मेरी डिक्शनरी को एक सॉर्टेड तरीके में दिखाएगा। अगर मैं यहाँ पर इसे रन कर प्रिंट के अंदर डाल दूँ, तो ये इस चीज़ को रिटर्न करेगा, ठीक है, ना कि ये इस चीज़ को बना कर देगा, ये बस कुछ चीज़ को, ये बस इस सॉर्टेड वाले लिस्ट को रिटर्न करेगा, ठीक है। और उस चीज़ को मैं किसी एक नए वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो उस वेरिएबल का नाम यहाँ पर लिख दूँ प्रिंट में, ठीक है, तो मेरा काम तो ऐसे भी हो रहा है। तो यहाँ पर मेरे को एक लिस्ट मिल रहा है, और ये जो लिस्ट है वो सॉर्टेड फॉर्म में है, यहाँ पर पहले सी है, उसके बाद फिर डी, फिर एम, फिर एस, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है। और अगर तुम्हें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो यहाँ पर तुम इसे कॉमा दोगे और उसके बाद यहाँ पर लिखोगे रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। अगर मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, तो अब मेरे पास जो लिस्ट आ रहा है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है, तो ये काम था सॉर्टेड का। अब हमारे पास तीन आखिरी की चीज़ें हैं, जो कि मिनिमम, मैक्सिमम और सम। तो पहले हम मिनिमम और मैक्सिमम का देखेंगे, तो इसको हम हटाते हैं, और हम यहाँ पर इसको भी हटाने वाले हैं। अब हम यहाँ पर सिंपली चीज़ों को डालेंगे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इस चीज़ को मिनिमम के अंदर रख दूँ, ठीक है, इस चीज़ को मैंने मिनिमम के अंदर रख दिया। अगर मैं अभी इसे रन करूँ, तो ये मेरे को क्या दे रहा है, ये मेरे को सी वाली चीज़ दे रहा है, यानी कलर, ठीक है। ये मेरे को इस चीज़ को क्यों उठा के दे रहा है, क्योंकि इसमें सबसे कम वैल्यू किसकी है, कलर की है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले क्या आ जा रहा है, यहाँ पर ये सी आ रहा है, और सी का जो ASCII कोड अगर तुम देखो तो वो कंपैरेटिवली स्मॉल m और स्मॉल s से छोटा है, इसलिए यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू है वो आ रही है, तो इसलिए यहाँ पर ये कलर आ गया। अगर मैं यहाँ पर मैक्स कर दूँ, तो यहाँ पर ये सॉन्ग आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर m और c से बड़ा क्या है, s है, ठीक है, ये जो स्मॉल s है, इसलिए यहाँ पर ये आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पर सम करूँ तब क्या आएगा, अगर मैं इसे रन करूँ, तो यहाँ पर तुम देख रहे हो कि एक एरर आ रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं चीज़ों को चेंज करके डिजिट्स रख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं इंटीजर्स रख रहा हूँ चीज़ों को हटा के। अब देखते हैं अब क्या होता है। यहाँ पर तुमने दिख रहा होगा कि यहाँ पर अब चीज़ें ऐड हो चुकी हैं, तो क्योंकि यहाँ पर हम डिजिट्स को ऐड करते हैं, इसलिए यहाँ पर डिजिट जो है वो ऐड हो चुके हैं, यहाँ पर स्ट्रिंग जो है वो ऐड नहीं हो पा रहे थे, लेकिन डिजिट्स जो है वो आराम से ऐड हो चुके हैं। और इस तरह से मेरे को सम मिल गया था, किसका, माई फाइव का, जब यहाँ पर मैंने कीज को हटाकर यहाँ पर चेंज कर दिया था, किससे, डिजिट से, इंटीजर्स से। खैर, यहाँ पर जो मैंने असाइनमेंट लिखा हुआ है, ये मैं तुम्हें वो बताना चाह रहा था जो मैंने तुम्हें लिस्ट में बताया था, कि लिस्ट की कॉपी, शैलो कॉपी और डीप कॉपी कैसे बनाते हैं, वो मैं तुम्हें बताना चाह रहा था, ठीक है, और वो किस तरह से एड्रेस को रेफर करता है किसी वेरिएबल के, ना कि डायरेक्ट वेरिएबल के डेटा को, ठीक है। अब हमारे पास है रैंडम मॉड्यूल, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं।
रैंडम मॉड्यूल का क्या काम होता है, ये मुझे बेसिकली रैंडम चीज़ें जनरेट करके देता है। अगर मैंने कोई एक नंबर है मेरे पास, कोई सेट ऑफ नंबर है, तो उसमें मैं बोलूँ तो वो मुझे एक रैंडम नंबर चुन के देगा। ये कहाँ काम आता है, ये गेम डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा काम आता है, क्योंकि कभी भी तुम्हें रैंडम चीज़ें दिख रही होती हैं। तो इस मॉड्यूल का बहुत ज़्यादा काम आता है, रैंडम मॉड्यूल का। तो यहाँ पर मैं पहले रैंडम मॉड्यूल को इम्पोर्ट करवाऊँगा, ठीक है। अब रैंडम मॉड्यूल में सिर्फ तुम्हें तीन फंक्शंस पढ़ने हैं, कौन कौन से, रैंडम फंक्शन, रैंड इंट फंक्शन और फिर रैंड रेंज फंक्शन, ठीक है। तो अगर मैं फिर तुम्हें बताऊं कि यहाँ पर, चलो मैं इसको हटा देता हूँ। सबसे पहले किसी भी मेथड को यूज़ करने के लिए किसी भी मॉड्यूल से क्या लिखना होता है तुम्हें, रैंडम डॉट रेडियंस, ठीक है। यहाँ पर रेडियंस फंक्शन तो कोई फंक्शन है नहीं रैंडम में, तो यहाँ पर मैं रैंडम फंक्शन का यूज़ करूँगा। कौन कौन से फंक्शन थे, रैंडम, रैंड इंट और रैंड रेंज, ठीक है। तो अब रैंडम जो है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम पहले कोई भी वैल्यू नहीं देते हैं, ठीक है। अब मैं इसे रन करता हूँ, तो इसने क्या किया मुझे, तो इसने क्या किया, यहाँ पर इसकी कोई, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसमें कुछ नहीं डाला, तुम देख सकते हो। तो यहाँ इसने क्या किया, इसने मुझे 0 से लेकर 1 तक कोई एक वैल्यू उठाकर दी है, ठीक है, रैंडमली 0 से लेकर 1 तक। लेकिन यहाँ पर 1 इंक्लूडेड नहीं होगा, ठीक है। 0 इंक्लूडेड होगा मतलब वो मुझे 0 दे सकता है, 0 से लेकर 1 तक की कोई वैल्यू दे सकता है, लेकिन 1 नहीं दे सकता, ठीक है। तो ठीक है, तो ये काम है रैंडम का। अब मैं क्या करता हूँ, दूसरे फंक्शन पे आता हूँ। दूसरा फंक्शन कौन सा है, रैंड इंट, ठीक है। तो रैंड इंट पे अगर हम लोग देखें, तो रैंड इंट क्या करता है, ये मुझे इंटीजर वैल्यूज देता है। तो अगर मैं बात करूँ 1 से लेकर 10 तक की मुझे वैल्यूज चाहिए, तो मैंने 2 वैल्यूज यहाँ पर दे दी, ठीक है। अब 2 वैल्यूज मैंने यहाँ पर दी, तो मुझे ये क्या रिटर्न करके दे रहा है, ये मुझे 7 रिटर्न करके दे रहा है, ठीक है। यानी कि रैंडमली इसने उठा लिया। फिर से रन करते हैं, इस बार कोई अलग वैल्यू आ गई, फिर रन करते हैं, 10 आ गया। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो इसमें लास्ट वैल्यू भी इंक्लूडेड है, ठीक है। अगर तुम सिर्फ रैंडम फंक्शन की बात करो, तो वो 0 से लेकर 1 तक में से चीज़ें उठाकर दे रहा था, कोई भी डेसिमल वैल्यूज भी आ रही थी उसमें, लेकिन उसमें 1 इंक्लूडेड नहीं था। यहाँ पर तुम देख सकते हो रैंड इंट में क्या हो रहा है, ये मुझे इंटीजर वैल्यूज दे रही है, लेकिन इसमें 0 सॉरी ये शुरू की वैल्यू और एंड लास्ट की जो वैल्यू है दोनों इंक्लूडेड है। हर बार देखो नई नई वैल्यूज आ रही है, ठीक है। इस तरह से रैंडम नंबर तुम यहाँ पर जनरेट कर सकते हो। अब मेरे पास जो तीसरा फंक्शन है वो है रैंड रेंज। यहाँ पर मैं रैंड सॉरी रेंज, हाँ, तो यहाँ पर मैंने रैंड रेंज कर दिया, ठीक है। तो रैंड रेंज एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर हम एक वैल्यू भी डाल सकते हैं, 2 वैल्यू भी डाल सकते हैं और 3 वैल्यू भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कोई एक वैल्यू डालता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर वैल्यू डाल दिया, मान लेते मैंने यहाँ पर डाल दिया 5, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये मुझे 0 से लेकर 5 तक में कोई एक वैल्यू निकाल के देगा, ठीक है। तो क्या इसमें 5 इंक्लूडेड होगा, अगर मैं इसे रन करूँ, अगर मैं इसे मल्टीपल टाइम्स रन करके देखूँ, तो यहाँ पर तुम देख रहे हो कि 5 तो आ ही नहीं रहा। देखो 5 तो नहीं आ रहा, यानी कि इसमें जो लास्ट का जो है वो इंक्लूड नहीं हो रहा। लाइट लास्ट का सिर्फ किस में इंक्लूड हो रहा था, सिर्फ रैंड इंट में इंक्लूड हो रहा था, उसके बाद फिर किसी में नहीं होने वाला, ना ही वो रैंडम फंक्शन में यूज़ होने वाला, यानी कि 1 उसमें इंक्लूड नहीं हो रहा। और रैंड इंट में अगर तुम बात करो, तो उसमें लास्ट वाला यूज़ हो रहा था, और रैंड रेंज में जो है वो लास्ट यानी कि अपर लिमिट जो है वो इंक्लूड नहीं होती, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है, अगर मैं सिर्फ एक इनपुट इसमें दूँ, और अगर मैं इसमें 2 इनपुट दूँ, तो ये अब क्या करेगा, ये मुझे 5 से लेकर 10 तक के बीच में निकाल के देगा। तो यहाँ पर 10 आने वाला नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं जनरेट करते जा रहा हूँ, नया नया नए नए नंबर्स यहाँ पर मैं जनरेट करते जा रहा हूँ, तो ये मुझे 10 निकाल के नहीं दे रहा। तो अब बात करते हैं, अगर मैं 3 आर्ग्यूमेंट्स दूँ तो क्या होगा। तो यहाँ पर 3 आर्ग्यूमेंट्स कब दी जाती हैं, जब हम स्टेप वैल्यूज में काम कर रहे होते हैं। यानी कि अगर ये पहले चेक कर, ये या तो क्या क्या दे सकता है, अगर मैं 5 से लेकर 10 की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पर 5 लिख दूँ, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 5 सोच सकता है ये, फिर 5 प्लस 2 क्या होता है, 6 7, तो 7 सोच सकता है ये, 7 प्लस 2 क्या होगा, 8 9, 9 सोच सकता है ये, और 10 का तो ये सोचने भी नहीं वाला, ठीक है। यानी कि 2 के स्टेप में आगे बढ़ेंगी चीज़ें, ठीक है। यानी 5 प्लस 2 यानी 7 आएगा, फिर बाद में 7 प्लस 2 यानी क्या आएगा, 9 आएगा। यानी कौन कौन सी चीज़ें बन रही हैं, 5 7 और 9, इन चीज़ों में ही आएंगी वैल्यूज, ठीक है। यानी 2 क्या हो गई, ये स्टेप वैल्यू, 2 के जगह हम 3 डाल देते हैं तो वो 3 की वैल्यूज में आगे बढ़ती। फिलहाल हम देख लेते हैं कि क्या 5 7 और 9 में ही चीज़ें आ रही हैं। देखो 9 आया, 7 आया, 7 आया, 5 आया, ठीक है। तो देख सकते हो इन चीज़ों में ही वैल्यूज आ रही हैं, और ये रैंडमली जनरेट हो रही हैं। तो अब हम पढ़ने वाले सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, ये हम सबको पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास जो भी हैं, उन सबको किसी एक ऑर्डर में अरेंज करना, या तो असेंडिंग हो गया या फिर डिसेंडिंग हो गया।
तो यहाँ पर हमारे पास पाइथन में भी वही चीज़ है कि हमारे पास सॉर्टिंग है और सॉर्टिंग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन हमारे 12th के सिलेबस में भी दो तरह की सॉर्टिंग है, बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट। तो हम सबसे पहले यहाँ पर बबल सॉर्ट देखने वाले हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ इलस्ट्रेशन तुम्हारे लिए बनाकर रखा हुआ है। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं। यहाँ पर तुम्हें जो चीज़ें दिख रही हैं वो इंडेक्सेस है, और ये रही हमारी लिस्ट। लिस्ट के एलिमेंट्स ये रहे हैं, 839 जीरो इंडेक्स पे है, 658 फर्स्ट इंडेक्स पे है, 539 सेकेंड इंडेक्स पे है। इस तरह से तुम यहाँ पर इस लिस्ट को देख सकते हो। और यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि हम दो लूप का यूज करने वाले हैं, और साइज को मैं एन मानकर चलूंगा, ठीक है। और आउटर, यहाँ पर आउटर लूप जो है वो हम आई के थ्रू इटरेट करेंगे, और इनर वाली जो लूप है उसे हम जे के थ्रू इटरेट करेंगे, ठीक है। और ये रहा लिस्ट, और आई यहाँ पर मैं आई की वैल्यूज लिखूंगा और जे यहाँ पर, ठीक है, तुम सबको पता ही है। तो देखो बबल सॉर्ट में काम किस तरह से होता है। बबल सॉर्ट में हम दो दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, और ऐसे करते करते हमारे पास जब पहली इटरेशन कंप्लीट होती है तब हमारे पास जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो लार्ज वाले जो लार्जेस्ट इंडेक्स है वहां पर पहुंच जाती है। सेकेंड इटरेशन पे जो सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो सेकेंड लार्जेस्ट इंडेक्स पे पहुंच जाएगी, ठीक है। इस तरह से काम होने वाला है यहाँ पर। तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ किस तरह से हम करने वाले हैं। सबसे पहले मान लेते हैं जब हमारा जो आई की वैल्यू है वो जीरो है, ठीक है, बाहर वाली लूप आई की वैल्यू जीरो। इस केस में जे की वैल्यू में यहाँ पर हम स्वैपिंग करने वाले हैं। तो देखो 839 और 658 में से शुरू में किसे रहना चाहिए, 658 को रहना चाहिए क्योंकि 658 जो है वो छोटा है। तो यहाँ पर हम चीज़ों को स्वैप कर देंगे, यहाँ 889 यहाँ पर और 658 यहाँ पर। यहाँ पर अभी हमने इन दोनों में चेक किया, जीरो और वन में। अब हम चेक करेंगे वन और टू में। तो वन और टू में कौन सी वैल्यू बड़ी है, ऑब्वियसली ये वाली बड़ी है। इस चीज़ को हम यहाँ कर देंगे, यहाँ पर अभी हम स्वैपिंग करेंगे, 539 यहाँ पर चली जाएगी और 839 यहाँ पर चली जाएगी। अब इन दोनों में भी देख लो, तो इनमें भी तुम देख सकते हो कि 753 जो है वो छोटी वैल्यू है, तो ये पीछे जाएगी और ये आगे जाएगी। अभी हमारा पहला ही इटरेशन चल रहा है, यहाँ पर अभी तुम देख सकते हो आई की वैल्यू जीरो है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर इन दोनों में देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी 77 जो है वो आगे जाएगा, 77 को मैं आगे लेकर आ गया और 839 को मैं पीछे लेकर आ गया। इनमें भी फिर इन दोनों में चेकिंग होगी, ये भी आगे जाएगा। उसके बाद इन दोनों में भी तो ये भी आगे जाएगा, और ऐसे करते करते तुमने यहां पर देखा कि मैं सबसे लास्ट वाले इंडेक्स तक पहुंच गया। और लास्ट वाले इंडेक्स आते आते मैंने तुम्हें क्या बताया था कि पहली इटरेशन जब कंप्लीट होगी उस टाइम पर हमारे पास क्या होगा, जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो सबसे आगे रखी हुई होगी। तो क्या ये हो चुका है? हाँ ये हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने इस डब्बे का जो कलर है वो चेंज कर दिया। अब यहाँ पर जब दूसरी इटरेशन चलेगी तो एक काम करते हैं, यहाँ पर दूसरी इटरेशन चलाते हैं। इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारे पास फिर से वो चीजें चलेंगी। यहां पर इन दोनों में पहले चेकिंग होगी, तो ये वापस है यहां पर चेंज होगी वैल्यूज, और इन दोनों में तो सही है, फिर इन दोनों में वैल्यूज जो है वो चेंज होंगी। अब ऐसे करते करते हम लास्ट वाले डब्बे को नहीं छुएंगे, क्योंकि हमें पता है कि लास्ट वाले वैल्यू में, लास्ट वाला जो डब्बा है उसमें ऑलरेडी जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो पहुंच चुकी है। अब जो सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू है वो हमारे इस वाले डब्बे पे, सेकंड लार्जेस्ट डब्बे पे पहुंच चुकी है, ठीक है। तो ये काम है बबल सॉर्ट का। ऐसे करते करते मैं बाकी चीजें भी, प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर लेता हूँ।
तो इस तरह से तुम्हें दिख रहा होगा कि सारे जो वैल्यूज है वो अरेंज हो चुके हैं असेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पर ऐसे आते आते मेरे पास यहाँ तक की सारी वैल्यूज ऐसे अरेंज हो चुकी हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि ये सबसे छोटी वैल्यू होगी, ठीक है, क्योंकि जो जो भी बड़ी वैल्यूज थी वो आगे शिफ्ट होती जा रही हैं। तो इस तरह से हमने इसे अरेंज कर लिया। तो अभी हम देख लेते हैं कि यहाँ पर वेरिएबल्स जो है वो किस तरह से चेंज हो रहे हैं। अगर हम साइज की बात करें, हम सबको पता है यहाँ पर टोटल कितनी साइज है, हमारे हमारी जो लिस्ट है उसकी कितनी साइज है टोटल, टोटल 8 एलिमेंट्स यानी 8 साइज है उसकी, और उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, एन से, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर साइज आ गई। अब है हमारे पास दो चीजें, एक तो आउटर वाली लूप और एक अंदर वाली लूप, ठीक है। अब ये जरा देख लेते हैं कि आउटर वाली लूप जो है वो कितने बार चल रही है। आउटर वाली लूप की बात करें तो वो 0 से लेकर 6 तक चल रही है, ठीक है, यानी 0, 2, और हम 6 को किस तरह से लिख सकते हैं। अगर यहां पर मैं n-1 लिखूं तो क्या होगा, n में क्या है हमारे पास, n में 8 आ जाएगा, और अगर मैं n-1 लिख रहा हूं, ठीक है, अगर मैं n-1 लिख रहा हूं, इसका मतलब तो मैं ये कह रहा हूं कि 0 से लेकर 6 तक, सॉरी 7 तक चले, लेकिन मेरे पास यहां पर मैं कहां तक चला रहा हूँ, 0 से लेकर 6 तक चला रहा हूं, ठीक है। लेकिन हम सबको पता है जो रेंज फंक्शन होती है, ठीक है, जो रेंज फंक्शन होती है वो 0 से लेकर, अगर हम यहाँ पर लोअर लिमिट दे रहे हैं, ठीक है, तो 0 से लेकर n-1 तक अगर हम लिखें तो वो लास्ट वाली लिमिट जो है वो काउंट नहीं करती, तो ये चलने वाला है n-2 तक, ठीक है। मतलब वही है कि 0 से लेकर 6 तक चलेगा, ठीक है। तो इसे मैं रेंज फंक्शन के अंदर लिख देता हूँ, रेंज 0, n-1, ठीक है, ये हो गया आउटर। तो अब हम बात कर लेते हैं इनर लूप के बारे में। तो इनर लूप कितने बार चलने वाली है, अब देखो जब इनर लूप उसे हम किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, यहाँ पर जे से हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। तो इनर लूप जब 0 होगा उस वक्त इन दोनों में यहाँ पर चेकिंग होगी, उसके बाद फिर 1 होगा, फिर 2, फिर 3, 4, 5 और ये 6, ठीक है। तो यानी ये 0 से लेकर 6 तक चल रही है। एक बार फिर से दिखाता हूँ, जब ये 0 में होगी तो यहाँ पर इन दोनों में कंपैरिजन होगा, 1 होगा तो फिर इन दोनों में कंपैरिजन होगा, 2 इन दोनों में कंपैरिजन, 3 इन दोनों में कंपैरिजन, 4 इन दोनों में कंपैरिजन, 5 इन दोनों में कंपैरिजन, 6 इन दोनों में कंपैरिजन, ठीक है। इस तरह से हमारी जो लूप है वो कितने बार चल रही है, 6 टाइम्स। पहली बार में वो 6 टाइम्स चल रही है, आगे भी देखने वाले हैं उसे, फिर हम उसे इस तरह से यहाँ पर हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो पहली बार ये n-1 हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 0 से n-1 लिखेंगे तो इसका मतलब हम कह रहे हैं 0 से लेकर n क्या है, n में हमारे पास 8 है, तो 8-1 7, तो 0 से लेकर 7, और हम सबको पता है कि यहाँ पर ये जो 7 वाली वैल्यू है उसे काउंट नहीं करने वाला जो रेंज फंक्शन है, तो अब हम इसे कह रहे हैं कि 0 से लेकर 6 तक, ठीक है, ये था। और उसके बाद अगर हम सेकेंड वाली इटरेशन पे जाएं तो यहाँ पर क्या होगा, जब i की वैल्यू 0 होगी, सॉरी जब j की वैल्यू 0 होगी, तो इन दोनों में कंपेरिजन, 1 इन दोनों में, 2 इन दोनों में, 3 इन दोनों में, 4 इन दोनों में, ठीक है, बस यहां तक ही हो रहा है। जब j की वैल्यू 4 आ रही है तब तक कंपैरिजन कर रहे हैं हम। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम i की वैल्यूज माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि तुम देख रहे हो कि यहां पर 1 तब आ रहा है जब एक वैल्यू जो है वो सॉर्ट हो चुकी है, ठीक है, मतलब एक वैल्यू अपने घर तक पहुंच चुकी है। फिर जब 2 वैल्यू पहुंच जा रही है उसके बाद हम सेकेंड इटरेशन चालू कर रहे हैं, जब 3 वैल्यूज पहुंच चुकी है उसके बाद हम थर्ड इटरेशन चालू कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ज्यादा हर बार चेकिंग नहीं करवानी होगी, हर बार तो हमें कंपैरिजन नहीं करना होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर हम आए तो ये वैल्यू ऑलरेडी सॉर्ट हो चुकी है, तो यहाँ पर अब बाकी जितनी वैल्यूज हैं हम उनके लिए करवाएंगे। फिर अगर सेकेंड टर्न पे आए तो यहाँ पर इतनी वैल्यूज हो चुकी है, ठीक है, उसके बाद अब बाकी जितनी वैल्यूज बची है उनके लिए करवाएंगे, तो यहाँ पर उतनी वैल्यूज जो है, यहाँ पर अगर 2 है, आई की जो वैल्यू है वो माइनस होती जा रही है यहाँ पर तुम अगर देखो तो, इसलिए हम यहाँ पर n-i-1 कह सकते हैं, या फिर n-1-i, कुछ भी करो वैल्यू तो एक ही आने वाली है। अब अगर तुम देखो तो हमारे पास जो कुछ भी है वो सब सही से चलेगा, ठीक है। तो अभी हम बबल सॉर्ट का प्रोग्राम जो है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो भी वेरिएबल्स का मैंने लिखा था वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है, और उसके बाद हमारे पास ये जो लिस्ट है वो है, और ये हमें सिंपली अभी का जो लिस्ट है उसे प्रिंट करके दे रहा है। अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं तो अभी लिस्ट बिफोर स्वैपिंग है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं लिस्ट बिफोर सॉर्टिंग, मुझे यहाँ पर सॉर्टिंग लिखना चाहिए था, ठीक है, लिस्ट बिफोर सॉर्टिंग ये रही। अभी मुझे यहाँ पर सॉर्टिंग का काम जो है वो करना है, तो उसके लिए यहाँ पर हमें प्रोग्राम बनाना होगा।
सबसे पहले एक काम करते हैं, साइज को ले लेते हैं। साइज हमने एन के थ्रू लिया था, एन में हम ले लेते हैं लेंथ ऑफ एल वन। एल वन जो है वो हमारा लिस्ट है, उसे हमने यहाँ पर रख लिया। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, बाहर का जो लूप है उसको चलाने वाले हैं फॉर आई इन रेंज। और रेंज के अंदर हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, रेंज के अंदर हम यहाँ पर आउटर लूप चला रहे हैं, तो ये जीरो से लेकर एन माइनस वन तक चलेगा, तो हम यहाँ पर सिंपली एन माइनस वन लिख सकते हैं, यहाँ पर हमारा काम हो जाएगा। इसके बाद अंदर वाली लूप जो है वो चलेगी फॉर जे इन रेंज, और ये जो अंदर वाली लूप है उसके लिए हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, एन माइनस आई माइनस वन। ठीक है, अब इसके अंदर हम यहाँ पर स्वैपिंग का काम करने वाले हैं, कब, जब शुरू वाली वैल्यू बड़ी होगी तब। तो उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, इफ एल वन ऑफ जे इज ग्रेटर देन एल वन ऑफ जे प्लस वन। ठीक है, उस केस में क्या करो, चीजों को स्वैप कर दो, एल वन का जो जे है, फिर एल वन का जो जे प्लस वन है कॉमा सॉरी इक्वल्स टू एल वन का जे प्लस वन कॉमा एल वन का जे। ठीक है, यहां पर हमने इतनी सारी चीजें कर ली। अब हम यहां पर प्रिंट करवा देते हैं लिस्ट आफ्टर सॉर्टिंग एल वन। अगर मैं यहां पर इस चीज को अभी रन करके दिखाऊं तुम्हें, तो यहां पर तुम्हें दिख रहा होगा, यहां पर लिस्ट बिफोर सॉर्टिंग ये रही और लिस्ट आफ्टर सॉर्टिंग ये रही। यहां पर तुम्हें दिख रहा होगा कि सारी की सारी चीजें अब असेंडिंग ऑर्डर में आ चुकी है। एक बार फिर से मैं एक समरी दे देता हूं इस चीज की। तो देखो, सबसे पहले यहां पर मैंने साइज को एन रखा हुआ है, और इलस्ट्रेशन के थ्रू हम समझ चुके थे कि आउटर लूप जो है वो जीरो से लेकर एन माइनस वन टाइम्स चलेगी, इनर लूप जो है वो जीरो से लेकर एन माइनस आई माइनस वन के टाइम्स चलेगी, और उसके बाद ये रही हमारी लिस्ट। फिर हम प्रिंट करवा रहे हैं लिस्ट बिफोर सॉर्टिंग, ताकि हमें पता चले, कंपेयर कर पाए हम चीजों को। उसके बाद हमने यहाँ पर एन में जो है साइज रखवा लिया है। उसके बाद बाहर की लूप कितने बार चल रही है, एन माइनस वन। ठीक है, अब जो अंदर की लूप है वो भी चल रही है एन माइनस आई माइनस वन टाइम्स। और उसके बाद हमने ये कंडीशन लगाया है कि अगर शुरू की वैल्यू जो है वो ज्यादा बड़ी रही आगे वाली वैल्यू से, तो दोनों को इंटरचेंज कर दो, यही तो हम करते थे। तो यहां पर वही इस तरह से हम यहां पर स्वैपिंग कर दे रहे हैं, एल वन के जे प्लस वन में जो भी वैल्यू होगी वो एल वन के जे में चली जाएगी, और एल वन के जे में जो भी वैल्यू होगी वो एल वन के जे प्लस वन में चली जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर स्वैपिंग हो पा रही है, और यहाँ पर हमने लिस्ट को सॉर्टिंग के बाद प्रिंट करवा दिया है। ये था कॉन्सेप्ट बबल सॉर्ट का। तो अभी तक हमने बबल सॉर्ट देख लिया, अब हम देखने वाले इंसर्शन सॉर्ट, और ये भी सॉर्टिंग का एक तरीका है। और यहाँ पर तुम कुछ चेंजेस देख रहे हो, सबसे पहले तो यहाँ पर की एक नई वेरिएबल मैंने रखी हुई है की, और उसके अलावा यहाँ पर आई की जो वैल्यूज थी वो मैंने जीरो से रखी हुई थी, लेकिन यहाँ पर वन से, ऐसा क्यों? तो ये तुम्हारा लिस्ट है, ठीक है, और ये तुम्हारे इंडेक्स हैं सारे के सारे। तो चलो अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है सबसे पहले तो, और धीरे धीरे यहाँ पर जो भी वेरिएबल्स का काम है वो सब मैं यहाँ पर लिखता जाऊंगा, क्योंकि मैं इसको डायरेक्टली प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे लिस्ट की। तो लिस्ट हमारा इनिशियली ये नहीं था, इनिशियली हमारा लिस्ट जो है वो ये था, इसको सही कर देता हूँ मैं। तो ये रहा हमारा लिस्ट, और अभी हम देखने वाले हैं कि इंसर्शन सॉर्ट काम कैसे करता है। सबसे पहले ये काम किस तरह से करता है, ये शुरुआत होती है इसकी फर्स्ट इंडेक्स से, ना कि जीरो इंडेक्स से। ठीक है, ये फर्स्ट इंडेक्स को उठाकर सबसे पहले की में डालेगा। ठीक है, ये इसने यहाँ पर की में डाल दिया। उसके बाद अब ये देखेगा कि की वाली वैल्यू जो है वो क्या इस वाली वैल्यू से छोटी है, अगर छोटी होगी इसको इधर कर देगा, और उसके बाद पीछे तो कुछ और है नहीं, तो इसको वापस से वहां पर डाल देगा। इस तरह से पहला इटरेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अब तक हमने क्या क्या सीखा, अब तक हमने ये सीखा कि वो शुरुआत जो होती है वो पहले वाले से होती है, पहला वाला अपने से पिछले वाले को देखेगा, उसके बाद जो भी काम है वो करेगा। ठीक है ना, तो ये पहले वाले के लिए, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी और सातवीं बार। ठीक है, तो ये लूप कितने बार चलेगा, ये सात बार चलेगा, और कहां से चलेगा वो वन से लेकर, अगर हम सेवन लिखें तो क्या होगा, अगर हम वन से लेकर सेवन लिखे तो वो वन से लेकर सिक्स मानेगा, और छह बार तो हमें नहीं चलाना, तो वन से लेकर एन लिखना होगा, क्योंकि इसकी जो साइज है वो एन है, एन मतलब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। ठीक है, टोटल आठ है, तो यहां पर हम रेंज में लिख देंगे वन कॉमा एन। ठीक है, एन टाइम्स हमको इसको चलाना है।
ठीक है। और की में हमें क्या रखना है, की में आगे वाली वैल्यू रखनी है, ठीक है। अगर हम पहला इटरेशन का काम कर रहे हैं तो ये फर्स्ट इंडेक्स में जो भी चीज है वो रहने वाली है, दूसरे इंडेक्स पे दूसरे इटरेशन में क्या होगा, दूसरे इंडेक्स वाली चीज है वो रहेगी, यानी आगे वाली चीज, ठीक है। तो इसमें हम डाल देते हैं, अगर लिस्ट का नाम L1 रहा तो L1 ऑफ i, ठीक है, या इंडेक्स के थ्रू मैंने इसको बता दिया कि की में हम क्या डाल रहे हैं। और j क्या होगा, मान लेते हैं ये पहला इटरेशन था तो j क्या था, इससे पहले वाली चीज थी j, और यहाँ पर हमें इससे पहले वाली चीज जो है उसे उसके पीछे भी जाना है, मतलब कि अभी तुम्हें समझ नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जब हम सेकेंड इटरेशन कर रहे होंगे, तो ये रही सेकेंड इटरेशन की बात। इस वक्त हम क्या कर रहे होंगे, इस वक्त हमारे पास जो सेकेंड इटरेशन में जो चीज है उससे कंपेयर करवा रहे होंगे चीजों को, और पहले तो इसको उठाकर हम की में रखेंगे। अब देखेंगे कि 753 क्या छोटा है इससे, नहीं नहीं है, फिर हम इसको पीछे भी लेके जाएंगे कंपैरिजन के लिए। तो देखो कंपैरिजन हम किससे करवा रहे हैं, इससे पहले वाली वैल्यू पे, और उसको उसके बाद जो हम इसे फिर पीछे भी लेके जा रहे हैं, इसलिए हम जे में किसी एलिमेंट को नहीं किसी इंडेक्स को रखने वाले हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर वो चीजें पीछे जाती जा रही हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जे इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम इंडेक्स को रखने वाले हैं, i-1 रख सकते हैं हम इसमें, ठीक है, क्योंकि i है, उसके बाद फिर -1 हो रहा है, उसके बाद फिर हम वाइल लूप के थ्रू पीछे जाते जाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। और जब हमारा सारा कंपैरिजन खत्म हो जाए उसके बाद हम यहाँ पर की को उठाकर यहाँ पर रख सकते हैं, मतलब जब वाइल लूप खत्म हो जाए उसके बाद आउटर लूप में हम क्या करेंगे कि अपने की को उसकी एक जगह दे देंगे, ठीक है। अभी हमें क्लियर नहीं हुआ है कि किस जगह पर रखेंगे की को, तो आगे इटरेशन में देखते हैं कि ये किस तरह से और काम कर रहा है। तो इस तरह से धीरे धीरे जो भी कुछ होगा यहाँ पर सारी चीजें हम लिखते जाएंगे, ठीक है। तो काफी ज्यादा डेप्थ में तुम्हें बताने वाला हूँ, यहाँ पर यहाँ से नीचे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड इटरेशन में तीसरे वाले 77 का काम होगा, तो क्या 77 को हम क्या करने वाले, सबसे पहले तो इसको उठाकर हम की में डालने वाले हैं, ठीक है, ये की में चला गया। उसके बाद हम चेक करने वाले हैं, कंपैरिजन करने वाले हैं, 77 क्या फिर 753 से छोटा है, हाँ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, ठीक है। ये वाला इटरेशन तुम ध्यान से देखोगे क्योंकि इसमें हम वाइल लूप का भी कॉन्सेप्ट जो भी है वो लिखने वाले हैं, और वाइल लूप के अंदर जो भी चीज होगी वो भी लिखने वाले हैं, और वाइल लूप के अंदर जो कंडीशन लिखा हुआ होगा वो भी करने वाले हैं, ठीक है। ये पहला हो गया। इसके बाद क्या 77 658 से भी छोटा है, हाँ है, तो 658 को भी वापस यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद फिर से देखेंगे कि 77 539 से छोटा है, हाँ है, इसको यहाँ से रखेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे, तो इसके और पीछे तो जे जा नहीं पाएगा, मतलब कि हमें और अगर कंपैरिजन करना है तो और तो कुछ बचा नहीं, तो अब और कुछ बचा नहीं तो इसको उठाकर यहाँ पर रख देंगे, मतलब जब लूप खत्म होगा अंदर वाला लूप तब हम इसे उठाकर यहाँ पर रख रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर वाइल लूप के अंदर जो भी हम कंडीशन डालने वाले हैं, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जे को जो है वो इससे पहले नहीं जाना है, जे जब 0 पर आ जाता है तो उससे पहले और नहीं जाएगा, क्योंकि इसका यही मतलब है कि अब ये -1 पे जो एलिमेंट है उसको ढूंढो, लेकिन अगर ये -1 वाले एलिमेंट को ढूंढने जाएगा तो फिर ये डायरेक्ट लास्ट पे आ जाएगा, और ये तो हमें करना नहीं है। तो वाइल लूप के अंदर जो कंडीशंस हम डालने वाले हैं, पहला कंडीशन तो हम ये डालने वाले हैं कि जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। और एक और कंडीशन लगेगी, एक और कंडीशन ये लगेगी कि अब जो भी काम है वो तभी करो जब की जो वैल्यू है वो छोटा है अपने से पहले वाली वैल्यूज पे, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे की इज लेस देन L1 ऑफ J, ठीक है, इतना हमने लिख दिया क्योंकि की के पहले वाली वैल्यू ही तो J है। तो यहां पर हमने वाइल लूप के लिए जो कंडीशंस थी वो लिख दिया, और अब इसमें हम करवाने क्या वाले हैं, इसमें हम पहले तो एक काम करते हैं, जो भी करवाने वाले वो नेक्स्ट इटरेशन से देखकर लिखते हैं, ठीक है। ये तो हो गया यहां तक हमारा, इसको उठाकर यहाँ पर, या अभी फोर्थ इटरेशन पे आएंगे हम, आगे फोर्थ इटरेशन पे। अब देखो अब हम यहाँ पर क्या क्या करने वाले हैं, फोर्थ इटरेशन पे है, यानी फोर्थ इंडेक्स वाली जो एलिमेंट है वो चलेगी। अब इसको उठाकर की पे डालने वाले हैं, वो यहाँ से क्लियर हो रहा है, ठीक है, की पे जो हमारी चीज़ है वो आ गई है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या 753 बड़ा है इससे, या फिर कह सकते हैं कि क्या की जो है वो छोटा है इससे, हाँ है, इस कंडीशन से हम वेरीफाई कर रहे हैं। तो उस केस में क्या करो, उस केस में जे इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको उठाकर की के जो इंडेक्स में जो वैल्यू थी, यानी कि आई,
देखो की जो है वो आई पे है, तो इसको उठाकर वहां पर रख दो। तो ये हम कैसे करवाएंगे, ये यहां पर हम लिख देते हैं L1 ऑफ आई में असाइन कर दो किसको, L1 ऑफ J+1 को, ठीक है ये हो गया। उसके बाद हम कह रहे हैं कि अब और पीछे जाओ और फिर चेक करो की के साथ पे उसको, मतलब कि अगर हम J को और पीछे ले जाएं उसके बाद हम कंपेयर करवा सकते हैं की में और J में। तो एक काम करते हैं, यहां हम लिख देते हैं J इज इक्वल्स टू J-1, मतलब J को एक और पीछे लेकर आ जाओ, ठीक है। अब J हमारा जो है वो यहां पर आ चुका है, ठीक है। आउटर लूप को थोड़ा नीचे कर देता हूँ ताकि तुम डिफ्रेंशिएट कर पाओ चीजों में। अब J जो है वो यहां पर आ चुका है। अब क्या ये वाली वैल्यू 489 छोटी है इससे, हाँ है। अब एक तो ये क्या होगा, यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अब जब ये यहां पर आ रहा है और फिर J क्या होगा, J यहां पर मतलब इसके थ्रू ये यहां से उठ के यहां पर आ जाएगा, लेकिन J इज इक्वल टू J-1 के थ्रू J यहां पर आ जाएगा। और उसके बाद फिर वापस से वाइल में कंडीशन चेक होगी, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी पहली वाली, और दूसरी कंडीशन भी यहां पर ट्रू हो जाएगी क्योंकि यहां पर 489 जो है वो छोटा है 539 से, तो इसके लिए भी 539 उठकर यहां पर आएगा और फिर J उठकर यहां पर जाएगा। अब हमें क्या दिख रहा है कि क्या 489 J की जो वैल्यू है 77 वो बड़ा छोटा है उससे, नहीं ये उससे छोटा नहीं है। तो इस केस में क्या करो, जब लूप खत्म हो जाएगा, लूप यहीं पर खत्म हो जाएगा, यहाँ पर ये कंडीशन यहाँ पर फुलफिल नहीं हो पाएगी क्योंकि एंड में क्या चाहिए, ये कंडीशन भी फुलफिल हो ये कंडीशन भी फुलफिल हो। तो हमारे पास कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हुई इसका मतलब ये है कि व्हाइल का जो काम है वो खत्म हो गया है। तो अब तक क्या हुआ है कि अब तक हमारे पास J यहाँ पर पहुंच गया है, ऐसे शुरू से जाते जाते पीछे जाते जाते जो J जो है वो यहां तक पहुंच गया है, और यहाँ पर ऑब्वियसली बात है कि लूप का जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो पाया, तो लूप यहीं पर खत्म होता है। तो अगर लूप यहाँ पर खत्म हो गया तो ये कौन सी वैल्यू होगी, ये J+1 होगी। अगर ये J है पीछे वाली तो आगे वाली J+1 होगी। तो इस केस में क्या करो, क्योंकि हम यहाँ पर J को पीछे भेजते जा रहे हैं ना, तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि J+1 में की को डाल दो, ठीक है ये कह रहे हैं हम। तो लूप खत्म होने के बाद ये आउटर लूप जो है वो कंटिन्यू रहेगा, और यहां पर हम इसे कहेंगे कि L1 के J+1 में की को डाल दो। इस तरह से हमारा जो भी काम था वो कंप्लीट हो गया है, और अगर अब इतने ही रूल्स को हम फॉलो करके चले तो हमारा बाकी का काम भी हो जाएगा। अगर मैं फिर से तुम्हें दिखाऊं अगले इटरेशन में तो चलो देख लेते हैं, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो भी क्लियर हो जाएगी। यहाँ देखते हैं फिफ्थ इटरेशन में पांचवें नंबर की एलिमेंट के लिए कंपैरिजन होगा, ये उठ के डायरेक्ट की में चली जाएगी। अब क्या ये वैल्यू इस वैल्यू से छोटी है, हाँ है, तो ये उठ के यहाँ चली जाएगी। यहाँ पर J था, अब हमने क्या कर दिया, J को पीछे भेज दिया, ठीक है। J इज इक्वल टू J-1 के थ्रू हमने J को पीछे भेज दिया। अब ये यहाँ पर चेक करेगा, कंपेयर करेगा कि क्या की की वैल्यू इस वैल्यू से छोटी है, हाँ है, ये वाली ये दोनों कंडीशन ट्रू हो रही हैं, और J इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का तो यही काम है कि वो और पीछे नहीं जाने देगा लिस्ट को, सॉरी इटरेशन को, लूप को। और यहाँ पर जो आगे वाली वैल्यू है वो चेक हो रही है, तो की जो वैल्यू है वो ऑब्वियसली छोटी है 658 से। तो इस केस में क्या होगा कि हम और J अभी यहाँ पर है तो यहाँ पर इसे उठाकर यहाँ पर लेके जाएंगे, फिर J इक्वल्स टू J-1 के थ्रू हम J को यहाँ पर भेजेंगे, ठीक है J यहाँ पर है। और अभी यहाँ पर अगर कंपैरिजन होगा कि की वैल्यू जो है 593 क्या छोटी है इससे, नहीं, तो इस केस में ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जा रही, तो ये लूप चलना बंद हो जाएगा। और ये लूप जब चलना बंद हो तो आउटर लूप यहाँ से ये वाली जो लूप है वो कंटिन्यू रहेगी, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब J यहाँ पर है, ठीक है J अभी तो यहाँ पर है, तो हम कह रहे हैं कि J-J+1 वाले जगह पे इंडेक्स पे की को असाइन कर दो, तो की को उठाओ और यहां पर रख दो, ठीक है। अब तक तो सबको क्लियर हो गया होगा, और अगर क्लियर अभी तक नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आगे के दो इटरेशंस भी देख लो, यहां पर तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। यहां से उठाते हैं, एकदम अच्छे से समझाता हूँ। ये छठे नंबर का इंडेक्स है, मतलब छठे नंबर का लूप जो है वो चल रहा होगा यहाँ पर, और यहाँ पर छठे नंबर का जो इंडेक्स पे जो जो भी है हमारा एलिमेंट वो ये रहा, ठीक है। तो सबसे पहला का पहला काम हमारा क्या रहेगा, की में चीजों को डालना, L1 ऑफ आई, ठीक है। आई में 6 है तो 6 वाली चीज को हम यहां पर डाल देंगे, हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद J इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका काम यही है कि ये जो हम कंपैरिजन कर रहे होंगे तो J को इससे पहले नहीं जाने देगा क्योंकि यहीं तक हमें चेकिंग करनी, और उससे पहले तो कुछ है ही नहीं लिस्ट में, तो ये और क्यों पीछे जाएगा, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि की जो है वो छोटा हो L1 ऑफ J से,
और जे क्या है, जे की से जस्ट पहले वाली वैल्यू है अभी, क्या ये वैल्यू छोटी है इससे? हाँ है, तो इस केस में क्या करो, इस केस में एल वन ऑफ आई में यानी कि यहां पर इस वैल्यू को उठाकर डाल दो। डाल दिया, अभी जे हमारी यहां पर थी, और उसके बाद ये क्या कह रहा है, जे इक्वल्स टू जे माइनस वन, जे को यहां पर कर दो। ठीक है, अब जे यहां पर शिफ्ट हो गई है। अब यहां पर देखे तो क्या की वैल्यू अभी भी छोटी है? हाँ छोटी है। इस केस में भी क्या होगा, ये उठकर यहां चली जाएगी इस लाइन के थ्रू, और उसके बाद फिर जे जो है वो यहां से यहां चला जाएगा, जे इक्वल्स टू जे माइनस वन के थ्रू यहां पर आ गया जे। ठीक है, अब यहां पर भी कंपैरिजन होगा, क्या 241 जो है वो छोटा है इससे? हाँ है। ठीक है, इसके थ्रू तो ये उठकर यहां पर आएगा, उसके बाद क्या 241 इससे छोटा है? हाँ है, ये भी आकर यहां पर आ जाएगा, उसके बाद क्या 241 इससे भी छोटा है? हाँ है, तो जे की वैल्यू यहां पर पहुंच जाएगी, और फिर ये उठकर यहां जाएगा, और इसके बाद जे की वैल्यू यहां पर पहुंच जाएगी। अब यहां पर कंपैरिजन होगा, तो क्या की वैल्यू फिर से इससे छोटी है? नहीं है। ठीक है, की बड़ी है, तो इस केस में क्या होगा, ये इनर लूप जो है वो खत्म हो जाएगा, और उसके बाद आउटर लूप के थ्रू ये जे है तो जे प्लस वन ये है, तो एल वन ऑफ जे प्लस वन में की को असाइन कर दो। ठीक है, तो ये उठकर यहां से यहां पर आ जाएगी, हो गया। अब एक लास्ट इटरेशन हमारा बच रहा है, यहां पर एक और इटरेशन है, तो यहां पर इसे मैंने यहां पर रख दिया। ठीक है, अब देखते हैं, अब यहां पर सेवेंथ सेवेंथ वाले इंडेक्स पे जो चीज है यहां पर, अब ये कंपेयर होगा, तो इसको उठाकर हम डाल देते हैं की पे। ठीक है, यहां पर मैंने की पे डाल दिया, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। हाँ, तो अब देखो यहां पर की पे ये वाली चीज आ चुकी है इसके थ्रू, और जे पे हम सबको पता है कि की के जस्ट पहले वाली जो वैल्यू होती है उसका इंडेक्स होता है, तो ये रहा इंडेक्स। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर जो है वो ये वाली वैल्यू कंपेयर होगी इससे, तो क्या ये वैल्यू छोटी है इससे? नहीं, ये वैल्यू छोटी नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, वाइल लूप फिर से ब्रेक हो जाएगा, और आउटर लूप का जो कंटिन्यूएशन का पार्ट था, आउटर लूप यही है, एक ही लूप है। ठीक है, और अंदर में हम इसको लिखने वाले हैं, और ये जब खत्म हो जाएगा इनर का लूप, तो फिर आउटर लूप कंटिन्यू रहेगा, उसमें हम यहां पर लिखेंगे कि जे पहले क्योंकि ये थी तो जे प्लस वन ये होगी, तो एल वन के जे प्लस वन में वापस यानी कि यहीं पर की को उठाकर डाल दो। तो बस सारे कंडीशंस यहां पर हमने लिख दिए हैं, और इसके थ्रू हमने अपना जो इंसर्शन सॉर्ट का काम था वो कंप्लीट कर लिया है, और ये हमारे पास जो भी डेटा आ रहा है, जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं वो ये रही, इनके थ्रू अब हम अपने प्रोग्राम को बना सकते हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं इन चीजों को नोट कर लेता हूँ, उसके बाद वीएस कोड में हम अपने प्रोग्राम को बनाने वाले हैं। तो ये रहा हमारे पास प्रोग्राम, देखो अभी तक मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है, यहाँ पर करना क्या है वो मैंने लिखा है, और उसके बाद जो भी वेरिएबल्स के साथ मैंने उधर नोट किया हुआ था अपने इलस्ट्रेशन में वो मैंने यहाँ पर लिख कर रख दिया है। फिर यहाँ पर मैंने लिस्ट को असाइन कर दिया कि लिस्ट में हमारी ये सारी वैल्यूज हैं, और प्रिंट करवा दिया लिस्ट बिफोर सॉर्टिंग। अब हम यहाँ पर सॉर्टिंग का काम करवाएंगे, उसके बाद लास्ट में प्रिंट भी करवा देंगे लिस्ट आफ्टर सॉर्टिंग। ठीक है, यहाँ पर अब तक तुम देखो प्रोग्राम बस इतना काम कर रहा है हमारा, ये इतना काम कर रहा है हमारा प्रोग्राम। ठीक है, अब मैं यहां पर लिस्ट को सॉर्ट करने वाला हूं इंसर्शन सॉर्ट के थ्रू। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो लूप चलाना है। ठीक है, और साइज को हमने अभी तक दिया नहीं है, साइज हमने यहां पर एन लिखा हुआ है ना, तो साइज भी हमें देना है, तो साइज इक्वल्स टू लेन ऑफ लेन फंक्शन के थ्रू L1। ठीक है, अब हम यहां पर लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज, कहां से कहां तक चलाएंगे, वन से लेकर एन तक। ठीक है, क्यों, मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया ऑलरेडी। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमें की में ये वाली वैल्यू देनी है, इसको उठाकर मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। ठीक है, उसके बाद हमें पता है कि जे की जो वैल्यू है वो आई से एक कम होगी, यानी कि की के जस्ट पहले वाली वैल्यू होगी, उसके लिए मैंने यहां पर ये लिख दिया। उसके बाद एक इनर लूप है, उसके लिए यहां पर मैंने जो कंडीशन है वो लिख कर रखा हुआ है, यहां पर मैंने इनर लूप चला दिया। ठीक है, और इसके अंदर हमने दो लाइंस लिख के रखी हुई हैं कि पहला तो जो आगे वाली वैल्यू है उसको पीछे कर दो। ठीक है, और दूसरा जे को पीछे लेकर आते जाओ। ठीक है, ये हो गया वाइल लूप, और आउटर लूप अब यहां से कंटिन्यू होगा, उसके लिए हमने यहां पर ये लिखा हुआ है, इंडेंटेशन से बाहर आकर हम ये लिख सकते हैं। अब यहां पर हमने लिख दिया है कि की जो वैल्यू है वो फाइनली पीछे वाले वैल्यू पे डाल दो। ठीक है, और यहां पर मैंने यहां पर एन लिखा है, लेकिन यहां पर मैंने साइज लिखा है, इसको मैंने गलत किया हुआ है, इसको मैं सही कर देता हूँ। तो साइज को मैंने एन से रीड आउट यहां पर लिख दिया,
और अब ये बिल्कुल सही है। तो लूप हमारे यहाँ तक खत्म हो चुका है, और यहाँ पर इतने तक यहाँ पर इनर लूप था और ये आउटर लूप का है, ठीक है, क्योंकि इंडेंटेशन ये किस पे है, आउटर लूप के लिए है। अब यहाँ पर सब चीजों से बाहर आकर मैं प्रिंट करवा देता हूँ लिस्ट आफ्टर सॉर्टिंग। यहाँ पर मैंने L1 लिख दिया, ठीक है। अगर इसको मैं अभी रन करूँ तो अभी तुम्हें दिख रहा होगा कि हमारा लिस्ट जो है वो सॉर्ट हो चुका है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। लिस्ट बिफोर सॉर्टिंग ये रहा और लिस्ट आफ्टर सॉर्टिंग ये रहा। तो इस तरह से तुम्हारा सॉर्टिंग का जो भी काम है वो खत्म होता है, और इस तरह से रिविजन टू टू भी खत्म होता है।